तो जनाब आज की वीडियो में हम लोग एक वेबसाइट बनाने वाले हैं सिर्फ HTML और CSS की सहायता से। हम लोग HTML और CSS का यूज़ करेंगे और पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाएंगे। और इस बात का हम लोग ध्यान में रखेंगे कि मान लो आपको कॉलेज से एक प्रोजेक्ट के तौर पे वेबसाइट बनाने को मिली थी और आपने अभी तक नहीं बनाई है, कल आपको सबमिट करना है, तो हम लोग टाइम को मद्देनज़र रखते हुए कम से कम कोड में अच्छी से अच्छी वेबसाइट को डिज़ाइन करने वाले हैं। और वेबसाइट डिज़ाइन करते समय देखो दो फैक्टर काम में रखते हैं। मतलब पहला ये है कि अगर आप चाहें तो उसमें बहुत सारे फीचर्स डाल दें, बहुत सारे फंक्शंस डाल दें, बहुत सारा कोड लिख दें, तो वो वेबसाइट अच्छी बनेगी। और दूसरा ये कि आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, कलर का अच्छे से यूज़ करें और थोड़ी सी डिज़ाइनिंग पे ध्यान दे दें CSS में, तो आपकी वेबसाइट कम समय में ज़्यादा अच्छी बनकर निकल सकती है। तो हम लोग दूसरे वाले फैक्टर को काफ़ी ज़्यादा फोकस पे रखेंगे और एक वेबसाइट को काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन करेंगे और कम समय में डिज़ाइन करेंगे। तो उस वेबसाइट को जब आप देख लेंगे तो एक रात के अंदर आप उसको बना भी सकते हैं, प्लस सोर्स कोड मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसका यूज़ कर सकते हैं, उसको भी आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करके एक वेबसाइट तैयार कर सकते हैं और उसको अपने कॉलेज में सबमिट कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो को आपको लास्ट देखना है, चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाते हैं। तो जनाब हम लोग आ चुके हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पे। अब हम लोग यहाँ पर एक वेबसाइट को पूरे स्क्रैच से मतलब HTML का एक एक कोड लिख के और CSS की एक एक प्रॉपर्टी लिख के बनाने जा रहे हैं। देखो वीडियो हो सकती है थोड़ा लंबी बने क्योंकि कोड लिखने से पहले मेरा ये ध्यान में रहेगा कि जो भी लाइन मैं लिख रहा हूँ चाहे वो HTML की हो या CSS की कोई प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ उसको आपको पता चले कि इस लाइन से क्या हो रहा है, एट द एंड जो कोड लिखा गया है उससे क्या चीज़ बनी है, ठीक है। तो ये मैं एक्सप्लेन भी करते चलूँगा और लास्ट में भी आपको बता दूंगा कि इससे ये चीज़ हो रही है, ठीक है। तो इस वजह से हो सकता है वीडियो लंबी बने, पर जब पूरी वेबसाइट बन जाएगी तो आपको एक मतलब पता चल जाएगा अच्छा इस तरीके मैं भी बना सकता हूँ। और डिस्क्रिप्शन में सोर्स कोड दिया होगा तो आप उसको जिप फाइल को डाउनलोड करके डायरेक्ट अपने कोड एडिटर पर इंस्टॉल कर लीजिए और उसके बाद आप उसको भी कोड में हेर फेर करके अपनी वेबसाइट तैयार कर सकते हैं। यानी आप कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हम लोग खोल लेंगे फाइल मैनेजर को। फाइल मैनेजर को खोलने के बाद आएंगे डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे आने के बाद में हम लोग को चूंकि यहाँ पे बनाना है एक पोर्टफोलियो वेबसाइट, ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पे नाम दे देंगे, एक मतलब एक फोल्डर बनाएंगे और फोल्डर का नाम रख देंगे पोर्टफोलियो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ और वीडियो हो सकता है मैं जानता हूँ कि लंबी बनेगी क्योंकि मैं यहाँ पे एक मतलब एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा कि कोई भी अगर इमेज यूज़ कर रहा हूँ तो वो कहाँ से आएगी या फिर जो भी चीज़ एक्सप्लेन करी जा रही मतलब जो भी चीज़ें यूज़ करी जा रही सबका मतलब एक एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो न्यू फोल्डर ना रख के मैं इसका नाम रख लेता हूँ पोर्टफोलियो, ठीक है, पोर्टफोलियो। और अगर ऐसे ही अगर वीडियो तो आपको समझ में आए अच्छे लगे तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं और लेकर आऊँगा। तो पोर्टफोलियो के अंदर एक ये इमेजेस नाम का फोल्डर पड़ा है, इसको मैं यहाँ से कट कर लूँगा और यहाँ पर पोर्टफोलियो के अंदर आऊँगा और यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर दूँगा। ओके, इमेजेस आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग जनाब करने के हवाले हैं, कुछ इमेजेस पड़ी हुई हैं जैसे कि HTML का लोगो, CSS का, JavaScript का, एक ये आपका सोशल मीडिया के तीन ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पड़े हुए हैं, ये हम लोग वेबसाइट बनाएंगे तो वहाँ पर यूज़ करेंगे। पर आप ये कहाँ से ला सकते हो ये वीडियो के मतलब जब हम लोग जब इनको यूज़ कर रहे होंगे तो आपको बताते चलेंगे कि मैंने कहाँ से निकाला, आप कहाँ से निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं इसको देखो ओपन करूँ तो ये कुछ इस तरीके की SVG इमेज है, जैसे कि आपकी JPG होती है उसी तरीके SVG भी होती है, ठीक है। तो इसका भी हम लोग यूज़ करने वाले हैं। थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा है कि किस तरीके की वेबसाइट बनेगी, पर पूरा अंदाज़ा नहीं है कि क्या हम लोग बनाने वाले हैं, ठीक है। तो थोड़े थोड़े अंदाजे से ही चीज़ों को लेकर चलेंगे, कलर का अच्छे से यूज़ करेंगे कि जो कलर यूज़ कर रहे हैं वो अच्छा बने, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसको ओपन करते हैं और डायरेक्ट यहीं से विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ओपन विथ कोड और ये ओपन हो गया है, ठीक है। अभी मैं इनको हटा देता हूँ और ये index.html और ये style.html ये पहले की बनी हुई है, इनको मैं सोच रहा हूँ हटा दूँ या फिर पूरा मैं ये फोल्डर जो पहले से खुला हुआ है इसको वर्क स्पेस को क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं क्लोज कर दूँगा, इसको मैं सेव नहीं करूँगा, डायरेक्ट मैं यहाँ से क्लोज वर्क स्पेस और डॉन्ट सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहीं से विजुअल स्टूडियो कोड के ये देखो ऊपर फाइल वाला ऑप्शन है, आपको यहाँ पर जाना है, ये यहाँ पर आपको दिखेगा एड फोल्डर टू वर्क स्पेस, ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट फोल्डर भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। मैं ऐड फोल्डर टू वर्क स्पेस पर क्लिक करूँगा, डेस्कटॉप पे जाऊँगा और जो अभी मैंने करंट ये बनाया पोर्टफोलियो उस पर क्लिक करूँगा, ऐड कर दूँगा। अब इस पर ऐड करने के बाद आप देखो अभी यहाँ पे कोई फाइल नहीं है, सिर्फ इमेजेस पड़ी हुई हैं इस फोल्डर के अंदर। सबसे पहले एक फाइल बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे index.html, ठीक है। तो इस तरीके फोल्डर हम लोग बना चुके हैं, यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं और ये चीज़ मेरे को पोर्टफोलियो के अंदर बनानी है। इमेजेस को क्लोज करते हैं,
index.html, एंटर। और ये हमेशा होता है मेरे साथ, index.html को बाहर रखो, ठीक है। और एक style.css वाली फाइल बनानी है, style.css। देखो तो नाम आप कुछ भी रख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या रख रहे हो, पर हमेशा एक जेन्युइन नेम हम लोग रखते हैं कि जिससे हम लोग को पता चले कि अच्छा ये CSS की फाइल है, वो HTML की फाइल है। और इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि जो होम होता है, ठीक है। होम का हम लोग अगर देखें HTML के अंदर तो उसको बोलते हैं इंडेक्स, ठीक है। और आप जब कभी इसको डालेंगे इंटरनेट पर होस्टिंग के अंदर, ठीक है, मतलब डिप्लॉयमेंट करेंगे, तो वहाँ पर भी इसी तरीके से आपको करना होगा, इंडेक्स को ही वो होम समझेगा, ठीक है। अब हम लोग के पास दो फाइल बनी हुई है, हम लोग इसके अंदर पोर्टफोलियो के अंदर इसको इमेजेस को फोल्डर क्लोज करते हैं, index.html पे आते हैं और html5 करके इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं बॉलर प्लेट को। बॉलर प्लेट के अंदर अब हम लोग टाइटल को डालेंगे सबसे पहले, ठीक है, और इधर इसको क्लोज कर लेते हैं। टाइटल में हम लोग पोर्टफोलियो ही लिखेंगे। और एक एक चीज़ आपको यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उससे आप मेरे को बस ये टाइम देते चलना, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं भैया आप बहुत ही स्लोली कर रहे हो, पर करने को तेज़ भी किया जा सकता है, मैं वीडियो को एडिटिंग के समय भी कर सकता हूँ तेज, पर वो चीज़ सही नहीं लगती मेरे को, ठीक है। मैंने जिस तरीके चीज़ों को सीखा है, मुझे अंदाज़ा है कि वीडियो को तेज या स्पीड में कोई चीज़ अगर आप बता रहे हो तो वो मेरे हिसाब से सही नहीं है। एंटर। और टाइटल पढ़ चुका है, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे एक हेडर सेक्शन बनाया जाए। हेडर सेक्शन देखो, उसके अंदर नेविगेशन बार रखेंगे और उसके नीचे फिर बॉडी का कंटेंट आएगा। तो थोड़ा सा दिमाग में देखो, एक वेबसाइट क्या है, एक बच्चे के तरीके बिल्कुल आपको सोच के चलना पड़ेगा क्या क्या चीज़ें हम लोग उसमें कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको स्टार्टिंग से हम लोग पूरा पूरा एक एक चीज़ों को समझ के चलेंगे। जैसे कि यहाँ पर टाइटल है, तो हम लोग ने अभी CSS फाइल भी लिंक नहीं करा है, तो मैं सोच रहा हूँ CSS फाइल तुरंत यहीं पर लिंक कर दूँ तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। style.css style.css, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, बॉडी पे आया, बॉडी पे आने के बाद में जनाब स्क्रिप्ट जो लगेगी, अभी एक स्क्रिप्ट भी लगेगी वो मैं आगे बताऊँगा, मतलब जावास्क्रिप्ट नहीं यूज़ होगा, पर क्या चीज़ यूज़ होगा वो मैं आगे बताऊँगा, ठीक है। तो अब आपको मेन बॉडी सेक्शन से स्टार्ट करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे हेडर का यूज़ करूँगा और कमेंट करते चलूँगा, मतलब कमेंट से क्या होगा कि आपको पता चलेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ हेडर सेक्शन स्टार्ट, ठीक है। और इसको जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसको सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद मैं कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश और ये कमेंट हो जाएगा, पर इसको यहाँ पे करना है, ठीक है, ओके। अब हेडर के अंदर सबसे पहले मैं नैव बार बनाने की कोशिश करूँगा, तो नैव बार से पहले एक ऊपर हेडिंग रख देते हैं H2 करके, H2 हेडिंग रखी, और इसके अंदर भी डाल देंगे पोर्टफोलियो, ठीक है। चाहते तो यहाँ पे H1 यूज़ कर सकते थे, पर H1 फिर बड़ा ज़्यादा हो जाता, इसलिए हम लोग H2 रखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, अनऑर्डर लिस्ट के ही अंदर आपकी नेविगेशन बार बनती है, क्योंकि हम लोग उसको चीज़ों के अंदर आइटम्स के रूप में डाल रहे होते हैं, ठीक है। तो अनऑर्डर लिस्ट मैंने क्रिएट करी, अब इसके अंदर li क्रिएट करूँगा और li को हम लोग कम से कम चार तो यूज़ करेंगे, 4-5 तो हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। पहले li के अंदर हम लोग देखो लिस्ट आइटम के अंदर एंकर टैग को आपको ओपन करना पड़ेगा। एंकर टैग ओपन किया, एंकर टैग HREF है, हम लोग यहाँ पे अभी देखो चार बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं होम के लिए करता हूँ, तो मैं हैश लगा कर करूँगा, क्योंकि मैं ID को होम दूंगा और वहाँ से ये सिलेक्ट हो जाएगी। क्या कह रहा हूँ अभी आपको धीरे से समझ में आ जाएगा, अभी आपको इतना टेंशन नहीं लेना है भैया ये क्या होता है वो क्या होता है, लास्ट में अभी सब आपको समझ में आएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें हम लोग लास्ट में भी यूज़ कर रहे होंगे। होम, और यहाँ पे भी एक एंकर यूज़ होगा, और इस एंकर में हम लोग क्या नाम देंगे, इस एंकर में नाम देंगे हम लोग सर्विसेज, ठीक है। मैं सोच के कर रहा हूँ, मेरी कुछ तैयारी नहीं है ऐसे खास, पर हाँ थोड़ा थोड़ा दिमाग में है, उसी हिसाब से मतलब कहीं से अंदाज़ा लिया हुआ है उसी हिसाब से हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। सर्विस रखें या फिर सर्विसेज रखें, सर्विसेज, ठीक है। और यहाँ पे भी वही चीज़ हम लोग कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे भी वही दे देते हैं, ठीक है, ओके। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एक लिस्ट में और एंकर टैग क्रिएट करेंगे, और इसमें भी हम लोग क्या कहते हैं, इसमें भी हम लोग एक बनाएंगे नेविगेशन बार वेबसाइट्स नाम का, जिसके अंदर मैं अपनी वो वेबसाइट्स दिखाऊंगा जो मैं बना लेता हूं। मतलब पोर्टफोलियो के अंदर मैं इस तरीके का पोर्टफोलियो बना रहा हूं, जहां पर ये दिखेगा कि मैंने क्या क्या काम किया हुआ है और क्या काम मैं कर लेता हूं, किन टाइप की वेबसाइट्स मैं बना लेता हूं, ठीक है। तो इनके आगे हैश लगाना ज़रूरी है, क्योंकि ID जब हम लोग बनाएंगे तो एक ही पेज के अंदर मल्टीपल पेजेस के रूप में बनाएंगे, वो भी आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है, ओके। Ctrl Z, Ctrl C,
एंड एंकर पे आएंगे, यहाँ पे कंट्रोल वी, ठीक है। और वेबसाइट बनाना वैसे भी कोई हंसी खेल नहीं होता है, तो हम लोग उसको बहुत ही सोच समझ के चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं कि कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो हम लोग को मतलब पहले यूज़ कर ले बाद में हम लोग को दिक्कत हो, ठीक है। अब आईडी भी देना पड़ेगा, आईडी इसलिए देंगे क्योंकि हम लोग को उनको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करना होगा, ठीक है। तो हम लोग वेबसाइट दे दिए, एक एंकर के अंदर और बना लेते हैं कॉन्टैक्ट नाम का, ठीक है। तो एक हम लोग बना लेते हैं कॉन्टैक्ट नाम का, तो मैंने एंकर ओपन किया, एंकर ओपन है कॉन्टैक्ट, तो हैश लगाया कॉन्टैक्ट, ठीक। और यहाँ पे भी लिख देते हैं कॉन्टैक्ट, इतना हो गया। अब एक लिस्ट को हटा देते हैं, तो टोटल हमारे पास देखो चार लिंक हो गई हैं, एक होम हो गया है, ठीक है, और एक सर्विसेज हो गया है, एक आपका वेबसाइट्स हो गया है, एक कॉन्टैक्ट हो गया है, ठीक है, चार हो चुके हैं। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर आईडी दे देंगे सेपरेट इन लोगों को। आईडी का नाम क्या दे सकते हैं, आईडी का भी नाम हम सोच रहे हैं, आईडी का नाम नैव वन नैव टू इस तरीके देंगे, ठीक है। तो हर एक एंकर के अंदर ही हम लोग आईडी दे सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर हमारे पास है, तो यहाँ पे हम लोग आईडी देने के लिए इस तरीके आईडी एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे और इसका नाम रखेंगे नैव वन, ठीक है। और इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी कंट्रोल सी, और इसको कर देता हूँ सब में पेस्ट जाकर कंट्रोल वी, फिर कंट्रोल वी, फिर कंट्रोल वी। कहोगे भैया ये आईडी क्यों दे रहे हो, आईडी इसलिए दी जाएगी क्योंकि हम लोग को पर्टिकुलर इनको कस्टमाइज़ करना है, मतलब कलर भी देंगे, होवर इफेक्ट भी लगाएंगे, इस तरीके का कुछ कुछ इफेक्ट लगाएंगे, तो वो आईडी वहाँ पर काम आएगी, ठीक है। पर्टिकुलर एक एक को हम लोग को डिज़ाइन करना है, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एंकर पहले सबसे पहले अनऑर्डर लिस्ट बनाई, उसके अंदर लिस्ट बनाई, लिस्ट के अंदर एंकर डाले, एंकर के अंदर हैश लगाकर हमने आईडी डाल दी, ठीक है, मतलब हैश लगाकर अब इनका नाम डाला। आईडी भी बाद में क्रिएट होंगी, होम सर्विसेज वेबसाइट कॉन्टैक्ट, ये जब इनका सेक्शन बनेगा वहाँ पर आईडी क्रिएट होंगी। फिर एंकर के अंदर हम लोग ने आईडी क्रिएट करी पर्टिकुलर इसकी, जैसे कि नैव वन, फिर हम लोग ने इसके अंदर किया नैव टू, फिर नैव थ्री, फिर नैव फोर, ठीक है, इस तरीके से हम लोग ने इसको बना दिया, ठीक है। अब उसके बाद में हम लोग ने क्या किया कि इनको नाम दे दिया होम सर्विसेज वेबसाइट कॉन्टैक्ट, इस तरीके से। मैं मान के ये चल रहा हूँ कि ये जैसे मैंने एक वीडियो बनाई है कि ये वेबसाइट कैसे बनाई जाती है, तो इंटरनेट के अंदर नंबर वन टाइप की वीडियो बने, मतलब आप देख लो तो आपको लगे कि हाँ भाई आ गया। कुछ हमने देखे हैं अभी तक, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, उसमें पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाना सिखाते हैं, पर वो खुद ऐसा लग रहा है खुद सीख रहे हैं, जैसे मतलब सीख क्या रहे हैं, उनको आता है, वो फास्ट फास्ट चीज़ें कर रहे हैं, ऐसा करूँगा वैसा करूँगा बोलते जा रहे हैं, और खुद सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा है भैया क्या करोगे। तो यहाँ पर ये चीज़ें, वीडियो लंबी बन सकती है पर एक एक पॉइंट जो बन रहा है उसको समझाते चलें। अब मेरे हिसाब से उसको ओपन कर लेना चाहिए लाइव सर्वर पर। लाइव सर्वर अगर आपको नहीं पता तो एक इंस्टेंशन होती है, यहाँ पे फिफ्थ नंबर का ऑप्शन पे जाकर आप उसको कर सकते हैं इंस्टॉल। तो यहाँ पे देखो एक नेविगेशन बार अभी क्रिएट हुआ है और एक हेडिंग बन गई है, तो अभी इसमें कुछ खास नहीं है, खास होगा बहुत जल्द होगा, ठीक है। तो एक ये जो ये वाला इसको क्लोज करते हैं, यहाँ पर आते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखो लाइव सर्वर की बात कर रहे थे, तो ये फिफ्थ नंबर का ऑप्शन है, यहाँ पर जाकर आप लाइव सर्वर लिखते हैं तो एक इंस्टेंशन इंस्टॉल हो जाएगी आपकी, ठीक है, लाइव सर्वर नाम की। ये देखिए इससे होता क्या, अगर आप इसको इंस्टॉल कर लेते हैं तो आप डायरेक्ट ब्राउजर पर प्रीव्यू देख सकते हैं, लाइव प्रीव्यू कि आपकी वेबसाइट किस तरीके बन रही है, ओके। अब हम लोग बात कर लेते हैं जनाब कि इतना हो चुका है, अब हम लोग हेडर के बाद दूसरा सेक्शन कौन सा बनाने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पर जैसे कि ऊपर कमेंट किए थे हेडर सेक्शन स्टार्ट, तो सेम इसको हम लोग कर लेंगे कॉपी और यहाँ पर लिख देंगे हेडर सेक्शन क्लोज। हम लोग ये इसलिए कर रहे हैं कि आपको जब मैं कोड दूं तो आपको एक लाइन समझ में आ जाए कि अच्छा कहाँ से क्या चीज़ स्टार्ट हो रही है और कहाँ पर क्या चीज़ बंद हो रही है, ठीक है। क्लोज हेडर के बाद अब मैं थोड़ा स्पेस लूँगा क्योंकि स्पेस लेने का पैसा नहीं लगता है जनाब, और इसको यहाँ पे क्लोज होना चाहिए, एक हाइफन और लगाना है और ये क्लोज हो गया। अब मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे दूसरा सेक्शन बनाएंगे हम लोग करके, जिसमें हम लोग इसमें बाकायदा होम का पहले बनाएंगे, फिर हम लोग उसके अंदर जैसे कि आपका हो गया पहले होम के लिए हो गया, फिर कॉन्टैक्ट के लिए हो गया, इस तरीके से एक एक सेक्शन को तैयार करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे सेक्शन टैग ओपन करेंगे, अलग अलग सेक्शन में इसको बांटते चलेंगे, एंटर दबाया। अब इसके अंदर हम लोग सेक्शन के अंदर आईडी दे देंगे, ठीक है। आईडी इसलिए दे रहे हैं जिससे हम लोग, जैसे पहला सेक्शन है होम के लिए, ठीक है, तो हम लोग इसको देंगे होम। और ये ध्यान देना कि ये होम और ऊपर वाला होम स्पेलिंग सेम हो, तभी ये आप जब होम पे क्लिक करेंगे तो ये होम वाले सेक्शन पे आएगा, अगर सर्विस पे हो गए तो सर्विस पे चला जाएगा, जैसे मतलब क्लिक करने पे वहाँ पे डायरेक्ट रिडायरेक्ट हो जाएगा, हैश लगाने से यही फायदा है, ठीक है। अब हम लोग इतना हो चुका है, यहाँ पर एक डिप को क्रिएट करेंगे क्योंकि हम लोग CSS के यूज़ करने वाले हैं, तो डिप तो बनानी पड़ेगी। डिप के अंदर भी हम लोग अपनी क्लास बनाएंगे, ठीक है,
तो div के अंदर क्लास बनाएंगे, क्लास का नाम रखेंगे लेफ्ट, ठीक है लेफ्ट। मैं क्लास को ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, बस रहते आई डी का कहीं खास यूज़ ना हो, ठीक है। अब मैंने देखो लेफ्ट नाम से एक क्लास बना ली, स्पैन लेंगे, स्पैन टैग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि स्पैन हर जगह छोटी से छोटी जगह में अपने आप को फिट कर लेता है, ठीक है। आपका डिव टैग क्या है वो अपने आप को फिट नहीं कर पाता है, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है एचटीएमएल कोर्स में आपको, क्योंकि ये स्पैन टैग आपका इनलाइन एलिमेंट है और डिव आपका ब्लॉक एलिमेंट होता है, ठीक है। अब स्पैन में भी हम लोग सोच रहे हैं, स्पैन में आईडी नहीं देने की जरूरत है, मैं यहाँ पे सिर्फ मैसेज एक लिखूंगा हेलो, ठीक है। हेलो लिखने के बाद मतलब एक तरीके से मैं पोर्टफोलियो बना रहा हूँ, जैसे कि मैं एक वेब डेवलपर हूँ, ठीक है, तो मैं अपने लिए बना रहा हूँ। आप क्या है, आप अपने लिए बनाए, आप हो सकते कोई टीचर हो या फिर हो सकते हैं स्टूडेंट हो, ग्राफिक डिजाइनर हो, तो वो आपको अपने हिसाब से बनाकर चलना है, कोई भी ये नहीं सोचना है कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपने लिए बना रहा हूँ आई एम वेब डेवलपर, ठीक है। तो बहुत ही पहले सोचना पड़ेगा, पहले लिखेंगे आई एम शुभम, क्योंकि अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने लिखा आई एम शुभम, ये पहली लाइन हो जाएगी और यहीं पे हम लोग स्पैन को क्लोज करना चाहेंगे। तो ये हम सोच रहे हैं कि इसको इस तरीके कर दें, यहाँ पर ये पूरी लाइन इसको उठाएं और यहाँ पर रखें, ये स्पैन को उठाएं और यहाँ पर क्लोज कर दें इस तरीके से। बाद में इसको हम लोग अपने हिसाब से फॉर्मेट कर लेंगे, मतलब इसको सही से सेट कर लेंगे जैसा कि ऊपर नीचे होगा, तो ठीक है। हेलो आई एम शुभम। अब मैं H3 हेडिंग का यूज़ करूँगा, H3 हेडिंग यूज़ करने के बाद में अब मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि मैं अपना मतलब क्या है इंट्रोडक्शन में, मैं वेब डेवलपर हूँ, ग्राफिक डिजाइनर हूँ या फिर क्या हूँ, तो आप वो दे सकते हैं। आप मेरे कोड को चेंज करके यूज़ कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसी हिसाब से मैं आपको कोड दे भी रहा हूँ। देखते चलते हैं कि यहाँ पे चीज़ें सही जा रही हैं कि नहीं, बिल्कुल सही जा रही हैं, पर अभी आपको अच्छा इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि अभी इसमें CSS बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करी गई है। CSS जब इंक्लूड होती तो वो अलग मज़ा होता उस चीज़ का। अब मैं फिर सोच रहा हूँ कि स्पैन का यूज़ करते हैं, स्पैन, और स्पैन में इस बार मैं एक थोड़ा सा ब्रीफ लिखूंगा कि आई डेवलप्ड एंड डिज़ाइन वेबसाइट, इस तरीके का, ठीक है। आई डेवलप, ठीक है, आई डेवलप एंड डिज़ाइन वेबसाइट एंड डिज़ाइन वेबसाइट्स, ठीक है। आप जितना कम शब्दों में अपने आप को वर्णन कर पाएं उतना ही अच्छा होता है, ये मेरा मानना है, ठीक है। कभी भी इंट्रोडक्शन दे तो बहुत लंबा इतना ना दे कि इंसान इंट्रोडक्शन में ही अच्छा क्या करते हो क्या नहीं करते हो, उतना नहीं, बस हो सकता है कि आप चंद लाइनों में अपने आप को वर्णन कर दें, वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। उसके बाद में इतना होने के बाद में मैं अब यहाँ पे एक बटन क्रिएट करूँगा, बटन मतलब कि कोई इंसान क्लिक करे तो वो मेरा काम देख पाए। अभी तक मतलब आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो मान सकते हैं, ठीक है, तो आपने सारा जितना भी अभी तक बनाया होगा, जो भी किसी का लोगो या फिर किसी का बैनर फुटर या फिर आपने बनाया होगा पैम्पलेट्स, कोई भी डिज़ाइन बनाई हो, ठीक है, कोई इमेज बनाई हो, तो आपने उसका कलेक्शन कहीं बना कर रखा होगा, चाहे ड्राइव पे या फिर कहीं अदर वेबसाइट पे या कहीं पे भी, तो आप उसका लिंक लगा सकते हैं। या फिर जिस तरीके से मान लो अगर कोई प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो एक गिटहब नाम की वेबसाइट होती है, ठीक है, गिटहब पे हम लोग अपने प्रोजेक्ट्स को मेंशन करते हैं, तो वो बटन दबाते ही वो गिटहब पे चला जाए और आपके सारे प्रोजेक्ट्स को देख ले। उसी तरीके जैसा कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है तो मैं अपना सारा काम यूट्यूब चैनल पर शो करता हूँ, मतलब जो भी वेबसाइट बनाऊंगा अगर ये बना रहा हूँ तो यूट्यूब चैनल पर जाएगी, कोई भी कोर्स बनाता हूँ तो यूट्यूब चैनल पर जाएगा, तो कोई भी व्यक्ति अगर क्लिक करता है तो वो मेरे चैनल पर रिडायरेक्ट हो जाए और मेरा काम देख सके। तो इस तरीके से मैं एक बटन बनाने की कोशिश करूँगा, आई होप सक्सेसफुली होगा, क्योंकि यार इतना तो हम लोग को आता ही है। और अभी जब मैं इसको बनाऊंगा तो एक स्पेशल टिप आपको देने वाला हूँ, उस पर आपको ध्यान देना है। अब बटन के अंदर एंकर टैग यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम लोग कोई लिंक देते हैं, ठीक है, कहीं पर रिडायरेक्ट होने की, तो हम लोग को उसको दिखाना होता है, ठीक है। व्यू माई स्किल्स, इस तरीके से हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, व्यू माई स्किल्स, ठीक है, इस तरीके से हम लोग ने यहाँ पे लिख दिया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ओके, व्यू माई स्किल्स एंड एंकर टैग बंद हो चुका है, यहाँ पे हम लोग को लिंक देनी, तो अब ब्राउजर पे ही आना पड़ेगा। यहाँ तक देखो एक बटन क्रिएट हो चुकी है व्यू माई स्किल्स। अब मैं यहाँ पे एक अपना चैनल खोल लेता हूँ प्रेजेंट टाइम वाला, कहोगे भाई कितने चैनल है, तो एक और है, पर ये जो मेरा मेन चैनल जिस पे आप वीडियो देख रहे हो मेन चैनल है। मेन मेरा मकसद यही है कि पूरा भारत फ्री में कोडिंग सीखे, पैसे देने की ज़रूरत ना हो, और कोडिंग ही ना सीखे, आसान तरीके से कोडिंग सीखे, ठीक है। तो मैं इसको सर्च कर लेता हूँ, सर्च करने के बाद में यहाँ पर मैं आया। अब मैं यहाँ पे एक स्पेशल टिप जो बताने वाला हूँ वो समझो।
देखो पहला तो ये चैनल पे आप जानते हो कि आपको सी प्रोग्रामिंग चल रही है, आपको सी प्रोग्रामिंग सिखाई जा रही है, आप सी प्रोग्रामिंग सीख सकते हो। अगर आप नहीं, मतलब अभी मेन वेब डेवलपमेंट की बात हो रही, तो उसके लिए मैं बताऊं कि प्लेलिस्ट पे आपको जाना है। अब मैं जिसे अभी वेबसाइट बना रहा हूं, ठीक है, तो वेबसाइट के अंदर बेसिकली HTML का पोर्शन तो आपको क्लियर हो जाएगा। फंसता इंसान कहाँ पे? CSS में, कि भैया CSS समझ में नहीं आ रही है। तो यहीं पे आते हुए आपको ये देख रहे हो CSS कंप्लीट कोर्स वेरी इजी, इस पर क्लिक करोगे तो आपको A to Z मतलब कंप्लीट टू कंप्लीट CSS मिल जाएगी। लमसम 54 वीडियोस बना रखी हैं और सारे CSS के टॉपिक A to Z कंप्लीट मतलब कर दिए हैं यहाँ पे। जो टॉपिक ना समझ में आए बस प्लेलिस्ट के अंदर आओ, कोर्स के नीचे देखो ये सिलेक्टर का हो गया, लिंक करने का हो गया, CSS सिंटेक्स हो गया, इसी तरीके सारे, चाहे फ्लेक्स बॉक्स हो, पैडिंग हो, मार्जिन हो, छोटा से छोटा टॉपिक, बॉक्स मॉडल हो, टेक्स्ट हो, लिंक्स हो, सब कवर कर रखा है। बस आपको नीचे आते जाना है इस तरीके से, और जो टॉपिक नहीं समझ में आएगा उसका वीडियो देख लेना है, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। वैसे मैं वहीं पे वीडियो में अभी जब कोर्स बना रहा, मतलब जब ये पूरा वेबसाइट बना रहा हूँ, तो वहाँ पे आपको समझाते चलूँगा। पर कुछ टॉपिक जैसे कि फ्लेक्स बॉक्स है, तो उसको एक लाइन में एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है, उसको आप समझ ही नहीं पाएंगे। तो वहाँ पे आपको क्या करना है कि मैं बता दूंगा कि ये टॉपिक की वीडियो देख लो जाकर, आपको यहाँ पे आना है, आप आराम से देख सकते हो, ठीक है। और अगर अभी कच्चे हो HTML में, अगर HTML उतने से अच्छे से नहीं आती है, तो आ जाओ यहाँ पे व्यू फुल प्लेलिस्ट HTML की, और HTML पे आने के बाद HTML फुल कोर्स वेरी इजी, यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पे आपको कोई ज़्यादा वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है, आप अगर मतलब पूरा कोर्स करना चाहते हो वो आपकी मर्जी है, मैं मना नहीं करूँगा। बस ये ए टैग एंकर टैग वाली वीडियो देख लो आके, ये एंकर टैग की अगर वीडियो देख ली बस आपका काम हो जाएगा। 54 मिनट की है, इसमें मैंने A to Z मतलब वेबसाइट्स में जैसा कि एंकर टैग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आप वेबसाइट पे पेज बना रहे हो तब भी एंकर टैग लिंक कर रहे होंगे वहाँ पे, या फिर आप कोई वेबसाइट को लिंक कर रहे हो, कोई वीडियो लिंक कर रहे हो, या फिर मैं जैसे अभी अपने चैनल को लिंक कर रहा हूँ बटन से, तो एंकर टैग सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो उसकी वीडियो देख लो, काम हो जाएगा, और हो सके तो इमेज वाली देख लेना, ये दो वीडियो से आपका काम हो जाएगा। और बाकी कोर्स अगर नहीं किया है, आती नहीं HTML, तो भाई आपका वेलकम है, आप पूरा कोर्स भी देख सकते हो। तो ये मैं स्पेशल टिप आपको देना चाहता था कि ये मतलब जैसे कि अगर वेबसाइट बना रहे हैं तो आपको अधूरा नहीं छोड़ेंगे, आपको जो नहीं आता हो उसी चीज़ की वीडियो यहाँ पे मिल जाएगी, आप देख सकते हो। बहुत जल्द सी लैंग्वेज का कोर्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। देखो मैंने सी लैंग्वेज स्टार्ट कर दी है, ठीक है, 10 वीडियोस लेक्चर अपलोड हो गए हैं, थोड़ा रुका हुआ हूँ कि और भी धीरे धीरे तैयारी चल रही। पूरा सी लैंग्वेज कंप्लीट कराने के बाद जावास्क्रिप्ट का भी कोर्स आपका अपलोड कर दूंगा, A to Z जावास्क्रिप्ट सिखा दूंगा, मतलब कंप्लीट फ्रंट एंड इस चैनल पर अपलोड हो जाएगा। बाकी इस साल के लास्ट तक बहुत सारे कोर्सेज अपलोड होने वाले हैं, सिर्फ लिस्ट बनी हुई है मेरे पास, समय की थोड़ा फेर रहता है, बाकी मैं जल्द से जल्द रेगुलर वीडियोस आती रहती हैं, ठीक है। तो ये भी आप अगर सी सीखना चाहते हो तब भी आपका वेलकम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पे लिंक क्रिएट करनी है, तो समझो यहाँ पे आए तो ऊपर क्या करेंगे कि हम लोग इसको कर देंगे, यहाँ पे होम पे आते हैं, और यहाँ पे आने के बाद में हम लोग इसको ऊपर लिंक को कॉपी कर लेंगे Ctrl+C, ठीक है, ब्राउजर पे ऊपर लिंक आ रही, कॉपी कर लिया, अब इसको क्लोज कर देते हैं और आते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पर। और यहाँ फाइल मैनेजर को यार ओपन हुआ है, मैं ज़्यादा सारी चीज़ें खोल के रखता नहीं हूँ क्योंकि मेरी आदत है नहीं। अब मैंने जो लिंक कॉपी करी है वो कहाँ पे डालनी है, तो ये बटन बनाइए, ये देखो HREF के बीच में, अगर मैं थोड़ा जूम करूँ तो देखो डबल इन्वर्टेड कॉमा है, इसके बीच में लाकर पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद में क्या होगा जनाब कि अब ये जो बटन दिख रही है इसमें आप जैसे ही क्लिक करोगे आप मेरे चैनल पर रिडायरेक्ट हो जाओगे जस्ट अ सेकंड में, जैसे ही आपका इंटरनेट कनेक्शन पे डिपेंड है, आप देखो आ चुके हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बस यही करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आपको मतलब एक तरीके से बटन को भी कस्टमाइज भी काफ़ी करना है, तो उस चीज़ को हम लोग CSS से करेंगे। बाकी यहाँ पे इतना ही था, हम लोग धीरे धीरे चीज़ें बढ़ रहे हैं, यहाँ पे व्यू माई स्किल्स हो चुका है। अब मैं सोच रहा हूँ कि इसमें एंकर टैग में अंडरस्कोर करके एक चीज़ होती है, वो करूँ कि ना करूँ, वो अभी नहीं करते हैं, वो बाद में करेंगे। जैसे कि नहीं, न्यू टैब पे खोलने के लिए होता है, एंकर टैग की अगर आपने वीडियो देख रखी है तो उसमें आप न्यू टैब पे भी चीज़ों को खोल सकते हो। चलिए अभी इतना ही रहने देते हैं, और अब हम लोग करने क्या वाले हैं, यहाँ पर एक इमेज लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इस डिप को, जो ये डिप है हमारी, इस डिप को यहीं पर ऊपर क्लोज करते हैं, ठीक है। तो बैक स्पेस क्लोज करते हैं, ओके, एंटर दबाया, ठीक है। अब हम लोग करने क्या वाले हैं, हम लोग जनाब यहाँ पे सबसे पहले इस डिप के नीचे आएंगे, और एक इमेज अगर हम लोग डाल रहे हैं तो हम इमेज को भी सोच सकते हैं कि हम लोग डिप में ही डालें, ठीक है, जिससे हम लोग इमेज को भी कस्टमाइज कर पाएं। तो उसके लिए भी एक डिप बनाएंगे, क्योंकि डिप होता क्या है बेसिकली, अगर आपने CSS कोर्स देख रखा होगा, डिप एक डब्बा है, डिब्बे को हम लोग अपने हिसाब से व्यवस्थित कर सकते हैं कि कहाँ पर हम लोग को उसको रखना है, उठाना है, और उसके अंदर जो सामान रखा हुआ है, लाइक इस डिप के अंदर मैं एक इमेज डालूंगा, तो उस इमेज को भी हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं कि कैसी इमेज दिखनी चाहिए, कितनी साइज की दिखनी चाहिए।
बेसिकली अब हम लोग ये डिव है, इस डिव के अंदर हम लोग डाल देते हैं कि इमेज को सबसे पहले क्लास बनाएंगे, क्योंकि कस्टमाइज करने के लिए डायरेक्ट डिव तो हम लोग सिलेक्ट नहीं करेंगे, तो क्लास भी बनानी पड़ेगी। और क्लास हम लोग दे देंगे राइट नाम से, ठीक है, क्योंकि राइट साइड में आएगी इसलिए मैं राइट दे दूंगा। आप कुछ भी दे सकते हैं, बशर्ते आपको जो यहाँ नाम दे रहे हो वहीं आपको CSS पे भी यूज़ करना होता है, गलती नहीं करनी इस जगह पे। img टैग ओपन करेंगे, img टैग ओपन करने के बाद में alt आप यूज़ कर सकते हो। alt का मतलब क्या होता है, अल्टरनेटिव टेक्स्ट। अगर इमेज लोड नहीं होगी तो उस जगह वो टेक्स्ट लिख कर आ जाएगा, पर मेरे केस में अभी मुझको इस तरीके कुछ यूज़ नहीं करना है। इमेज के अंदर हम लोग को सबसे पहले इमेज डालनी होगी, तो बेसिकली मेरे पास तो ये आपको मैं दिखा दूँ पड़ी हुई है, फाइल मैनेजर पे जाता हूँ क्योंकि यहाँ से तो ओपन होगी नहीं क्योंकि वो SVG इमेज है। डेस्कटॉप पे जाएंगे और यहाँ पे पोर्टफोलियो में जाएंगे, इमेजेस में जाएंगे, ये जो ये आप देख रहे हो पीपल नाम से, ये वाली इमेज आपको चाहिए, ठीक है, तो आप ऐसी कोई इमेज को लगा सकते हो, ठीक है। तो ये आपका ग्राफिक इमेज है, इलस्ट्रेटर बोलते हैं इसको। ये कैसे मिलेगी क्वेश्चन ये भी उठता है, तो इसको भी मैं आपको बताते चलता हूँ, मैं आपको बीच में कहीं छोड़ना नहीं चाहता हूँ। जबकि मेरे पास इमेज पड़ी, मुझे जस्ट अ सेकंड लगेगा, मैं उसको डाल सकता हूँ, पर आपको समझ में आना चाहिए कि इमेज आई कहाँ से। तो उसके लिए करेंगे क्या, जाते हैं ब्राउज़र पर यार, न्यू टैब ओपन करते हैं। न्यू टैब ओपन करने के बाद में जनाब यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे एक वेबसाइट है उस पे चलते हैं, वहाँ पे मिल जाएगी इमेज। अनड्रॉ लिखते हैं, अनड्रॉ लिखने के बाद सबसे पहली वेबसाइट आएगी, ठीक है, इस पे आपको जाना है। यहाँ पे अच्छी अच्छी इलस्ट्रेशंस मिल जाती हैं, ब्राउज नाउ पे क्लिक करना है। ब्राउज नाउ पे क्लिक करने के बाद जनाब यहाँ से आप कोई भी इमेज उठा सकते हैं, कोई भी इमेज जो आपको अच्छी लग रही हो। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप वो उठाएं जो मेरे लिए सही हो या आपके लिए सही हो, जो मैंने यूज़ करी है, ज़रूरी नहीं कि आप वो भी वही यूज़ करें, पर आप कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। मैं सर्च करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे सर्च बार पे गया, मैं यहाँ पे लिखूँगा पेपल और कोडिंग लिख दें, क्या लिख देते हैं कोडिंग, शायद बिल्कुल करेक्ट इमेज ही है, लाकर दे दे, ठीक है। तो कोडिंग पे तो नहीं चलाया है, पर इसको हम लोग पेपल सिर्फ लिखते हैं, तब देखते हैं क्या होता है। तो ये काफ़ी सारी इमेजेस आ चुकी हैं, ओके, इनमें से आपको कोई भी इमेज जो बेहतरीन लग रही हो वो आपको देख लेनी है। और मैं पीपल के आगे कंप्यूटर भी लिखना चाहूँगा क्योंकि मुझे एक ऐसी इमेज चाहिए जिसमें कोई कंप्यूटर चला रहा हो, एंटर दबाऊँगा। तो यहाँ पर कुछ इमेजेस आ रही हैं, पर ज़रूरी नहीं कि आप वही इमेज जो मैंने यूज़ करी आप वही करें, आप कोई सी भी इमेज यूज़ कर सकते हैं, सब उसी टाइप की इमेज हैं। मैंने उसको काफ़ी स्क्रॉल किया था तब वो आई थी, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे मान लो कि अगर मैं यहाँ पे देखो ये है, ठीक है, ये मेरी वाली आ गई, ये इमेज आ गई मेरी वाली, ठीक है। तो इसको मैंने किया क्या कि आप डाउनलोड SVG फॉर योर प्रोजेक्ट्स, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही डाउनलोड हो जाएगी तो आएगी आपके डाउनलोड सेक्शन में, फाइल मैनेजर के, फाइल मैनेजर पर जाएंगे, फाइल मैनेजर पर ये डाउनलोड सेक्शन देख रहे हो, इस पर आ जाएगी। पर मैं यहाँ पर अभी जाऊँगा नहीं, कुछ चीज़ें पड़ी हूँ, मैं नहीं शो करना चाहता हूँ, डाउनलोड पर आ जाएगी। डाउनलोड पर आने के बाद मैं आपको उसको कट करके आप अपने जो आपने अभी करंट फोल्डर बना रखा है, ठीक है, करंट फोल्डर कौन सा, जिस पे हम लोग कोडिंग कर रहे हैं जिसका नाम है पोर्टफोलियो, इस पे आना है। इसके अंदर आने के बाद आपको एक फोल्डर बना लेना इमेजेस नाम का, और इमेजेस नाम के अंदर आपको वो इमेज ले आनी है, जैसे कि मैं यहाँ पे ले आया हूँ। और मैंने देखो इसका नाम काफ़ी बड़ा था तो मैंने इसको कुछ नहीं किया, बस रीनेम कर दिया। रीनेम करने के बाद छोटा सा नाम रख दिया पीपल, तो पीपल रख दिया, तो people.svg मतलब सरल रहेगा देने में। आपको नाम छोटा इसलिए रखना होता है जिससे आप उसको आसानी से वहाँ पर लिंक कर पाएँ। तो इसी तरीके आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने डाउनलोड कर लिया है, तो अब मैं डायरेक्ट इसको यहाँ पे यूज़ करूँगा। मैं डालूँगा इमेजेस, पहले फोल्डर का नाम, फिर फॉरवर्ड स्लैश, फिर मैं उसकी जो पड़ी हुई है people.svg वो लगा दूँगा। अब मैं जैसे रन करूँगा तो यहाँ पे देखो ये इमेज आ गई, काफ़ी बड़ी आ रही है, तो उसको अभी मैं नहीं देखूँगा क्योंकि अभी इस इमेज को हम लोग CSS से कस्टमाइज करेंगे। चाहे तो यहाँ पे विथ दे सकते हैं, उसको छोटा कर सकते हैं, पर ठीक है यार, कोई ज़रूरत नहीं है। अभी जब CSS लगाएंगे तो ऑटोमेटिक सब चीज़ें, देखो मैंने ये क्लास क्यों दी है राइट, ये इसीलिए दी कि उसको हम लोग सही से सेट कर पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये काम हो चुका है, ओके। अब हम लोग करने क्या वाले हैं, अब हम लोग एक सेक्शन और बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये सेक्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है जिसमें हम लोग ने एक तरीके से बॉडी में कंटेंट डाला है, तो उसका हम लोग कोई नाम नहीं देंगे क्योंकि बॉडी का कंटेंट था, हेडर के नीचे बॉडी है, ये आप समझ सकते हो कमेंट में। अब यहाँ से हम लोग एक सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले ही मैं सोच रहा हूँ, स्टार्ट करने से पहले ही यहाँ पे दे देता हूँ सेक्शन का नाम। तो देखो अभी क्या था, ये होम था, होम सेक्शन था, होम के बाद देखो कौन सा आना है, सर्विसेस आना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ सर्विसेस, ओके, सर्विसेस सेक्शन स्टार्ट, ये मैंने किया,
इसको करने के बाद में मैं क्या करूँगा, इसको कमेंट में बदल दूंगा, क्योंकि कमेंट में ही रहेगा तभी शो नहीं होगा, नहीं तो वहाँ पर शो होगा। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर जैसे सर्विसेज सेक्शन स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पर भी एक सेक्शन टैग ओपन करना होगा। हम लोग हर चीज़ को सेक्शन वाइज डिवाइड करते चल रहे हैं, ठीक है। अब सेक्शन टैग के अंदर भी हम लोग को आईडी देनी होगी, क्योंकि हम लोग ने वहाँ पे नेविगेशन बार में बना रखा है, इनको लिंक कर रखा है। अब मैं यहाँ पे इसको दे दूँगा आईडी। आईडी में क्या देंगे, सर्विसेज, ठीक है। आईडी में क्या देंगे, सर्विसेज, ओके। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हेडिंग वन पहले इसके अंदर क्रिएट होगी। हेडिंग वन में हम लोग रखेंगे जैसे कि सर्विसेज के अंदर हम लोग सर्विस एंड स्किल दोनों की बात कर रहे होंगे, क्योंकि जो स्किल है आप उसी की सर्विस दे सकते हो सामने वाले को। मान लो मुझको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है तो ग्राफिक डिजाइनिंग ही आपको मतलब करके दे पाऊंगा, हाँ या ना। मैं कुकिंग तो करके दे नहीं सकता हूँ, तो जो स्किल है वही आप काम कर सकते हो, वही की सर्विस दे सकते हो। तो मैं ये मानता हूँ कि मान लो मेरे पास HTML, CSS एंड JavaScript की स्किल्स है और वही मैं आपको करके भी दे सकता हूँ, ठीक है। और क्या क्या दे सकता हूँ वो नीचे वर्णन करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक हेडिंग वन क्रिएट करूँगा। हेडिंग वन के अंदर मैं दे दूंगा इसको, सबसे पहले हेडिंग वन में एक हम लोग टाइटल नाम की क्लास बनाएंगे जिसको हम लोग कई जगह पर यूज़ करेंगे, ठीक है। क्लास बनाया और इसका नाम रखेंगे हम लोग टाइटल, ठीक है। इसका आगे भी यूज़ होगा तो मैंने कहा टाइटल। अब हेडिंग वन में हम लोग क्या करने वाले हैं जनाब, नाम दे देंगे सर्विसेज, सर्विसेज, ठीक है, एंड स्किल, एंड स्किल्स, ओके। अब जनाब इतना हो चुका है, हम लोग ने हेडिंग वन को एक क्लास दे दी है, इतना भी ठीक है। इसके अंदर हम लोग आएंगे, इसके अंदर भी कुछ कंटेंट अब हम लोग को डालना होगा। तो हम लोग अब एक यहाँ पे कार्ड टाइप का बनाएंगे। कार्ड क्या होते हैं अलग, अभी जब बनेगा तब आपको समझ आएगा। एक कार्ड होता है कि मतलब उसमें जैसे एक लिफाफा टाइप का एक बॉक्स बन जाता है, ठीक है। बॉक्स के अंदर वो चीज़ें शो होंगी और बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो हम लोग कार्ड बनाएंगे, कार्ड के अंदर हम लोग चीज़ों को डालेंगे। तो जैसे मैंने एक डिव बनाई और उस डिव का हम लोग नाम रखेंगे क्लास, मतलब पहले क्लास देंगे तभी तो नाम रख पाएंगे। तो मैंने कहा क्लास दे देते हैं और क्लास का हम नाम देंगे कार्ड्स। तो एक होगा जो कि मतलब पेरेंट होगा, ठीक है। कार्ड्स मतलब पेरेंट और कार्ड मतलब चाइल्ड। तो कार्ड्स के अंदर एक कार्ड नाम की मतलब तीन रहेंगी, कार्ड्स के अंदर कार्ड नाम की तीन कार्ड रहेंगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपको समझाऊं कि जैसे एक बड़ा बॉक्स है और उसके अंदर तीन छोटे छोटे बॉक्स हैं, तो जो बड़ा बॉक्स है उसका नाम होगा कार्ड्स और जो छोटे छोटे बॉक्स हैं उनका नाम होगा कार्ड। और प्रत्येक कार्ड मतलब जो तो तीन छोटे छोटे कार्ड हैं उसके अंदर एक के अंदर HTML की बातें रहेंगी, एक के अंदर CSS की रहेंगी, एक के अंदर JavaScript की रहेंगी। तो ये समझ सकते हो जो पहला छोटा कार्ड है उसके अंदर HTML, दूसरा CSS का, तीसरा JavaScript का। इस तरीके से हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो अच्छा लगता है देखने में, क्योंकि मैंने एक मतलब देखो प्रोटोटाइप समझना होता है किस तरीके के बनाना है। तो दिमाग में कुछ प्रोटोटाइप दो तीन वेबसाइट्स का मिक्सचर मेरे पड़ा हुआ, उस हिसाब से मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने कहा यहाँ पे एक डिव को ओपन करेंगे। डिव को ओपन करने के बाद जनाब हम लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि कार्ड नाम की क्लास बनाएंगे। देखो जो छोटी छोटी क्लास हैं मतलब छोटे छोटे डिब्बे हैं तो उनको भी तो नाम देना होगा, तो उनको हम लोग कार्ड देंगे और जो बड़ा वाला उसका कार्ड्स नाम देंगे। समझ में आ रहा है कि एक बड़ा बॉक्स है मतलब बक्सा है आपके पास में, बड़ा है, उसको हम लोग बोलेंगे कार्ड्स, ठीक है। उसके अंदर तीन छोटे छोटे बक्से हैं तो उनको बोलेंगे कार्ड, ठीक है। एंटर दबाया। एंटर दबाने के बाद में जनाब अब हम लोग सबसे पहले इमेज का यूज़ करेंगे। तो IMG टैग, अब IMG टैग के अंदर आर्ट का मैं यूज़ करने नहीं वाला हूँ। अब सबसे पहला जो बक्सा है छोटा वाला, मतलब बड़े बक्से के अंदर तीन छोटे छोटे रखे हैं, तो पहला जो छोटा वाला उसके अंदर HTML का लोगो डालना है। तो HTML का लोगो यार कैसे डालेंगे, ठीक है। तो डालने के लिए कोई मतलब खास वो नहीं है कि मतलब कैसे डालेंगे, डाल सकते हैं पर आएगा कहाँ से, ये है मतलब इमेज डालना तो आपको आता है पर आएगा कहाँ से। तो फिर चलते हैं यार यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट वेबसाइट पे, नेक्स्ट वेबसाइट आइकन फाइंडर, आइकन फाइंडर पे जाओगे, इस पर क्लिक करोगे। यहाँ पे जाने के बाद जनाब ये आपको सर्च बॉक्स में सिर्फ लिखना है HTML, HTML एंटर दबाया। एंटर दबाने के बाद सबसे सिंपल वाला जो फर्स्ट वाला है इस पे जाएंगे और इस पे जाने के बाद डाउनलोड PNG यहाँ पे हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे अपने हिसाब से साइज़ का भी मतलब कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आप छोटा साइज़ ही रखें तो ज़्यादा सही है, ठीक है। मेरे हिसाब से आप लमसम 64 पिक्सल्स का आसपास रख लें, वही ठीक है, बाकी मैं अपने हिसाब से दूंगा, ठीक है। मेरा बड़ा डाउनलोड करके रखा हूँ मैंने, जो डाउनलोड किया था वो 512 पिक्सल का था जबकि मुझे 64 पिक्सल के आसपास करना था, तो मैंने उसको खुद से विड्थ दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको CSS के लिए भी चाहिए तो यहाँ पे हम लोग CSS लिखते हैं, एंटर दबाया। एंटर दबाने के बाद जिस तरीके HTML का लोगो आया तो उसी तरीके ये CSS का आ गया, इसको भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे उसी तरीके से JavaScript का भी कर सकते हैं, ये JavaScript वाला ये मैं यूज़ करूँगा, ठीक है, मैंने डाउनलोड करके रखा है।
और आप बस यहीं से डाउनलोड कर लीजिए, बाकी कोई खास नहीं है। डाउनलोड करने के बाद में आप अपने फोल्डर के अंदर ले आइए, जो आपने फाइल मैनेजर के अंदर मैंने अभी करंट फोल्डर जिसमें हम लोग कोडिंग कर रहे हैं, तो वो फोल्डर का नाम क्या है, उसका नाम है हमारा पोर्टफोलियो, और उसके अंदर एक फोल्डर बनाया इमेजेस। तो इस इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर तीनों इमेज हैं, HTML, CSS एंड JavaScript। अब जनाब तीनों का आपको छोटा नाम कर लेना है, नाम बड़े बड़े लिख के आते हैं, तो JavaScript का सिर्फ JavaScript और HTML, CSS मतलब रीनेम कर लेना है, ठीक है। बहुत ही मतलब मैं बेसिक से चल रहा हूँ, इतना बेसिक से आई होप आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि शायद ही कोई समझाता है, ठीक है। वो बस ये कहेगा इमेज डाल दो IMG के अंदर, हो गया काम। मैं आपको सोर्स भी बताते चल रहा हूँ कि आपको कहीं परेशानी ना हो। अब देखो मैं बाकी ये इमेजेस सब दे दूंगा, आप हो सके तो आप चाहे डाउनलोड ना भी करना, क्योंकि मैं जो पूरी जिप फाइल दूंगा उसके अंदर सारा कोड रहेगा, जितना मैं ये लिख रहा हूँ CSS का कोड लिख रहा हूँ, ये इमेजेस का फोल्डर जो है ये सब मतलब इसके अंदर जितनी इमेजेस सब रहेंगी, उसको आपको टेंशन नहीं लेना है। इस चैनल पे आओ तो कंप्लीट आपको बिल्कुल मतलब एक तरीके से थाली में परोस के खाना खिलाया जाएगा, वो मेरी गारंटी है। इमेजेस फोल्डर फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे, और सबसे पहले HTML लोगो लगाना है, तो HTML.png सिलेक्ट कर लिया, इतना हो गया जनाब। अब हम लोग मैं यहाँ पे विथ दे दूंगा, विथ इसलिए दूंगा क्योंकि मैंने बड़ा डाउनलोड करके रखा था, आप छोटा कर लेंगे तो ज़्यादा सही है। कहोगे भाई CSS क्यों नहीं दे रहे हो, तो यार मन है मेरा यहीं विथ दे देंगे, CSS भी दे सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं यहीं पे देना पसंद करूँगा। मैं कहूँगा 70 पिक्सल के आसपास रखेंगे, तो देखो यहाँ पे छोटा सा लोगो बन गया है, ठीक है। बाद में अगर कम ज़्यादा होगा उसको हम लोग अपने हिसाब से मेंटेन कर लेंगे, ठीक है। इतना हो चुका है जनाब, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे वेब डेवलपमेंट, ठीक है। और ये इमेज हम लोगों ने लगा दी HTML, और हेडिंग 3 में हम लोग लिखेंगे वेब डेवलपमेंट। HTML के अंदर एक बॉक्स बने, जो छोटा वाला बॉक्स है पहला वाला, उसके अंदर अब हम लोग चीज़ें लिखने के लिए H3 यूज़ करेंगे, और हेडिंग में हम लोग रखेंगे वेब डेवलपमेंट। मैं एक डमी टाइप का बना रहा हूँ, मतलब ये समझो कि मुझे ये यूज़ तो करना नहीं है, तो मैं एक अंदाज से लेकर चला हूँ। जब आप मतलब बनाने बैठो तो किया क्या करो, मैं बताऊँ। आपके पास लैपटॉप के अंदर या मोबाइल के अंदर नोटपैड होता है, इस नोटपैड को ओपन करिए, बाकायदा जो जो कंटेंट आपको जहाँ जहाँ डालना हो वो लिख लीजिए। जैसे कि H3 के अंदर जो डालना हो वो आप H3 इस तरीके H3 करके यहाँ पर उसके आगे पूरा लिख के उसको बंद कर दीजिए। तो पूरा कंटेंट जब हम डेवलपर्स लोग वेबसाइट बनाने बैठते हैं तो एक जगह लिख लेते हैं, तो हम लोग फिर ये थोड़ी कि कोड एडिटर पर लिखते हैं, कोड एडिटर पर नहीं, हम लोग डायरेक्ट यहाँ नोटपैड से कॉपी किया पेस्ट मारा, कॉपी किया पेस्ट मारा, इस तरीके हम लोग चलता है, ठीक है। तो आप भी यही, अभी देखो हम लोग डमी बना रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, नहीं तो जो हम लोग ऑफिशियल कोई वेबसाइट बनाएंगे सारा कंटेंट एक जगह होता है, सिर्फ कोड कोड लिखना होता है। मैं कोड सिर्फ लिखूंगा, कंटेंट पूरा एक जगह से कॉपी कर करके होना होता है, कंटेंट हम लोग पहले ही लिख लेते हैं। तो ये आप पहले ही लिख लो, आपको जो भी डालना हो, अभी मैं एज अ डमी बना रहा हूँ, जो दिमाग में आ रहा है वो डालते चल रहा हूँ, अच्छी बनेगी ये मेरी गारंटी है, पर कंटेंट आपको अपने हिसाब से डालना है। मुझे तो नहीं पता आप ग्राफिक डिजाइनर हो, वीडियो एडिटर हो, क्या करते हो क्या नहीं करते हो, कंटेंट राइटर हो, तो वो आपको अपने हिसाब से समझना है। मैं एक पैराग्राफ का यूज़ करूँगा, पैराग्राफ यूज़ करने के बाद में मैं यहाँ पे करूँगा क्या कि अब थोड़ा सा इसको मतलब बताऊँगा कि क्या बताऊँगा, जिसकी वेब डेवलपमेंट, या फिर मैं ऐसा करूँगा इसको वीडियो को इतना पॉज कर दूँ, लिख लूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है, मैंने कोई भी कोड नहीं लिखा है, मैं कोड जो भी लिखूंगा वो आपके सामने लिखूंगा, वीडियो को पॉज नहीं करूंगा। कंटेंट में क्या लिखा, कंटेंट आप खुद दे सकते हो। देखो मैंने हेडिंग 3 में वेब डेवलपमेंट आपके सामने ही लिखा था, उसके बाद वेब डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर टाइम, दो एक्सक्लेमेशन मार्क। फिर मैंने एक BR टैग लिख दिया, BR टैग क्या है, लाइन को तोड़ने के लिए BR लगाते हैं, ठीक है, ब्रेक लाइन टैग बोलते हैं इसको। आई डेवलप वेबसाइट यूजिंग HTML, बहुत ही मतलब ज़्यादा मैं अभी कुछ लिखना नहीं चाहता हूँ, टाइम बहुत ही कम है, उसी हिसाब से छोटा सा मैंने डाल दिया है, और वो एक छोटे बॉक्स के अंदर दिखाई पड़ेगा, इतना हो गया है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, जैसे कि यहाँ पे हो चुका है, इसको मैं एंटर दबाऊंगा, एंटर दबाने के बाद में मैं यहाँ पे अब मैं CSS के लिए बनाऊंगा, मैंने HTML के लिए बना लिया जनाब, अब मेरे हिसाब से CSS के लिए ही बनना चाहिए, ठीक है। तो एक डिव का बस देखना है कि कौन कौन सी डिव कहाँ कहाँ पे क्लोज हो रही है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो देखो ये जो डिव है, ये डिव किसकी है, ये डिव है कार्ड की, कार्ड हमारा ये पहला वाला था, ठीक है, तो ये डिव थी, पर ये जो डिव क्लोज हो रही है ये किसकी है, ये कार्ड्स की, मतलब ये बड़ा वाला बक्सा है, ठीक है। तो अभी बड़े वाले बक्से के अंदर 3 बॉक्स आएंगे, तो पहला बॉक्स कितना है, इतना है, ठीक है, ये आपका पहले बॉक्स का कोड हो चुका है, ठीक है, सॉरी यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना बस, ये आपके पहले बक्से का कोड हो चुका है छोटे वाले बॉक्स का, ठीक है। और बड़ा बॉक्स का पूरा ये ऊपर वाली लाइन, ठीक है, अब ये नीचे ये बड़ा बक्सा है, ठीक है, और इसके अंदर छोटे बक्से का मतलब छोटे बॉक्स का कोड इतना हो चुका है। अब दूसरे बॉक्स का कोड तैयार करना है जिसमें CSS डालेंगे,
तो फिर हम लोग डिव का यूज़ करेंगे। फिर डिव का यूज़ करने के बाद में हम लोग क्लास सेम दे देंगे, क्योंकि जो सी एस एस इस पर अप्लाई होगी पहले छोटे वाले बॉक्स पे, वही दूसरे पे, वही तीसरे पे ऐसा होगा, ठीक है। मतलब जो जैसा छोटा वाला, मतलब तीन छोटे छोटे बॉक्स हैं, तो जैसा पहला दिखेगा वैसे दूसरा दिखेगा, वैसे तीसरा दिखेगा, इस तरीके से हम लोग करेंगे। क्लास बनाएंगे, क्लास के अंदर हम लोग वही सेम, देखो हम लोगों ने बताया कि वही क्लास देंगे कार्ड, ठीक है। पहला वाला जैसा बॉक्स होगा वैसे दूसरा, वैसे तीसरा, तो मैंने कार्ड दे दिया। अब वही हम लोग चीज़ें करेंगे जो ऊपर रिपीट किए हैं। यहाँ पे भी इमेज हम लोग लगाएंगे, यहाँ पर हम लोग सी एस एस की लगाएंगे, फिर जावास्क्रिप्ट की लगाएंगे, ठीक है। तो चूंकि आपने पहले डाउनलोड करके रख लिया है, तो कॉन्ग्रेचुलेसन, आपके पास चीज़ें हैं अवेलेबल। मैं यहाँ पे इमेजेस फोल्डर को सिलेक्ट करूँगा, फॉरवर्ड स्लैश लगाऊंगा, और यहाँ पे css.png मिल गई, ठीक है, लगा दिया। इस तरीके से मैंने इसीलिए कहा था इमेज वाला आप एक बार वीडियो देख लो अगर ना आता हो, क्योंकि इमेज लगाना कभी कभी आप लोग गलती कर देते हो। साइज़ यहाँ पे भी मैं सोच रहा हूँ कि 70 पिक्सल इसको दे दूँ, ठीक है, मैं सोच तो यही कुछ रहा हूँ। हाँ, देना ही पड़ेगा यार, ठीक है, सी एस एस क्योंकि छोटा करना है, मैंने गलती से बड़ा डाउनलोड कर लिया है। अब मान लो मैं फिर से उसको डाउनलोड करूँ, मुझे नहीं समझ में आता, जब मेरे पास चीज़ें हैं विथ नाम का एट्रीब्यूट दिया है HTML ने, तो क्यों मैं उसका यूज़ ना करूँ जनाब, फिर मेरा वेब डेवलपर होने का काम ही क्यों। हम लोग जुगाड़ से भी चीज़ें करते हैं, जैसा कि आप कॉलेज में होते हो तो जुगाड़ से नोट्स ले लेते हो, इधर उधर करके फर्रेबाजी करके आप पास हो जाते हो, तो उसी तरीके वेब डेवलपर्स भी करते हैं यार, ठीक है ना। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग 70 पिक्सल दे दिया, फिर से हेडिंग 3 यूज़ करेंगे। हेडिंग 3 में यार हम लोग सेम काम करते हैं, यहाँ पे लिख देंगे वेब डिज़ाइन, ठीक है, वेब डिज़ाइन, और ऊपर हम लोगों ने क्या लिखा था, वेब डेवलपमेंट, हाँ या ना, ठीक है, ऊपर वेब डेवलपमेंट, नीचे वेब डिज़ाइन, क्योंकि सी एस एस वेब डिज़ाइनिंग के काम आती है। मतलब HTML से क्या आप चीज़ें बना सकते हो, देखो यहाँ पे बनती चल रही हैं, मैं आपको दिखाऊँ प्रीव्यू में, बहुत देर से दिखाया नहीं, देखो सब बनता चल रहा है, पर डिज़ाइनिंग तो सी एस एस ही करेगी ना, क्यों भाई, सही कह रहा हूँ या नहीं, डिज़ाइनिंग तो सी एस एस ही करेगी। ओके, तो वेब डिज़ाइन और पैराग्राफ, मैं बोर तो आई होप आपको नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इंटरटेनमेंट भी मैं बीच बीच में देता चल रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि आप बोर होने लगोगे क्योंकि आपकी हैबिट नहीं है अभी। अब मैं फिर से कंटेंट लिखूंगा, वीडियो पॉज करके फिर समझाता। ओके जनाब, तो यहाँ पर मैंने कंटेंट लिख दिया है, मैंने पैराग्राफ में क्या लिखा, मैंने पैराग्राफ में लिखा डेवलपिंग वेबसाइट नीड्स टू सी एस एस, ठीक है, और डिज़ाइन, CSS और डिज़ाइन, सॉरी और की जगह फॉर, ठीक है, फॉर डिज़ाइन, और जनाब उसके बाद मैंने दो एक्सक्लेमेशन मार्क, BR टैग, CSS इज रियली इंपॉर्टेंट। अगर आप मतलब वेबसाइट की डिज़ाइनिंग कर रहे हो तो सही में आपको CSS बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तरीके से रियली इंपॉर्टेंट, मतलब सही में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही मीनिंग होगी। इतना हो चुका है, तो जनाब मैंने यहाँ पे दो बना लिए डिब्बे, एक छोटा डिब्बा HTML का, एक छोटा डिब्बा CSS का, अब तीसरा JavaScript का। पर अभी भी हम लोग देखो उसी के अंदर बना रहे हैं, बड़े वाले बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो बड़ा वाला बॉक्स कौन सा, ये वाला डिब है जो अभी क्लोज नहीं कर रहे हैं हम लोग, इसी के अंदर अब आएंगे, थोड़ा स्पेस ले लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक डिब बनाएंगे, ठीक है, और फिर से एक डिब बनाएंगे, और इसको हम लोग नाम दे देंगे, हम लोग वही क्या नाम देंगे क्लास का, कार्ड, क्योंकि पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला सेम है, तो तीनों में सेम क्लास यूज़ करेंगे, तभी तीनों में सेम सी एस एस अप्लाई होगी, ठीक है, तीनों में सेम सी एस एस अप्लाई होगी, तभी तीनों सेम दिखेंगे। अब जनाब क्या करने वाले हैं, यहाँ पर क्लास हम लोग ने कार्ड कर दिया, अब हम लोग करेंगे इमेज, इमेज भी हमारे पास पड़ी हुई है, तो हम लोग इमेज भी लगा लेते हैं, इतना ये हटा देंगे, कोई काम का नहीं है। बाकी आप जब ऑफिशियल बनाए तो ऑल्ट दे दें, क्योंकि कभी कभी अगर वेबसाइट नहीं लोड होती तो अल्टरनेटिव टेक्स्ट लोड हो जाएगा। SRC में क्या करना है जनाब, हम लोग इमेजेस फोल्डर, फिर फॉरवर्ड स्लैश, फिर यहाँ पे javascript.png पड़ी हुई है। अब जनाब इतना हो चुका है, फिर से हम लोग वही एक छोटी सी हेडिंग लिखेंगे, वेब एप्लीकेशन बनती है, क्योंकि आपकी JavaScript से वेब एप्लीकेशन बनती है आप जानते हैं, तो हम लोग H3 यूज़ करेंगे, ठीक है, जिस चीज़ से जो काम होता है वो यहाँ पर लिख देंगे, एप्लीकेशन मतलब काहे से क्या बन रहा है, क्या यूज़ हो रहा है, ठीक है, मतलब हमको HTML आती है तो उससे क्या हो रहा है, JavaScript आती है तो उससे क्या हो रहा है, ये चीज़ हम लोग यहाँ पे मेंशन करते चलते हैं, ठीक है, एप्लीकेशंस। फिर हम लोग एक पैराग्राफ ले लेंगे और इसमें भी हम लोग कंटेंट डालेंगे, कंटेंट के लिए फिर मैं सोच रहा हूँ वीडियो पॉज ही कर दूँ, वही सही रहेगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे देखो पूरा कर दिया है, एक तरीके से पूरा मैंने कंटेंट लिख दिया पैराग्राफ के अंदर। अब यहाँ पे ये चीज़ समझो कि जैसे कि फॉर मेक वेब एप्लीकेशन यू नीड टू JavaScript, ठीक है, BR टैग, फिर मैंने लिखा JavaScript इंपॉर्टेंट फॉर वेब एप्लीकेशन, ये कंटेंट है, बाकी आप अपने हिसाब से कुछ भी डालें, कोई भी ये नहीं होता कि आप मेरे तरीके डालें, कुछ भी ऐसा नहीं है। अब मैं क्या करने वाला हूँ जनाब, अब मैं देखो पैराग्राफ हो गया है और तीन डिब्बे बन चुके हैं, एक HTML का, एक CSS का, एक JavaScript का, और यहाँ पे हम लोग अब क्या करने वाले, दोनों डिब को क्लोज कर देंगे, एक छोटे वाले जो मतलब तीसरा वाला डिब्बा था छोटा, और एक जो बड़ा था जिसके अंदर सारी चीज़ें रखी हुई हैं, ठीक है, तो हम लोग ये दो डिब यहाँ पे क्लोज होती है। ये वाली डिब किसकी है, ये JavaScript वाले की है, ठीक है,
यानी डिव जावास्क्रिप्ट वाले की है, और ये जो बाहर वाली है ये पूरे बड़े बक्से की, जिसके अंदर कार्ड्स नाम है, जिसके अंदर तीनों कार्ड रखे हुए हैं। ओके, अब इतना हो चुका है, ये सेक्शन भी यहीं कंप्लीट हो जाता है मेरे हिसाब से, ये सेक्शन भी यहीं कंप्लीट हो जाता है। और ऊपर हम लोगों ने कमेंट किया था या नहीं, बिल्कुल कमेंट किया था, सर्विस सेक्शन, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं और नीचे कमेंट कर देंगे कि भैया ये यहाँ तक हो चुका है। हम लोग पेस्ट किए, स्टार्ट बजा, बस क्लोज कर देंगे, क्लोज। ओके, अब हम लोग देखो दो सेक्शन बना हुए हैं, एक ऊपर, एक होम वाला, एक सर्विस वाला, ठीक है। और ये जावास्क्रिप्ट में यार हम लोग ने 70 पिक्सल बस नहीं लिखा है, इसीलिए बड़ा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, हम लोग ने लिखा विथ 70 पिक्सल, ठीक है, तो 70 पिक्सल। ओके, तो यहाँ पे हो गया, तीन हम लोग ने ये लिख दिया। अभी इनको जब हम लोग डिज़ाइन करेंगे तभी अच्छे लगेंगे। तो ये चीज़ समझो कि यहाँ पे हम लोग आते हैं, हमारा नेविगेशन बार होम हो गया, सर्विस हो गया, अब एक वेबसाइट्स के लिए बनाना है, कॉन्टेक्ट के लिए बनाना है, और नीचे फुटर बनाएंगे तो फुटर का कोई ज़रूरी नहीं, फुटर तो हम लोग लिंक में नहीं देंगे, ठीक है। तो अब हम लोग करने क्या वाले हैं जनाब, यहाँ पे वेबसाइट सेक्शन स्टार्ट करना पड़ेगा, जिसके अंदर हम लोग वेबसाइट दिखाएंगे। तो ये सेक्शन जनाब एक ऐसा है जिसके अंदर मैं कंटेंट नहीं डालूंगा, मैं कंटेंट डालना सिखाऊंगा पर मैं कंटेंट नहीं डालूंगा, क्योंकि आपने वेबसाइट कैसी कैसी बनाई, कैसी कैसी बना लेते हो, या फिर वेबसाइट्स की जगह आपको अपना ये लिख सकते हो कि माई वर्क, ठीक है, माई वर्क लिख दो, जिसमें आपने अभी तक जो जो फोटोज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग की है वो डाल सकते हो, या फिर वो क्लिप लगा सकते हो वीडियोज़ की, अगर आप वीडियो एडिटर हो जो आपने डिज़ाइन किए हैं छोटे छोटे, ठीक है। तो मैं एक मान लो वेब डेवलपर हूँ, तो मैंने वेबसाइट्स ही बनाई होंगी, या फिर किस तरीके की वेबसाइट मैं बना लेता हूँ ये मैं मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप अपने हिसाब से यहाँ पे कर सकते हो, वेबसाइट सेक्शन स्टार्ट, ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब मैं इसको करूँगा कमेंट, कमेंट आउट करने के बाद अब हम लोग यहाँ पे बहुत कम चीज़ें यूज़ करेंगे, बाद में मैं आपको ये बताऊंगा कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सारी चीज़ें आप डाल कैसे सकते हो, पर अभी हम लोग बहुत कम कोड लिखेंगे, उसके बाद CSS लिखते हैं, जब पूरी वेबसाइट डिज़ाइन होगी तब हम लोग इसके अंदर कोड डालना आपको बताएंगे कि आप क्या क्या चीज़ें कैसे डाल सकते हो, ठीक है। तो मैंने कहा भैया वेबसाइट सेक्शन स्टार्ट, तो अब हम लोग इसके अंदर क्या करने वाले हैं, सबसे पहले एक सेक्शन तो क्रिएट होएगा ही, ठीक है, सेक्शन टैग एंटर दबाया, आईडी डालनी पड़ेगी, चूँकि हम लोग नेविगेशन बार से इसको कनेक्ट करने वाले हैं, नेविगेशन बार पे जैसे क्लिक करोगे आप आ जाओगे। आईडी डाली, आईडी डालने के बाद में हम लोग इसके अंदर डाल देंगे वेबसाइट्स, ठीक है, तो वेबसाइट्स, ओके, यहाँ पे भी ऐसे ही पड़ा है ना, ऊपर देख लेते हैं, हाँ वेबसाइट्स, ठीक है। अब हम लोग नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद में जनाब हम लोग क्या करने वाले हैं, एच1 टैग, और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे H1 के अंदर सबसे पहले टाइटल दे देते हैं, टाइटल दे देंगे, और टाइटल के अंदर हम लोग देखो, सॉरी टाइटल क्लास के अंदर देना है यार, क्लास डालेंगे और क्लास के अंदर टाइटल डालना है, ठीक है, ओके। चूँकि हम लोग ने पहले भी बना रखा है टाइटल नाम का, ऊपर कहीं पे था, आते हैं यहाँ पर, ओके, यहाँ पे नहीं, देखो जैसे होम स्टार्ट हुआ था ये आपका हेडर सेक्शन क्लोज हुआ, और यहीं पर हम लोग ने टाइटल नाम का एक एट्रीब्यूट दिया था पहले भी, ये देखो, ठीक है, यहाँ पर सर्विस एंड स्किल वाला सेक्शन स्टार्ट हुआ, तो ये हम लोग एक बार मतलब जो CSS देंगे वो दोनों पे अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देते हैं वेबसाइट्स, ठीक है, ये मैंने दे दिया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके अंदर कुछ लिखना हो तो लिख देते हैं, नहीं तो हम उसको भी खाली ही छोड़ेंगे मेन, ठीक है। सबसे पहले एक डिव ले लेते हैं, डिव के अंदर हम लोग क्या करेंगे, पैराग्राफ जो लिखेंगे उनको डिज़ाइन कर देंगे बाद में, ठीक है। तो हम लोग डिव के अंदर क्लास डाल देते हैं, ठीक है, क्लास, और यही एक सेक्शन है जिसको आपको अपने हिसाब से करना है कि आप क्या डालना चाहते हो उसके अंदर, वो मुझे नहीं पता, ये मेन कंटेंट वाला सेक्शन है, मेन कंटेंट क्या आप डालोगे वो मुझे कोई अंदाज़ा नहीं, मैं आपको सिर्फ वेबसाइट दिखा रहा हूँ, बाकी कैसे डालना ये भी अभी लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। तो हम लोग करने क्या वाले हैं, यहाँ पर क्लास के अंदर क्या नाम देंगे, क्लास के अंदर दे देंगे पैरा, पैराग्राफ डालना है तो पैरा लिख देते हैं, और इसके अंदर डिप के अंदर कुछ अभी जाएगा तो मेरे हिसाब से अभी तो डिप के अंदर कुछ भी नहीं जाएगा, तो हम लोग यहीं पे इसको कमेंट करेंगे, मेन कंटेंट जो होगा वो हम लोग बाद में डालेंगे। तो कमेंट करने के लिए जो हम लोग ने स्टार्ट किया था ये कॉपी कर लेते हैं, वेबसाइट सेक्शन स्टार्ट एंड वेबसाइट सेक्शन क्लोज लिख देते हैं, थोड़ा सा इस तरीके कर ले, ओके, स्टार्ट एंड यहाँ पे लिख देते हैं क्लोज, ओके। आप क्या करने वाले हैं जनाब, इसको एंटर दबाएंगे, एंटर दबाने के बाद में हम लोग मेन आते हैं कॉन्टेक्ट वाले सेक्शन पे, कि कोई कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकता है। तो हम लोग यहाँ पे फॉर्म नहीं क्रिएट करेंगे, क्योंकि अगर आप कोई लॉगिन फॉर्म या फिर कॉन्टेक्ट फॉर्म बनाते हो बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा,
आपको एक दिन मतलब एक रात का समय है, दूसरे दिन आपको सबमिट करना है कोई वेबसाइट, तो फॉर्म ना बनाइए। क्योंकि फॉर्म बनाने में जनाब हो कह सकता है कि जिस टीचर ने आपको प्रोजेक्ट दिया हो वो ये भी कह सकता है कि इस फॉर्म का डेटा कहाँ जा रहा है। अब क्योंकि आपने कोई बैकएंड तो लिखा ही नहीं है, तो डेटाबेस आपके पास है नहीं, तो वहाँ पे हो सकता है वो आपके मार्क्स काट ले, या फिर आपको वहाँ पे हो सकता है वो आपको कुछ समझाने लगे। तो अगर आप फॉर्म नहीं बनाते हो तो एक बार हो सकता है उस टीचर के दिमाग से वो बात निकल जाए, क्योंकि वो वेबसाइट का यूआई देखेगा, यूज़र इंटरफेस की वेबसाइट कितनी अच्छी डिज़ाइन भई है। फॉर्म के ऊपर दिमाग नहीं जाएगा तो वो आपसे टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन भी नहीं करेगा कि इसका बैकएंड कैसे कनेक्ट किया, क्या है क्या नहीं है, और बैकएंड कनेक्ट करने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। हम लोग दो ऑप्शन देंगे, एक ईमेल का, एक आपका कॉल का, तो वहाँ पर नंबर और ईमेल दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जनाब सबसे पहले हम लोग करने के हवाले हैं, एक सेक्शन बनाते हैं, उससे पहले हम लोग एक कमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट सेक्शन स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट और कॉन्टैक्ट सेक्शन स्टार्ट, और यहाँ पे हम लोग इसको करते हैं कमेंट। कमेंट करने के बाद में हम लोग नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद में अब हम लोग सेक्शन टैग ओपन करेंगे। सेक्शन टैग ओपन करने के बाद में एंटर दबाएंगे और इसके अंदर भी आईडी देनी होगी कॉन्टैक्ट नाम की, क्योंकि हम लोग ने वहाँ पे नेविगेशन बार में दिया है, तो हम लोग यहाँ पे दे देते हैं कॉन्टैक्ट और यहाँ एंटर दबाएंगे। एंटर दबाने के बाद में जनाब अब क्या करना है, सबसे पहले हेडिंग वन दे देंगे। हेडिंग वन पता तो चलेगी कि कौन सी जगह यहाँ पे क्या होता है। हेडिंग वन में वही क्लास देंगे और क्लास के अंदर सेम नाम देंगे क्या, टाइटल, क्योंकि तीनों हेडिंग जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसमें टाइटल ही पड़ेगा, और एक बार हम लोग उसको डिज़ाइन करेंगे तीनों हेडिंग पे इफेक्ट डालेगा, ये वाली इसके ऊपर वाली जो दी थी उसके ऊपर वाली जो दी थी, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कॉन्टैक्ट हेडिंग वन में, कॉन्टैक्ट, ठीक। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को दिमाग लगाना होगा। यहाँ पे भी हम लोग को वही कार्ड्स नाम का एक बड़ा बक्सा बनाना है, उसके अंदर दो छोटे छोटे बक्से डालने हैं, हम लोग कार्ड टाइप में ही बनाएंगे, ठीक है। तो हम लोग डिव, अभी को आपको ये नहीं समझ आ रहा कि ये कार्ड है क्या चीज़, पर जब बन जाएगा, रेडी हो जाएगा, तब आपको समझ में आएगा। तो डिव का अभी हम लोग क्लास दे देंगे, क्योंकि हम लोग ने पहले से क्लास बना रखी कार्ड्स नाम की, जो कि बड़ा बक्सा था, तो बड़े बक्से को जो डिजाइनिंग देंगे वही इसको दे देंगे, ठीक है, कार्ड्स, और छोटे छोटे इसके अंदर दो बक्से बनेंगे, ठीक है, कार्ड नाम के। तो ये बड़ा बक्सा बन गया, इसके अंदर एक छोटा बक्सा बनाते हैं, डिव मतलब इसका चाइल्ड, ठीक है, वो पेरेंट है, ये चाइल्ड है, और चाइल्ड टैग के अंदर हम लोग इसकी भी क्लास बनी हुई है पहले ही, ऊपर जो बना रखी थी वही दे देंगे कार्ड। दो अलग नेम है कार्ड्स, और कार्ड को सेम मत समझ लेना यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसके अंदर हम लोग डालेंगे ईमेल के लिए, ठीक है। तो अब जनाब यहाँ पे आप देखो कि हमारे पास ईमेल का एक लोगो चाहिए, लोगो कहाँ से मिलेगा, तो एक आइकन, मतलब आइकन लोगो अलग होता है, तो मैं यहाँ पे आइकन क्लिक करूँगा क्या, गूगल फॉन्ट्स का यूज़, तो मैं गूगल आइकन्स करके सर्च करूँगा, ये वेबसाइट आ जाएगी गूगल की, इस पर आपको जाना है। वेबसाइट पे जाने के बाद में यहाँ पे आपको सर्च पे जाना है, सर्च पे जाने के बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ईमेल, ईमेल एंटर दबाएंगे, यहाँ पे बहुत सारे ईमेल के आ जाएंगे, फर्स्ट वाला ही ले लेंगे हम लोग, इस पर मेल पे क्लिक करेंगे। अब इसको अपनी वेबसाइट में यूज़ करने के लिए क्या करना है, हम लोग यहाँ पे नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में हम लोग करने के हवाले हैं यहाँ पर, इससे ऊपर ये देखो ये लिखा है, ये कॉपी कर लेना पूरा, ये कोड जो है ये इसको कॉपी कर लेना, तो मैं यहाँ से कर लूँगा कॉपी। अपने कोड में आएंगे, कोड में आने के बाद सबसे ऊपर चले जाओ, सबसे ऊपर टॉप पे, टॉप पे चले जाओ, और यहाँ पे जो हेड सेक्शन है, हेड मतलब ऊपर का जो टॉप सेक्शन है, इस पर आओ, एंटर दबाओ और यहाँ पे पेस्ट कर दो कंट्रोल भी। तो ये जो कोड है देखो, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, ये जो कोड है ये कहाँ से आया है, ये गूगल की वेबसाइट से आया है। ये क्या करेगा, ये आपकी वेबसाइट पे आइकन को शो कराने का काम करेगा। आपके पास कोई भी आइकन आपको यूज़ करना हो, वो आप गूगल की वेबसाइट से डायरेक्ट उठाकर अपनी वेबसाइट पे यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करते ही मतलब वेब डेवलपर्स के लिए ही वो वेबसाइट बनाई गई है गूगल की, गूगल आइकन्स और गूगल फॉन्ट्स नाम से, मेन गूगल फॉन्ट्स नाम से। तो कोई भी फॉन्ट यूज़ करना हो या फिर कोई भी आइकन यूज़ करना हो तो बस आप ये कोड डाल दो। अब वो आइकन जो यूज़ करना है, तो वो पर्टिकुलर आइकन के लिए देखो ये लिखा है इंसर्टिंग द आइकन, आइकन को इंसर्ट करने के लिए मतलब डालने के लिए ये कोड जो लिखा है स्पैन करके, इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद जनाब आएंगे वीएस कोड में, इसको जहाँ पे लगाना हो, ठीक है, मान लो मुझको लगाना है यहाँ पे, ठीक है, ये जो और नीचे और नीचे और नीचे यहाँ पर इसके अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्पैन टैग के अंदर स्पैन टैग ही होगा, तो हम लोग इसके अंदर डाल देंगे, कंट्रोल वी करके डाल दिया, ठीक है। तो जो छोटा वाला बॉक्स बना रहे हैं बाद में उसके अंदर ये डाल दिया। तो मैं अगर आपको दिखाऊँ अपनी वेबसाइट पर चल के, तो नीचे आऊँगा तो ये देखो ये आइकन बन के आ गया, कॉन्टैक्ट के नीचे ये आइकन बन के आ गया, ठीक है। ऐसे ही कॉल के लिए भी चाहिए होगा, तो अभी हम लोग ले लेंगे, पहले इसको देखते हैं, इतना हो चुका। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फ़ोन, तो H3 का यूज़ करेंगे। H3 यूज़ करने के बाद ये कैप्स लॉक ऑन है ना, हाँ कैप्स लॉक ऑन है,
तो मैं इसको स्मॉल में ही रखूँगा H3, और यहाँ पे मैं लिखूँगा फ़ोन, तो मैंने कहा फ़ोन, ठीक। और यहाँ पे इंटर दबाऊँगा, इंटर दबाने के बाद में मैं एक पैराग्राफ लिखूँगा, पैराग्राफ में मैं एक नंबर लिख दूँगा, नोट करो मेरा नंबर, कॉल कर लेना मेरे को। और अब करने न लगना ये डमी नंबर है, कोई किसी का कॉल ऑल नहीं लगेगा, ये मैंने फर्जी ऐसे लिखा है अंदाजे से कि जो भी मुझे समझ में आ रहा था मैंने डाल दिया, ठीक है। ये मेरा नंबर नहीं है, कॉल मत करना, ये बहुत से लोग करते हैं यूट्यूबर्स का, बस नंबर दिख जाए, नंबर दिख जाए बस, भाई क्या बात करनी है, आप कमेंट में डालो तो सही, मैं आपको बात ना करूं तब आप कहना, आप कमेंट ही नहीं करते हो तो उस चीज़ के लिए मैं तो नहीं कुछ कर सकता हूं ना। आप कमेंट करते हो तो मैं आपको रिप्लाई तो देता हूं, आप इंस्टाग्राम पे मेल करते हो वहां पे भी मैं रिप्लाई देता हूं, तो यार मेरी तरफ से जितना हो सकता है मैं उतना कोशिश करता हूं। बाकी तो यार आप जानते हो कोई भी इंसान हो, हर इंसान का देखो बिजी शेड्यूल होता है, ठीक है, हर इंसान इतना नहीं कर सकता है, आप खुद ही सोचो कोई कितना कर लेगा यार, ठीक है। तो हम लोग ने किया क्या है यहाँ पे, एक चीज़ मेरे हिसाब से गड़बड़ी हो रही है, देखो यहाँ पे हम लोग ने गड़बड़ी क्या किया है, हम लोग ने यार नीचे नंबर डाला ऊपर मेल डाला, कुछ ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है, वही हम सोचे यार कर क्या रहे हैं, नीचे नंबर डाल रहे ऊपर मेल डाल रहे हैं, तो ठीक है यार इसको हम लोग थोड़ा सा सही करेंगे, कुछ गलत मतलब ऐसा कुछ खास गलत हुआ नहीं है, पर हम लोग को यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले कॉल वाला डालना है। तो कॉल वाला क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे वेबसाइट पर लोगों, और यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, ईमेल को हटा कर डालेंगे कॉल, तो इंटर दबाया, एक एलकम करना है, इंटर दबाया, कॉल का ऑप्शन आया, क्योंकि कॉल का ऑप्शन आ गया है तो इसको हम लोग कोड पूरा डाल चुके हैं, सिर्फ नीचे वाले वाला कोड चेंज करना है, तो इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, आएंगे विजुअल स्टूडियो कोड पे, और ये जो स्पैन है इसको बस चेंज कर देते हैं, ठीक है, इसको बस चेंज कर देते हैं कंट्रोल वी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जहाँ पे कॉल का वो मेल का ऑप्शन आ रहा था वहाँ कॉल का आने लगा, ठीक है। अब हम लोग मेल का भी डालेंगे पर नीचे डालेंगे, ठीक है। तो ये मैंने डाल दिया नंबर, नंबर नंबर और थोड़ा बहुत जो चीज़ें हैं वो मैं लिख लेता हूँ कहीं पे कि यार क्या क्या चीज़ें करनी, कैसे क्या करनी, बाकी कुछ दिमाग में होता किसी के नहीं, सब अपने अपने हिसाब से करते हैं। तो इस डिप को यहीं पर कर देंगे क्लोज, ये पहला वाला बॉक्स हो गया कम्प्लीट, पहला वाला बॉक्स कितना मैं आपको दिखा देता हूँ, कोड ये यहाँ से लगा कर पूरा यहाँ से इतना, ये एक छोटा बॉक्स बन चुका है। अब एक और बॉक्स बनाएंगे, दो बॉक्स होंगे, और ये जो डिब है ये पेरेंट डिब है, ये बड़े वाले बॉक्स की है, ठीक है, कार्ड्स जिसका नाम है। टैब दबाया, स्पेस लिया, अब हम लोग एक और डिब ओपन करेंगे, इस डिब का हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हम लोग सेम क्लास दे देंगे, तो सेम क्लास हम लोग कौन सी देंगे, दूसरे वाले डिब्बे की जिसका नाम है कार्ड, ना कि कार्ड्स, कार्ड है, ठीक है। और कहोगे भाई कार्ड और कार्ड्स करके आज आपने हमारा दिमाग ख़राब कर रखा है, भाई कोडिंग ही ऐसी चीज़ होती है, थोड़ा सा आपको प्रेशर तो झेलना ही पड़ेगा, कुछ किया नहीं जा सकता उसमें आपको यार, जब तक देखो आप रगड़ोगे नहीं तब तक मज़ा नहीं आएगा, ठीक है, रगड़ना तो पड़ेगा इस लाइफ में, बिना रगड़े कोई किसी को कुछ मिला आज तक, कुछ नहीं मिला। मैं भी यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ तो कुछ इसीलिए कर रहा हूँ कि शायद थोड़ा सा मैं सक्सेस हो जाऊँ, आप लोग को चीज़ें सिखा पाऊँ, आप लोग सीख पाएँ। तो मेल वाले ऑप्शन पर जाएंगे, कॉपी किया, अब मेल वाला डाल देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अगर कहीं समझ में ना आया करें ना, वीडियो थोड़ा पीछे किया करो फिर देख लिया करो, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, ये मैं पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ, कैसा होता है पहले पहले नहीं लगता है इंसान को, समझ में नहीं आ रहा होता पर बाद में आ जाता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखो इसको रन किया, यहाँ पर अपनी वेबसाइट पर आते हैं, तो एक देखो कॉन्टैक्ट मतलब कॉल का ऑप्शन, एक ईमेल का ऑप्शन, तो अब हम लोग यहाँ पर एक ईमेल भी देंगे नीचे, तो चूँकि H3 हम लोग को डालना होगा और लिखना होगा ईमेल H3, और यहाँ पर लिखना होगा ईमेल ईमेल, ठीक, ईमेल, और एक सेकेंड यहाँ पे ब्राउज़र पे चलें, ठीक, ओके, गुड, ईमेल, और यहाँ पे हम लोग आएंगे पैराग्राफ देंगे, पैराग्राफ में ईमेल लिखेंगे, ईमेल आपको मैं अपनी दे सकता हूँ, ईमेल मैं आपको अपनी दे सकता हूँ खुद की, ये लिख लो मेरी ईमेल rshukla440, एक सेकेंड rshukla440। अब मैं अपने ओरिजिनल नेम से कभी ईमेल बनाता नहीं हूँ, ये आप जानते हो, मेरी ओरिजिनल नाम है शुभम पांडे, पर मैं बनाता हूँ rshukla, राहुल शुक्ला मेरा इंटरनेट नेम है, और होना भी चाहिए इंटरनेट पे आप पूरा अपना कभी आइडेंटिटी शो ना करें मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने आज से काम नहीं किया, मैं करीबन बहुत पहले 2015-14 से इंटरनेट पर काम कर रहा हूँ, तो मैंने ये सीखा है कि इंटरनेट पर आप कभी पूरी आइडेंटिटी अपनी शो ना करें, क्योंकि कोई भी चीज़ एक बार इंटरनेट पे आ गई तो कभी जाती नहीं, आप चाहे इतना बदलने की कोशिश करें कभी नहीं बदलेगी, इसलिए मैं अपनी ईमेल आईडी भी अपने नाम पे नहीं बनाता हूँ, और इससे कोई कुछ होगा नहीं, कोई ये नहीं आके कह देगा यार शुक्ला नाम पे पड़ी हुई है तो मेरी, ऐसा थोड़ी ना है, मैंने अपने उससे बनाई, मेरा नंबर रजिस्टर्ड है तो कोई ले थोड़ी ना जाएगा, तो क्या ज़रूरत है उस चीज़ के लिए।
ओके rshukla440@gmail.com, ये मेरी ईमेल हो चुकी है जनाब। अब हम लोग इस ट्रिप को यहीं पे कर देंगे क्लोज। चलो भाई साहब आप यहीं पे आ जाओ। ओके ठीक है, अब क्या करने वाले हैं, कुछ तो ऐसा करना होगा, यहाँ पे चेक करना होगा पहले क्या क्या हुआ, इतना हो गया। अब इसको डिज़ाइन करना होगा, डिज़ाइन तो हम लोग CSS पे ही करेंगे। पहले देख लेते हैं कि यहाँ तक सब काम कंप्लीट है, सेक्शन क्लोज हो चुका है, तो सेक्शन क्लोज तो हो चुका है। ये यहाँ पे आएंगे एक सेकेंड, ओके, और इसको टैब दबा कर यहाँ कर देंगे। ठीक है, अब थोड़ा मैं इसको चेक कर लेता हूँ पर्सनली, सब चीज़ें तो सही चल रही हैं। ओके तो अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन बनाते हैं, और ये सेक्शन किसका क्लोज हुआ है, ये तो यहाँ पे हो गया इसका, ठीक है, ये यहाँ ओपन हुआ, ये यहाँ क्लोज हो गया, ये अच्छा इसका है, ठीक है ठीक है ठीक है। ये हम लोग ने जो नीचे सेक्शन रखा है ये है ऊपर, इसको ले जाना पड़ेगा ऊपर का, ये यहाँ वाला है, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने क्लोज नहीं किया था ना यहाँ पे, ठीक है, इसका हो गया। इसीलिए चीज़ें आपको देखनी होती कि कहीं इधर उधर भाग तो नहीं रही है। आप हम लोग कमेंट कर देंगे यहाँ पे, कमेंट करने से पता चल जाता चीज़ें कि क्या चीज़ हो रही है, मतलब हमारे साथ क्या घटना घट रही है। ठीक है, मैंने यहाँ पे कंट्रोल भी किया और यहाँ पे ये बता दिया कि भैया ये सेक्शन वाला जो कॉन्टेक्ट सेक्शन था ये यहाँ पे क्लोज हो चुका है। अब हमारे पास कुछ बचा नहीं है, अब हम बस एक फुटर बना देंगे अच्छा सा, और फुटर बनाने के बाद हमारा बस गंगा नहाएंगे चल के CSS वाली, ठीक है। और हम लोग जल्दी से फुटर बनाने के लिए क्या करेंगे, फुटर टैग यूज़ करेंगे। फुटर में आईडी हम लोग कुछ देने वाले नहीं है, कुछ भी नहीं देंगे, ऐसे ही पैराग्राफ लेंगे, और पैराग्राफ में हम लोग बस एक सेकंड, पैराग्राफ में एक काम करना होगा, क्लास देना होगा। क्लास क्यों देंगे, वो भी काम आएगा, पैराग्राफ में क्लास देंगे जिससे हम लोग उसको सेंटर पे लेके आएंगे। तो हम लोगों ने कहा कॉपी राइट नाम से एक क्लास दे दिया। अब पैराग्राफ में लिखना क्या है, पैराग्राफ में सबसे पहले अपने वेबसाइट का जो भी डोमेन आपका नेम हो, जिस नेम से रजिस्टर्ड हो, वो आप लिख सकते हो। मैं लिखूँगा डूम कोडिंग कॉपीराइट का साइन ओके, इसमें तो है नहीं, उससे लाना पड़ेगा, जी हाँ इसमें नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ से ले लेते हैं यार, जल्दी रहेगा, नहीं तो हम लोग उसको ला सकते हैं, ऐसा नहीं है, ऑप्शन रहता है, पर मुझको अभी याद नहीं आ रहा है। कॉपीराइट सिंबल कहीं तो बना होगा जिसको कॉपी किया जा सकता है, या फिर सिंबल लिख दें, ठीक है सिंबल, बस इसको कर लें कॉपी, कंट्रोल सी, एंड बस यहाँ पे आते हैं VS कोड पे, और यहाँ पे हम लोग कंट्रोल वी, डूम कोडिंग कॉपीराइट 2023 चल रहा है इस समय, तो 2023 ऑल राइट रिजर्व्स। ये आपने बहुत जगह देखा होगा, फुटर के अंदर और भी काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं, पर हम लोग चाहें तो फुटर के अंदर पूरा मैप डाल सकते हैं वेबसाइट का, और हम लोग डाल सकते हैं अपनी सोशल मीडिया लिंक्स, कॉन्टैक्ट लिंक्स सब डाल सकते हैं, फॉर्म डाल सकते हैं, अपना लोगो भी लगा सकते हैं, पर क्या ज़रूरत है, सिंपल चीज़ें रखो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी तो उन्होंने ऊपर दे ही रखा है सब चीज़ें रिजर्व, ठीक है। तो ये बन गया भैया फुटर। अभी देख लेते हैं कि हमारा HTML का काम यहाँ से हो गया कंप्लीट, थोड़ा सा इसको इस तरीके कर देते हैं। ओके, फुटर को हमने उसमें नहीं दिया, कमेंट नहीं दिया, कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि फुटर सबसे नीचे। अब हम लोग जनाब यहाँ पे आए, तो हम लोग ने देखा ये वेबसाइट कुछ इस तरीके से डिज़ाइन तो हो गई है हमारी इस तरीके से, ठीक है। अभी हम लोग इसमें इसको डिजाइनिंग मतलब अभी क्या स्केलेटन खड़ा हुआ है, अभी इसके अंदर हम लोग को कलर करना है, इसको हेयर देने सब करना है ना, तो वो हम लोग करेंगे क्या style.css वाली फाइल पे। तो style.css पे चलते हैं जनाब जल्दी से, और हम लोग यहाँ पे अब करने क्या वाले हैं, एक एक चीज़ें आपको बहुत ध्यान समझनी पड़ेगी, क्योंकि HTML का कोड तो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं कह रहा हूँ CSS का सबसे ज़्यादा कोड होता है, CSS में आपको करना ही पड़ेगा काफ़ी सारी चीज़ें, आप कुछ नहीं कर सकते हैं जनाब। ओके, मैं भी थक गया हूँ पर करता हूँ, ठीक है। स्टार लगाऊंगा सबसे पहले, ये आपका यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है, मैंने पढ़ा रखा है, कर्ली ब्रैकेट। अब हम लोग यहाँ पर पहले कुछ बता देंगे कि ये चीज़ें बिल्कुल जीरो कर दो, पैडिंग भैया जो पहले से अगर कहीं दे रखी हो, ऑटोमेटिक कुछ देता है ना ब्राउज़र, तो उसको हम लोग कह देंगे भैया जीरो कर दो, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें करनी है, एक एक पैडिंग जीरो कर देते हैं, मार्जिन जीरो कर दिया जाता है क्योंकि वो हम लोग अपने हिसाब से देंगे, और मार्जिन के बाद हम लोग दे देंगे बॉक्स साइजिंग को हम लोग रखेंगे बॉर्डर बॉक्स। ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, अगर आपको ना पता हो आप जाइए CSS पे, नीचे जाइएगा आपको ये वीडियो मिल जाएगी बॉक्स साइजिंग करके, बॉर्डर बॉक्स करके, ठीक है।
ये सब मिल जाएंगी। और हम लोग फॉन्ट फैमिली पॉपिंस करके होता है एक यूज़ करना होता है, उसके लिए हम लोग को जाना पड़ेगा गूगल फॉन्ट्स पे, ठीक है। गूगल फॉन्ट्स कैटेगरी बिजनेस नहीं मटेरियल सिंबल्स आइकन्स नहीं, चलो बैक करते हैं इसको और यहाँ पे फॉन्ट्स लिख देते हैं, जल्दी आ जाएगा फॉन्ट्स। इंटर दबाया, इंटर दबाने के बाद गूगल फॉन्ट्स पे जाएंगे और जाने के बाद में हम लोग यहाँ पे पॉपिंस सेंस सेरिफ ऐसा करके कुछ होता है ना, और स्क्रॉल यहाँ पे पॉपिंस यही है ना, नहीं ये है कि नहीं है, देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये सब चीज़ें यार देखो आप खरीदने जा रहे हो चीज़ों को, तो आप उसको जितना अच्छे से देखोगे उतना ही अच्छा आपको समझ मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग चीज़ों को खरीद रहे हैं एक तरीके से, तो हम लोग करेंगे सेंस सेरिफ करके एक होता है, इंटर दबाया। अभी ये तो कह रहा कैन नॉट फाइंड, ओके पॉपिंस पे ही जाते हैं, यही है ठीक है, यही इसको ओपन करते हैं। इसको ओपन करने के बाद में जनाब इसमें कितने तरीके के हैं, थिन है, डार्क है, एक्स्ट्रा डार्क लाइट, एक्स्ट्रा बोल्ड, दुनियादारी, रेगुलर, और चलो ऐसा करते हैं पूरा ही हम लोग सोच रहे हैं कर लिया जाए, पूरा ही यूज़ कर लिया जाए, हाँ या ना, पूरा ही यूज़ कर लिया जाए भैया, ठीक है। तो यहाँ पे साइड में ऑप्शन दिखता है, इस पर आपको क्लिक करना है, ये सारी सिलेक्ट हो चुकी हैं, ठीक है। तो सारी सिलेक्ट होने के बाद हम लोग नीचे आएंगे, ये जो कोड है इसको तो कॉपी करना ही पड़ेगा, या फिर हम लोग इम्पोर्ट कराते हैं, इम्पोर्ट में देखते हैं क्या चीज़ है, ओके इम्पोर्ट पे ऊपर आते हैं, इम्पोर्ट कराते हैं, इम्पोर्ट में ये वाला कोड कॉपी करेंगे, ठीक है। ये कोड हमने किया कॉपी, कॉपी करने के बाद हम लोग आएंगे यहाँ पे VS कोड पे और इसको टॉप पे रखते हैं हमेशा, ठीक है। कंट्रोल V कर दिया, ये जनाब आपका हो चुका है फॉन्ट्स URL, ठीक है पूरा, और इससे थोड़ा हम लोग जगह ले लेते हैं इस तरीके, और अब हम लोग जो फॉन्ट लिए हैं उसको कॉपी करते हैं इस तरीके, और यहाँ पे आते हैं VS कोड पे, और यहाँ पे हम लोग टैब दबा के कंट्रोल V करेंगे, भैया हो गया हमारा इतना काम हो गया। और हम लोग यहाँ पे स्क्रॉल बिहेवियर करके एक प्रॉपर्टी होती है, अभी भी है, हाँ ये है, स्क्रॉल बिहेवियर स्मूथ कर देंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया जनाब, इतना काम ख़त्म, यूनिवर्सल सिलेक्टर में हम लोग को इतना ही करना था। अब हम लोग बॉडी के अंदर कुछ चीज़ें करेंगे, बॉडी के अंदर हम लोग मिनिमम हाइट वगैरह सेट कर देते हैं बॉडी के अंदर, क्योंकि इसके अंदर देखो कोड बहुत सारा हम लोग को लिखना है, कम से कम 500-600 लाइन का, तो वीडियो लंबी बनेगी। आप मन हो तो वीडियो पॉज कर लो, जाओ चाय पियो, कुछ खा पियो, आप कर लो, क्योंकि मैं तो यार बनाने बैठा हूँ तो मैं यार कुछ नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। मिनिमम हम लोग इसकी हाइट रखेंगे 100 VH, VH क्या है, व्यू पॉइंट हाइट बोलते हैं इसको, फुल फॉर्म होता है, और आप इसके बारे में पढ़ सकते हो, मैंने आपको यूनिट्स नाम की एक CSS वीडियो बनाई है, CSS कोर्स के अंदर यूनिट्स नाम की, वहाँ पे मैंने बताया VH, पिक्सल, VW इनमें क्या अंतर होता है, ठीक है। और विथ फिर रख देते हैं हम लोग, विथ हम लोग रखेंगे इसकी 100% पूरी, ठीक है 100%, और इंटर दबाएंगे। इंटर दबाने के बाद ओवरफ्लो एक्स करते हैं, इसको हम लोग करते हैं हिडन, ठीक हिडन। अब जनाब इतना होने के बाद में एंटर दबाया, एंटर दबाने के बाद में हम लोग हेडर सेक्शन पे डायरेक्ट सिलेक्ट करते हैं, हम लोग ने हेडर यूज़ किया है ना यहाँ पे, कि हम लोग ने सिर्फ सेक्शन यूज़ किया, हेडर यूज़ किया मेरे समझ से, हाँ हेडर यूज़ किया है, और हेडर यहाँ क्लोज हुआ, ठीक है। हेडर यूज़ करना ही था, क्योंकि हम लोग नेविगेशन बार हेडर के अंदर बनाते हैं, ये आपको भी पता है। हेडर सेलेक्ट किया कंट्रोल, और ये कर्ली ब्रैकेट ओपन कर लिया, कर्ली ब्रैकेट ओपन करने के बाद सबसे पहले डिस्प्ले को हम लोग कर देंगे फ्लेक्स, ये फ्लेक्स बॉक्स की तरीके करेगा, फ्लेक्स मतलब कर देंगे फ्लेक्स बॉक्स में, आप इस पे वीडियो बनी हुई है जाकर देख सकते हो डिस्प्ले फ्लेक्स क्या होता है। जस्टिफाई कंटेंट ये सब फ्लेक्स बॉक्स के ही अंदर आता है, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट में हम लोग कर देंगे स्पेस बिटवीन ये है, ठीक है। ये क्या है, स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन, स्पेस इवनली, क्या है आप पढ़ सकते हो इसको, यहाँ पे हम डायरेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर सकते, पर अब हम लोग यहाँ पे ये एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम लोग जो ये अलाइन आइटम्स करेंगे इसको हम लोग कर देंगे सेंटर, सेंटर करने से क्या होगा जनाब कि ये सारी चीज़ें सेंटर पे ले लेगा अपने हिसाब से, ठीक है। हेडर में जो भी चीज़ें आएंगी नेविगेशन में वो सब सेंटर पे आ जाएंगी जनाब, ओके एक सेकेंड, ये स्टाइल टैग तो यहाँ नहीं आना है, इसको हटाओ,
स्टाइल टैग तो नहीं आएगा, इसको हटाओ, मेरी नज़र चली गई, अच्छा हुआ, नहीं पता चले ये अपने आप ही में काम हो रहा है सब चीज़ें। और यहाँ पे हम लोग व्यू में वर्ड रैप करते हैं, ठीक, बिल्कुल ठीक है। एट द रेट इम्पोर्ट यू आर एल HTTP फॉन्ट्स, बाकी तो सब चीज़ें सही हैं, ओके। और ये गूगल की हिम्मत कैसे हुई इसमें, इसने ये डाल रखा है, एक सेकंड चेक करते हैं, इम्पोर्ट में इसने स्टाइल टैग क्यों डाल रखा है, गलत बात है। चलो यहाँ पर आते हैं, वही मुझे दिखा कि यार रेड लाइन क्यों शो हो रही है एरर का। अब मैं आता हूँ, एलाइन आइटम सेंटर हो गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं जनाब, हम लोग इसमें देखो थोड़ा सा, देखो एलाइन आइटम हो गया, पैडिंग वगैरह देते चलते हैं। लेफ्ट राइट की पैडिंग 0 और टॉप बॉटम की 100 100, ठीक है, 100 पिक्सल, मतलब 0 100 पिक्सल, ओके, एंटर दबाया। उसी तरीके से हम लोग हाइट दे देंगे, हाइट में हम लोग 100 पिक्सल रखते हैं। ये हम लोग किसकी दे रहे हैं, हेडर की दे रहे हैं, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, हेडर पिक्सल की, हेडर सेक्शन की, सॉरी पिक्सल की, क्या हेडर सेक्शन की, ठीक है, हेडर सेक्शन की। तो हम लोग यहाँ पे 100 पिक्सल दे दिए। अब उसके बाद हम लोग विथ देंगे, तो विथ हम लोग मतलब चौड़ाई कितनी रखनी है, तो वो भी हम लोग, वो हम लोग पूरा मतलब जैसे कि स्क्रीन उठती है तो पूरा 100% रखेंगे, कि जहाँ तक स्क्रीन आए वहाँ तक आप पूरा रखो। और चूंकि ये जो वेबसाइट बना रहे हैं इसको हम लोग को रिस्पॉन्सिव बनाना है, तो हम लोग नीचे मीडिया उसका यूज़ करके हम लोग उसको रिस्पॉन्सिव भी बनाएंगे, ठीक है, तो उसमें ही टाइम लगेगा मेन रिस्पॉन्सिव बनाने में, ओके। अब हम लोग ने ये कर दिया विथ 100%। हम लोग करने वाले हैं बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, इसका हम लोग आपको कलर कोड बता देते हैं, मैंने लिख के रखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि हम लोग कलर नाम में नहीं देंगे, कलर कोड में बता रहा हूँ, C7AD AB, ठीक है, ये कलर कोड है आपका। और यहाँ पे अब जनाब इतना हो चुका है, तो हम लोग कर देते हैं इसकी पोजीशन को फिक्स्ड, पोजीशन अपनी जगह फिक्स्ड, ठीक है, पोजीशन फिक्स्ड, रिलेटिव नहीं रखना है, फिक्स्ड कर देना है, ठीक है। और हम लोग टॉप कर देंगे 0, टॉप पे मतलब पोजीशन दिया तो टॉप तो रखना ही पड़ेगा, तो टॉप 0, ठीक है। जेड इंडेक्स पहले इतना देख लेते हैं यार, क्या हो रहा है यहाँ पे, कुछ हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, अच्छा दिख रहा है काफ़ी, ठीक है, ओके। यहाँ पे एक नंबर दे देता हूँ जेड इंडेक्स में, या फिर अभी ना देते हैं जेड इंडेक्स, अभी नहीं देंगे, मूड ही नहीं है कोई, अगर मान लो ऐसा फीचर ही यूज़ ना किया तो नहीं देंगे। और ट्रांजिशन दे देते हैं, ट्रांजिशन दे देंगे, ट्रांजिशन हम लोग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो स्मूथली एनिमेशन टाइप का दिखेगा, इसलिए हम लोग को ट्रांजिशन देना है। ट्रांजिशन 0.3 सेकंड का देंगे, 0.3 सेकंड का, ठीक है, मिली सेकंड नहीं, सेकंड का, ओके। और इसको भी इसी तरीके हम लोग कर लेते हैं टैब दबा के, ओके। अब इतना जनाब हो चुका है, जनाब इतना होने के बाद में हम लोग नीचे आते हैं, ये हेडर सेक्शन का हमारा काम कंप्लीट, एंटर दबाएंगे, एंटर दबाने के बाद में हम लोग हेडर, और हेडर तो सिलेक्ट करेंगे, उसके अंदर जो हमारी H2 हेडिंग है उसको मेन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, हेडर के अंदर जो H2 हेडिंग है, H2 कौन सी पोर्टफोलियो वाली जो थी, ठीक है, उसके अंदर हम लोग करेंगे फॉन्ट साइज, तो हम लोग करेंगे फॉन्ट साइज, सबसे पहले उसको दे देंगे कितना, 40 पिक्सल, ठीक है, 40 पिक्सल सही लग रहा है, मुझको चेक भी करना पड़ेगा क्योंकि मैं अंदाज से दे रहा हूँ, तो इसको देख लेते हैं, 40 पिक्सल ये सही है, ठीक है, ठीक है, 40 पिक्सल। और इसको कलर कर देंगे, कलर में देखो बहुत ही अच्छे अच्छे कलर मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, मैं इससे आपको कुछ रोक नहीं रहा हूँ, कोड आपको मिल जाएगा, आप चेंज कर सकते हो, अगर मेरे कलर ठीक लगे तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, कोई वो मायने नहीं रखता है। तो इतना हो चुका है, और डी बी, ठीक, ये ब्लू का एक कलर होता है, मैं कलर कोड में देना पसंद करता हूँ, मुझे सही लगता है, ठीक है। अब जनाब इतना हो चुका है, वेबसाइट बन अच्छी रही है, बस थोड़ा सा हम लोग को उसको अपने हिसाब से डालते चलना है। मैं टेक्स्ट डेकोरेशन अपर केस कर दूंगा, मतलब जितने भी अभी आप देख रहे हो ये लोअर केस में भी आ रहा है पी को छोड़ के, तो सारे अपर केस में आए, ये चीज़ मैं चाहता हूँ, तो मैं टेक्स्ट डेकोरेशन को अपर केस करूँगा, तो डॉटेड डॉटेड अंडरलाइन अपर केस, यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, एक सेकेंड, टेक्स्ट सॉरी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म था यार, ये डेकोरेशन प्रॉपर्टी नहीं होती है, हम लोग भी यार भूलते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग भूलते नहीं हैं, पर हम लोग को याद आ जाता है, जब चीज़ें वर्क नहीं करेंगे तो हम लोग को तुरंत याद होएगा, अच्छा ऐसा था। अपर केस करने के बाद में देख लो ये सारी चीज़ें अपर केस में आ गई हैं, मतलब सारे लेटर्स अपर केस में आ गए हैं,
ये करने के बाद जनाब अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इतना यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। इतना कंप्लीट होने के बाद में अब हेडर के ही अंदर हम लोग ने अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई है। हाँ या ना अनऑर्डर्ड लिस्ट में हम लोग ने क्या किया है कि सारे एंकर टेक्स्ट को डाला है और लिस्ट बनाई है, तो उसको भी हम लोग करेंगे UL एंड LI तीनों को एक साथ, मतलब हेडर के अंदर UL, UL के अंदर LI, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ से कर लेंगे कर्ली ब्रैकेट ओपन। ओपन करने के बाद में हम लोग लेंगे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। इनलाइन ब्लॉक इसलिए देंगे क्योंकि वो जहाँ पे आएगी वहाँ पे फिट हो जाएगी, और उस पर हम लोग अगर साइज भी देंगे तब भी हो जाएगा। इनलाइन देखो दो तीन ब्लॉक, इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक। तो ब्लॉक वो होती है कि वो नई लाइन से स्टार्ट होंगी, मतलब ब्लॉक एलिमेंट है वो नई लाइन से स्टार्ट होंगे। इनलाइन क्या करती है कि जितनी जगह मिलेगी वहाँ पर वो संतुष्ट कर लेगी, पर इनलाइन के अंदर क्या होता है कि फिर आप उसको विथ हाइट नहीं दे सकते हो। पर इनलाइन ब्लॉक में क्या है कि वो होगी तो इनलाइन की तरीके, पर आप उसमें हाइट एंड विथ भी आप बाय डिफॉल्ट मतलब जो भी आप दोगे वो दे सकते हो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, इसको कर देंगे हम लोग डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। इनलाइन ब्लॉक ये हो गया जनाब। इसमें एक चीज़ और छोटी सी करेंगे, फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं मार्जिन। मार्जिन में हम लोग ने करा लेफ्ट के लिए, सॉरी मार्जिन हम लोग करेंगे लेफ्ट के लिए, तो हाइफन लगा के लेफ्ट, लेफ्ट से इसको मार्जिन दे देंगे हम लोग 15 पिक्सल की। तो हम लोग आएंगे 15 पिक्सल की, ठीक है। अब इसको हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं जनाब कि क्या चीज़ें हो रही हैं क्या नहीं हो रही हैं, ठीक है। तो ये जनाब ठीक है ठीक है ठीक है, अभी ये पूरा क्यों नहीं आ रहा है इसको भी देखना पड़ेगा। एक एक चीज़ें देखो, आप जब CSS कर रहे हो तो आपको तुरंत तुरंत नहीं सब घबराना है। जब पूरी वेबसाइट बन जाएगी उसके बाद भी एक दो बग आपको दिखेंगे ही, उसको आराम से बैठ कर सॉल्व करना है। ये मैं आपको टिप देते चल रहा हूँ बीच बीच में, जो कि हम लोग की पर्सनल होती है, पर आपको मैं देता चलता हूँ, ठीक है। हेडर, हेडर के अंदर UL, UL के अंदर LI, UL के अंदर LI, और LI के अंदर हम लोग क्या करेंगे एंकर टैग, एंकर टैग, और हम लोग करेंगे क्या कर्ली ब्रैकेट ओपन। ओपन करने के बाद में हम लोग टेक्स्ट डेकोरेशन को कर देंगे हम लोग नन। नन क्यों करते हैं, जो नीचे अंडरलाइन आती है ना एंकर टैग, जब भी आप यूज़ करोगे तो नीचे अंडरलाइन आती है, वो बहुत ख़राब लगती है, उसको नन करेंगे। नन करने के बाद में एंटर दबाया, एंटर दबाने के बाद में उसको भी एक कलर दे देंगे, ठीक है। कलर हम लोग देंगे, देते चलते हैं, हम लोग ने कलर कोड सब छाँट छाँट के रखे हुए हैं, हैश, और पहले कलर कोड आप देख लो 1, ठीक है 1567DB, ठीक है ये पहले वाला है, ठीक है इसको हमने कर दिया। अब देखो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, ठीक है। अब इसको होवर इफेक्ट भी देना है, काफ़ी सारी चीज़ें देनी है, तो हम लोग करते चलते हैं। ओके, अब हम लोग करेंगे फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट में हम लोग 500 करेंगे। अब देखो थोड़ा गाढ़ा हो गया, ठीक है, गाढ़ा हो गया मतलब बोल्ड हो गया, ठीक है। इसको नंबर में भी दे सकते हैं या फिर वैसे भी आप दे सकते हो। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देंगे पैडिंग, तो इसको हम लोग दे देते हैं पैडिंग, फॉन्ट वेट पैडिंग में दे देंगे 10 पिक्सल। और यहाँ पे हम लोग बॉर्डर रेडियस देंगे, बॉर्डर रेडियस क्यों दे रहे हैं अभी आपको समझ में आएगा इस चीज़ को, 15 पिक्सल, एंटर दबाया। और ट्रांजिशन हम लोग देंगे, ट्रांजिशन इफेक्ट लगाना है तो ट्रांजिशन हम लोग दे देंगे इसमें 0.6 सेकंड का, 0.6 सेकंड का, ठीक है ओके। और हम लोग ईज पे लगाएंगे, ईज क्या होती है एक मतलब होता है यार आपकी वैल्यू होती है, आप पढ़ सकते हो उसमें अलग अलग इफेक्ट आते हैं। अब जनाब यहाँ पे देख लेते हैं कुछ इस तरीके का आ रहा है, अभी भी वो पूरा अपना अपना फिटाफिट नहीं आया चीज़ें, पर हो रही हैं चीज़ें, चल रही हैं मतलब पहले से, ठीक है। देखो ये काम भी कर रहा है वेबसाइट्स, ठीक है। पर अब इसको हम लोग और फिट करेंगे, और फिट करने के बाद में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ चीज़ें बची हुई हैं, हेडर, हेडर के अंदर UL, फिर LI, फिर LI के बाद हम लोग फिर एंकर, इतना सेलेक्ट किया। अब हम लोग यहाँ पे होवर इफेक्ट देंगे, तो एंकर के आगे यार कॉलन का निशान लगाओ और यहाँ पे लिख दो होवर, ठीक है होवर। होवर इफेक्ट में क्या देंगे आप देखते चलो, खुद ही आपको समझ में आएगा। होवर इफेक्ट में हम लोग बैकग्राउंड कलर चेंज कराएंगे, तो हम लोग करेंगे बैकग्राउंड कलर। अब बैकग्राउंड कलर के लिए हम लोग ने करेंगे 1, पहले हैश लगाना होता है, हैश 1567DB, ये मतलब जो कॉमन है जो देते चल रहे हैं, ठीक है। और कलर इसका क्या देंगे, ये बैकग्राउंड कलर था, अब कलर भी देख लेते हैं। कलर में हम लोग हैश CADB, ठीक है ये कॉमन है याला, ठीक है। अब देखो इसको कुछ इस तरीके से हम लोग कर रहे हैं, तो ये देखो बैकग्राउंड कलर के साथ मैच कर रहा है, ठीक है तो सही जा रहा है अभी, अभी तो ये सही जा रहा है। इसको हम लोग देखते हैं कुछ रिस्पॉन्सनेस,
अभी कुछ नहीं है इसके अंदर, रिस्पॉन्सिवनेस के नाम पे कुछ भी नहीं है, हम लोग रिस्पॉन्सिव बना के ही छोड़ेंगे। ओके, इतना काम ख़त्म हुआ, अब हम लोग करने क्या वाले हैं, इतना काम हो गया, अब हम लोग होम पे आते हैं, पहले होम पे आते हैं, ठीक है। ओके, तो अब जनाब हम लोग क्या करने वाले हैं, इतना हो चुका है यहाँ पे, हम लोग नीचे आएंगे, आईडी जो बनाई थी हैस मतलब होम करके, ठीक है, तो उसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे जनाब, इसको इस तरीके करते हैं और यहाँ से उस आईडी को सिलेक्ट करते हैं होम वाली, तो होम ये मैंने किया, आईडी को सिलेक्ट, कर्ली ब्रैकेट दबाएंगे। अब हम लोग यहाँ पे क्या क्या करने वाले हैं थोड़ा सा समझो, क्योंकि होम के अंदर हम लोगों ने काफ़ी कुछ दिया है, काफ़ी कुछ लिखा भी था और एक इमेज भी डाली थी, तो हर चीज़ को हम लोग अपने अपने हिसाब से करेंगे। हम लोगों ने मार्जिन दिया टॉप से 100 पिक्सल, ठीक है, तो हम लोग करेंगे 100 पिक्सल, ठीक। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्प्ले कर देंगे सबसे पहले, तो फ्लेक्स डिस्प्ले फ्लेक्स, ओके। इतना करने के बाद जनाब हम लोग क्या करने वाले हैं, अलाइन आइटम्स को सेंटर, अलाइन आइटम्स, अलाइन आइटम्स सेंटर, ओके। इतना आपको क्लियर हो रहा है, अलाइन आइटम सेंटर करने के बाद मतलब क्या होता है कि जैसे कि आपके जो आइटम्स हैं सब सेंटर पे, मतलब लेफ्ट ना राइट, बिल्कुल सेंटर पे आने लगेंगे। ये सब चीज़ें देखो कुछ कुछ नाम से भी पता चलती हैं, कुछ कुछ समझना भी पड़ता है। और जैसे कि बेसिकली क्या है, जस्टिफाई कंटेंट हम लोग कर देंगे, जस्टिफाई कंटेंट हम लोग करेंगे वही स्पेस बिटवीन, स्पेस बिटवीन बेसलाइन, नहीं बिटवीन, ठीक है, ओके, बेसलाइन था एक, स्पेस बिटवीन था, ओके। अब हम लोग क्या करने वाले हैं जनाब, इतना हो चुका है, हाइट एंड विथ भी इसकी सिलेक्ट कर देंगे। हाइट को हम लोग रखेंगे जनाब यहाँ पे 95 VH, VH मतलब व्यू पोर्ट हाइट के बराबर, मतलब पूरा जो स्क्रीन दिखती है आपकी वेबसाइट की उसके 95%, 95 VH व्यू पोर्ट हाइट, ओके। और क्या करना है, विथ, हाँ विथ, विथ पे फंक्शन भी लगाएंगे हम लोग, विथ पे फंक्शन क्या लगाएंगे, सबसे पहले हम लोग विथ पे एक फंक्शन लगाएंगे कैलकुलेटर करके, ऐसे कॉल करके, ठीक है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। इस फंक्शन में हम लोग ये बताएंगे कि 100% से 100 पिक्सल, 100% टू 100 पिक्सल, 100 पिक्सल, ठीक, इतना क्लियर हो गया। और ये सब चीज़ें आपको आई होप आती होंगी, मैंने पढ़ा रखी हैं, क्योंकि इनको तुरंत का तुरंत यार एक्सप्लेन करने से कोई मतलब आप समझ भी नहीं पाओगे, कोई फ़ायदा नहीं है। वीडियो देखोगे तो आपको बिल्कुल बेसिक से आपकी जो मजबूती आएगी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। हम लोग करने के वाले मार्जिन लेफ्ट कर देंगे, हम लोग मार्जिन लेफ्ट में हम लोग ऑटो रखेंगे, ऑटो मतलब अपने हिसाब से डिसाइडेड होगा, ठीक है, जैसे सिचुएशन होगी उस हिसाब से वो बिहेव करेगा। मार्जिन भी हम लोग कर देंगे राइट की ऑटो, राइट ऑटो, और कोई कभी प्रोफेशनल नहीं होता किसी चीज़ में, ये भी मैं जानता हूँ। हर इंसान एक मान लो जो बड़ा प्रोफेसर होता है, जो पढ़ रहा मतलब एक तरीके से पढ़ा रहा होता है, वो भी उस सब्जेक्ट का एक स्टूडेंट ही है, क्योंकि आप हमेशा सभी चीज़ें सीख लो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। समय के साथ चीज़ें आप सीखते चलते हो, आपको नई नई चीज़ें आती रहती हैं। पर आप हम अगर अभी कह दें कि मुझे सब आता है, बिल्कुल नहीं, आप भी नहीं कह सकते हो कि आपको सब आता है, बिल्कुल नहीं। एक बड़ा कोडर जो कि बिल्कुल परफेक्ट होगा वो भी कह दे मुझे सब आता है, नहीं, क्योंकि यार हर चीज़ समय के साथ आती, किसी ने इस लैंग्वेज को बनाया है, ठीक है, उससे अगर आप कंपैरिजन करो तो आपको शायद उसके बराबर कुछ ना आता हो, तो ऐसा होता है ना हर चीज़। तो हम लोग इसको एक मोटिवेशन के तौर पे ले सकते हैं, ठीक है, हमेशा हम लोग अहंकार नहीं करना चाहिए कि यार मुझे सब आता है। और यहाँ पे आते हैं, अब ये काफ़ी चीज़ें सही दिख रही हैं, उस इमेज का देखते हैं क्या हाल है। ओके, बस यही चीज़ था, इमेज ये ऊपर जा रही, इमेज को हम लोग क्या करेंगे, जेड इंडेक्स इसीलिए लगाना है, जेड इंडेक्स से क्या होगा कि वो इमेज नीचे रहेगी और ये ऊपर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे टॉप से, यहाँ पे इस जगह से हम लोग लगाएंगे जेड इंडेक्स, और इसको हम नंबर में देंगे, आई होप अब ये ऐसा नहीं होगा, ये जो इमेज ऊपर जा रही थी ये नहीं जाएगी। हाँ देखा, पहले क्या हो रहा था आप ये चीज़ समझो, मतलब मैं आपको बताता हूँ, मैं रिसेट करता हूँ इसको 100%, अब देखो अभी परफेक्ट आने लगा, परफेक्ट मतलब समझ रहे हो ना कि ये जो इमेज थी जनाब ये इसके बाहर आ रही थी। मैं इसको दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे आपको एक एक चीज़ क्लियर कर दूँ, नहीं आपको डाउट होगा। जेड इंडेक्स हटाया मैंने,
ठीक, मेरा समय जाएगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, आपको समझ। मैंने जेड इंडेक्स हटाया, अब देखना क्या होगा, ये जो इमेज थी ये देखो मैं ऊपर कर रहा हूँ तो ये बाहर निकल रही है, ये सारा कंटेंट, ये इमेज, ये ऊपर का सेक्शन जितना है ये बाहर निकल रहा है, जबकि मुझे हेडर के अंदर रखना है इसको, तभी जेड इंडेक्स काम आता है, जेड इंडेक्स की वैल्यू तभी काम आती है। मैं कंट्रोल वी करना चाहूँगा और ये हो गया। अब देखो ये इमेज बाहर नहीं जाएगी, ये इमेज अंदर रहेगी, वो कंटेंट भी अंदर रहेगा। अब क्या आप कह सकते हो कि ये वेबसाइट कुछ कुछ अच्छी लग रही है आपको, हाँ या ना? अब आने लगी होगी, पर अभी भी ये कुछ नहीं है, अभी भी ये मतलब 90% भी मतलब कुछ नहीं कहा जा सकता है, अभी उसको और अच्छा बनाना है हम लोगों को, ठीक है। अभी बहुत तो हम लोगों ने कम कोड किया है, CSS के अभी कितनी लाइन लिखी है, मुश्किल से मुश्किल हम लोगों ने 67 के आसपास पहुंचे हैं, ठीक है। अभी बहुत सारा कोड लिखना है जनाब, आप रेडी रहिए, ये वीडियो देखने के बाद शायद आपका बेसिक मजबूत हो जाएगा, ये मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। मेरा हमेशा से यही वादा रहता है कि एक वीडियो देखने के बाद कोई दूसरी वीडियो आपको देखने की ज़रूरत ही ना पड़े, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश यही करता हूँ, बाकी समझने के ऊपर भी होता है, हर इंसान की कैपेसिटी उतनी नहीं होती, मैं मान के चलता हूँ, शायद मैं भी हूँ, मुझे मैथ बचपन में उतनी नहीं आती थी, अब आती है, तो ये होता है ना कि समय के साथ कैपेसिटी डेवलप होती है। आप समझो ट्रांसफॉर्म क्या है, कि किस तरीके से कोई चीज़ हो रही, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होना ट्रांसफॉर्म कहलाता है, आप इतना तो जानते हो। तो हम लोग यहाँ करेंगे ट्रांसलेट वाई, ये मैंने पढ़ा रखा है, अब देखो यहाँ पे क्या इफेक्ट आएगा, इसमें हम लोग दे देंगे माइनस 200 पिक्सल। अब कहोगे भाई राइट आपने लिख कैसे दिया है मैं दिखाता हूँ यार राइट क्या है, हम मैं इस हिसाब से चल रहा हूँ, देखो होम का हो चुका है, ठीक है। और अब मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, किसको, ये इमेज को। तो जब इमेज को सिलेक्ट करूँगा तो मैंने क्लास देते समय मुझे कुछ कुछ चीज़ें याद रहती हैं कि क्लास मैंने इमेज को क्या दी थी, मैंने कहा राइट, ठीक है, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया। अब मैं ये करूँगा, आपको दिखा दिया करूँगा कि ये जो क्लास है ये मैंने क्यों कहाँ से सिलेक्ट कर ली, क्योंकि मुझे याद था मैंने कर ली, अब मैं आपको दिखाऊँगा कि ये क्लास किस चीज़ की है, अब हमेशा जब भी दूँगा तो ये दिखाते चलूँगा। तो ये जो राइट है ये क्लास है आपकी इमेज की, इमेज को अब हम लोग थोड़ा सा सेट करने वाले हैं, सेकेंड यहाँ पे ये आ जाओ, ठीक है, एक सेकेंड मैं इसको अपने हिसाब से सेट कर लेता हूँ, ठीक। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, देखो दिखाता हूँ, ये जो इमेज हम लोगों ने डाली है ये पूरी राइट क्लास के अंदर आएगी, इसको अगर हम लोग डिज़ाइन करेंगे तो इमेज अपने आप डिज़ाइन होगी। तो अभी क्या है, ये देखो ये इमेज इस तरीके कुछ आ रही है ऊपर नीचे, इसको हम लोग को अपने हिसाब से सेट करना है। तो हम लोग आते हैं CSS पे और ट्रांसलेट वाई -200 पिक्सल, और अब हम लोग इमेज से मतलब देखो क्लास के अंदर जो इमेज पड़ी उसको सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले डॉट राइट फिर img टैग सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि img तो इमेज को शो कराता है, हाँ या ना? तो img सिलेक्ट किया, कर्ली ब्रैकेट बनाने के बाद में अब हम लोग इसको दे देंगे विथ, हम लोग देंगे 450 पिक्सल, हमने कहा विथ दे दिया 450 पिक्सल, तो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, जो साइज बहुत बड़ा आ रहा है वो अपने हिसाब से फिट आएगा। तो ये देखो यहाँ पे फिट आने लगा। और क्या मुझको यहाँ पे पैडिंग देनी चाहिए, क्या मुझे यहाँ पे पैडिंग देनी चाहिए ऊपर से, तो मैं एक बार दे के देखता हूँ, अगर कुछ घाटा नहीं है तो दे के देखता हूँ। पैडिंग टॉप 50 पिक्सल, वैसे मैं सोच रहा हूँ दे दूँ, चेक करके देखते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उतनी पैडिंग को लेकर चल रहा है, दे देते हैं, अगर कल को हम लोग आगे कोई चीज़ करते हैं तो एडजस्ट कर लेगा अपने हिसाब से, ओके। तो अभी क्या ये अच्छा लग रहा है, पहले से इमेज भी छोटी हो गई, बहुत बड़ी आ रही थी, बिल्कुल। अभी ये सेक्शन को देखते हैं, ये सेक्शन जो है ये बहुत अभी ऑकवर्ड दे रहा है अपनी फीलिंग को, उस पर भी आते हैं। अब हम देखो उसी पे आएंगे, देखो ये जो ऊपर वाला क्लास है लेफ्ट, ये किसके लिए है, ये पूरे उसी चीज़ के लिए है जो मैंने अभी सिलेक्ट करी थी। तो अब हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे, अगर इसको डिज़ाइन करना है तो ये पूरा किसके अंदर है, ये है लेफ्ट नाम की क्लास के अंदर, तो उसको पकड़ते हैं। क्लास इसीलिए दी जाती है कि हर चीज़ पर्टिकुलर एक एक आप सिलेक्ट कर सको। तो लेफ्ट करके हम लोग करते हैं, कर्ली ब्रैकेट बनाया, एंटर दबाया, ओके। इसको पहले हम लोग कर देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स हम लोग इसलिए करते हैं कि रिस्पॉन्सिव रहें चीज़ें अपने हिसाब से, जहाँ पर हम लोग उनको रखें वहाँ पर वो सेट रहें, ठीक है। फ्लेक्स डायरेक्शन देना ज़रूरी है। फ्लेक्स डायरेक्शन हम लोग कॉलम में रखेंगे इसको, कॉलम वाइज। ये मैंने बहुत बढ़िया से आपको उस लेक्चर में समझाया था, मुझे आज भी याद है, एक एक चीज़ मैंने उसमें आपको करके दिखाई थी, बॉक्स बना बना दिखाया था। ट्रांसफॉर्म में हम लोग ट्रांसलेट वाई रखेंगे ये, और इसमें भी हम लोग वही वैल्यू दे देंगे -200 पिक्सल, तो 200 पिक्सल, ओके, इतना हो गया। इसको रन करते हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सही आ रहा है, पर अभी भी वो मज़ा नहीं आ रहा जो आना चाहिए, ठीक है, तो वो आएगा समय के साथ आएगा। हम लोग इसको एक एक चीज़ों समझते हैं,
इतना हो गया, हम लोग नीचे एंटर दबाते हैं। एंटर दबाने के बाद में हम लोग अब क्या करने वाले हैं, डॉट लेफ्ट और स्पैन को सिलेक्ट करते हैं। पर स्पैन को देखते हैं, यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं हम लोग ने स्पैन में, अच्छा हाँ ये डाल रखा है, मुझे लग रहा था ये पैराग्राफ में पढ़ा है पर स्पैन टैग में पढ़ा है इसलिए सिलेक्ट कर रहे हैं। स्पैन को सिलेक्ट करते हैं ठीक है, और कर्ली ब्रैकेट दबाते हैं। कर्ली ब्रैकेट दबाने के बाद एंटर दबाया। एंटर दबाने के बाद में हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे फॉन्ट साइज दे देंगे, क्योंकि जो ये चीज़ है ये ऊपर वाली लाइन ये थोड़ी बड़ी चाहिए, इतनी छोटी नहीं रही चाहिए क्योंकि अपना नाम है तो बड़ा दिखना चाहिए। फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज में 30 पिक्सल लमसम, बहुत ज़्यादा नहीं बहुत कम नहीं, 30 पिक्सल ठीक है। इतना देने के बाद में जनाब अब ये थोड़ा बड़ा हो गया और पहले से तो सही दिख ही रहा है ठीक है। हेलो आई एम शुभम। अब क्या करते हैं जनाब, यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं, देखो इतना तो हो गया, हम लोग हेडिंग 3 को सिलेक्ट करते हैं। अब आते हैं लेफ्ट क्लास के अंदर, जो हम लोग ने हेडिंग 3 दे रखी है, हेडिंग 3 कौन सी मैं दिखाता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे देखो ये ठीक है, ये मुझे मालूम है हेडिंग 3 है तो इसको यहाँ पे करते हैं। इसको डिज़ाइन करना है, इसको थोड़ा सा हम लोग कलर भी देंगे, कलर मतलब देंगे तो अच्छा लगेगा। सबसे पहले फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज में हम लोग इसको थोड़ा बड़ा रखेंगे, मतलब ऊपर वाले की अपेक्षा इसको बड़ा रखेंगे, तो हम लोग 50 पिक्सल देंगे। 50 पिक्सल देने के बाद में हम लोग इसको क्या करेंगे, कलर दे देंगे। कलर में हम लोग वही कलर कोड जो पड़ा था हमारे पास में वही दे देंगे ठीक है। ओके तो अब देखो अब अच्छा लग रहा है, हाँ या ना, मस्त लग रहा है। पर अभी बटन को हम लोग और डिज़ाइन करेंगे, बटन भी आएगी अभी, एक एक करके आते हैं। बैकग्राउंड कलर देना है इसमें, बैकग्राउंड कलर ना दे तो दें या ना दें, नहीं देंगे चलो ठीक है। हम लोग करते हैं लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग में क्या होगा कि मतलब प्रत्येक लेटर के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए, तो मैं कहता हूँ प्रत्येक लेटर चाहे ए बी सी डी जो होता है उसके प्रत्येक लेटर के बीच में 1 पिक्सल का गैप हो, तो बिल्कुल सही है लेटर स्पेसिंग 1 पिक्सल। ओके अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग सीधे बटन पे आते हैं, मुझसे रहा नहीं जा रहा है कि बटन को हम लोग जल्दी से करें तो अच्छा दिखेगा। बटन डॉट लेफ्ट क्लास के अंदर, क्लास के अंदर जो चीज़ है उसको सिलेक्ट करनी, तो बटन टैग है हाँ या ना, और हम लोग बटन टैग को सिलेक्ट करते हैं जल्दी से, इसको अच्छा से कस्टमाइज़ करते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हम लोग देंगे, सबसे पहले बॉर्डर हम लोग दे देंगे नन, बॉर्डर नहीं चाहिए मेरे को। अभी जैसे बॉर्डर आ रहा है मैं आपको दिखा दूँ, मुझे देने से पहले मैं दिखा देता हूँ, देखो बॉर्डर आ रहा है ना, ये बॉर्डर नहीं चाहिए, बटन में आता है बाई डिफ़ॉल्ट। मैं करने वाला हूँ नन। नन करने के बाद में इसको अब मैं क्या करूँगा, एक आउटलाइन भी जो है उसको भी मतलब एक तरीके से नन करूँगा, तो नन नन ओके। कलर बैकग्राउंड कलर ठीक है, बैकग्राउंड कलर हम लोग दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर में वही 1F67DB ओके, 1F67DB दे दिया। विड्थ दे देंगे 150 पिक्सल की, विड्थ हम लोग रखेंगे 150 पिक्सल की। एंटर दबाया। 150 पिक्सल के बाद में जनाब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको थोड़ा थोड़ा समझ के चलना पड़ेगा। 150 पिक्सल के अगर विड्थ दिए तो हम लोग बॉर्डर रेडियस इसको दे देते हैं, कि बॉर्डर जो होगा वो वाला अभी क्या है देखो कोने दिख रहे हैं ठीक है, बॉर्डर के कोने दिख रहे हैं, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कोने दिख रहे हैं, पर ये कोने मेरे को नहीं चाहिए, ये कोने हमको हटाने हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर बॉटम, बॉर्डर बॉटम दिखना ही पड़ेगा सही से, बॉर्डर रेडियस। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा मोड़ेंगे, कितना मोड़ेंगे 15 पिक्सल, मतलब कोनों को मोड़ देंगे 15 पिक्सल ओके। अब मैं आपको दिखाता हूँ बॉर्डर रेडियस से क्या फ़र्क पड़ा है, देखो मुड़ गया ठीक है, इधर से थोड़ा गोल हो गया, और अभी ये बहुत चिपका हुआ दिख रहा है, थोड़ा सा इसको स्पेसिंग देनी पड़ेगी, मतलब पैडिंग वगैरह देनी पड़ेगी ठीक है। तो पैडिंग हम लोग 15 पिक्सल एंड 20 पिक्सल रखेंगे। पैडिंग अगर देना नहीं जानते हो तो वीडियो देखो जाकर, पैडिंग से क्या होता है, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के बीच में स्पेस बनता है 15 पिक्सल एंड 20 पिक्सल। अब देखो थोड़ा फ़र्क आपको दिखेगा यहाँ पे ठीक है, ये जो बीच में कंटेंट है और ये ऊपर है ठीक है, इसके बीच में आपको दिख गया पैडिंग से बन गया ठीक है। मार्जिन समझते हैं, मार्जिन हम लोग सबसे पहले टॉप से रखते हैं, या फिर पैडिंग 15 पिक्सल 20 पिक्सल, मार्जिन देखो 15 पिक्सल 20 पिक्सल, और मार्जिन उसी हिसाब से हम लोग अंदाज लेके चलें तो टॉप से 20 पिक्सल लगते हैं ठीक है, 20 पिक्सल। क्या ये सही जा रहा है, मुझे चेक करना पड़ेगा, हाँ सही जा रहा है।
क्योंकि देखो यार अंदाज से ही ले रहे हैं, किसी को करेक्ट वैल्यू नहीं पता होती। हम लोग चेक करते रहते हैं, जब अगर हम लोग को संतुष्टि हो जाती है तो हम लोग उसी को रख देते हैं। कर्सल को वहाँ पे हम लोग जो है वो पॉइंटर रखेंगे, ये चीज़ तो कन्फर्म है, ठीक है। बटन में कर्सल को पॉइंटर के रूप में रखेंगे। ट्रांजिशन इफेक्ट भी लगाना पड़ेगा, तो ट्रांजिशन डिले, डिले नहीं चाहिए, ट्रांजिशन सब चाहिए, ट्रांजिशन कॉलन डिले, ठीक है, सॉरी डिले नहीं, ट्रांजिशन में हम लोग कितना 0.5 सेकेंड इतना बहुत है। इंटर दबाया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इतना हो चुका है, पहले इसको हम लोग चेक करके देखते हैं कि कुछ सही आया कि नहीं आया, तो ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अभी बटन को कर रहे थे, अब एंकर टैग को करेंगे। एंकर टैग क्या है, जो इसके बीच में लिखा हुआ है व्यू माई स्किल्स, ये एंकर टैग है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसके टेक्स्ट डेकोरेशन को नन करना पड़ेगा, क्योंकि वो मुझे बहुत ख़राब लग रहा है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले लेफ्ट क्लास सेलेक्ट करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट क्लास, उसके अंदर बटन जो है उसको सिलेक्ट करेंगे, बटन के बाद हमारा जो एंकर है उसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट दबाएंगे, कर्ली ब्रैकेट दबाने के बाद में अब इसी एंकर पर अप्लाई हो जाएगा और काम बन जाएगा। तो टेक्स्ट डेकोरेशन हम लोग कर देंगे नन, भैया नन 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 नन, ठीक है, ये ऐसे नहीं दे रहा, ऐसे लिखते हैं नन, ओके। और अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको कलर दे देंगे वाइट, कलर रखेंगे वाइट बीच का। अभी देखो अभी अच्छा नहीं लग रहा है, अभी आप देखोगे तो बहुत ख़राब लग रहा है, पर वाइट रखेंगे जैसे तो ये अच्छा लगने लगेगा, सिंपल वाइट। अब देखो ठीक, अब अच्छा लग रहा है, और कलर वाइट, और क्या कर सकते हैं, ट्रांजिशन दे सकते हैं थोड़ा सा, ट्रांजिशन 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 हम लोग दे देंगे 0.5 सेकेंड, ओके, ठीक है, जितना हो चुका है। चलिए अब आते हैं यहाँ पर, इंटर दबाएंगे, इंटर दबाने के बाद में हम लोग होवर इफेक्ट लगाएंगे बटन के अंदर। होवर इफेक्ट से चीज़ें काफ़ी बेहतरीन लगने लगती हैं, कि जब कर्सल उस पर जाएगा तो वो होवर स्टेट में आ जाएगा, मतलब किसी भी एलिमेंट पर जब आप कर्सल रखते हो तो वो होवर स्टेट पर आता है, तब एक अलग चीज़ होनी चाहिए, ऐसा हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो डॉट लेफ्ट, फिर बटन, बटन में होवर इफेक्ट लगेगा, तो हम लोग यहाँ पे कॉलन लगाएंगे, होवर वाली सुडो क्लास लगाएंगे, होवर, ठीक। और ये कर्ली ब्रैकेट दबाया, कर्ली ब्रैकेट दबाने के बाद में अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे सबसे पहले तो ट्रांसफॉर्म स्केल, मतलब बड़ा हो, ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म स्केल डालना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म या फिर, हाँ रुको एक सेकेंड, ट्रांसफॉर्म स्केल या फिर ये रखा जाए ना, ठीक है ठीक है ठीक है, ट्रांसफॉर्म स्केल, नहीं ऐसा नहीं होता था, ऐसा होता था कल कॉलन लगता था, और स्केल, स्केल के अंदर हम लोग वैल्यू डालेंगे पैरेंथेसिस ब्रैकेट में, और स्केल के अंदर हम लोग वैल्यू डाल देते हैं इसके अंदर लमसम 1.09 से ये बड़ा हो जाएगा 1.09, और लास्ट में आपका सेमी कॉलन क्लोज करने के लिए लगता है, ये आपको भी मालूम है। और बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, बैकग्राउंड कलर में वही C7ADB, यहाँ पे C7ADAB, ठीक है। और अब देखते हैं थोड़ा सा, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये थोड़ा चेंज हो रहा है, ठीक है, व्यू माई स्किल्स, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अब आते हैं एंकर टैग पे भी कुछ करना पड़ेगा, तो हम लोग करने क्या वाले हैं, इतना होने के बाद में हम लोग डॉट लेफ्ट पहले सिलेक्ट करेंगे उसी क्लास को, उस क्लास को सिलेक्ट करने के बाद में हम लोग करेंगे बटन को सिलेक्ट, बटन को सिलेक्ट करने के बाद में हम लोग इसमें लगाएंगे कॉलन, बटन को सिलेक्ट करने के बाद में इसमें लगाएंगे कॉल, कॉलन लग जाओ, हाँ लग गया कॉलन, होवर, होवर, ठीक, होवर लगने के बाद में मैंने कहा अब इसमें बटन, होवर और एंकर टैग सबको एक साथ ले लिया, कर्ली ब्रैकेट दबाया, कलर दे देंगे, कलर, एक सेकंड, कर्ली ब्रैकेट नहीं ओपन हुआ था क्या, हाँ ठीक है, कर्ली ब्रैकेट, ओके, और इस वाले को उठाकर इस वाले को बस यहाँ कर देंगे तो हो जाएगा, काम बन जाएगा। तो कलर में हम लोग इसको एक कोड दे देते हैं, कलर में हम लोग वही वाला कोड दे देंगे 1F67DB, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये देखो इस तरीके का ये आ रहा है, ठीक है, ओके, सही लग रहा है काफ़ी देखने में, चाहे तो आप फॉन्ट वेट बढ़ा दें, मुझे भी नहीं बढ़ाना है, तो इतना ही ठीक लग रहा है मेरे हिसाब से।
ओके इतना सही है। अब आते हैं सर्विस सेक्शन पे, इतना हो चुका है। अब हमारा आता है यहाँ पे सर्विस सेक्शन पे, यहाँ से ये स्टार्ट होगा, ठीक है पूरा सर्विस सेक्शन। तो सबसे पहले तो सर्विस वाली आईडी ही सिलेक्ट करनी पड़ेगी, तो हैश लगाएंगे, हैश सर्विस कर्ली ब्रैकेट ओपन SERVICE, ठीक है SERVICES, बस यही होता है ना, इसी जगह भी मेरा गलत होता, आपका भी गलत होता, S लगेगा, ठीक है। तो हम लोग को स्पेलिंग देख लेनी होती कि बिल्कुल सही हो, SERVICES, और यहाँ पे भी देख लो SERVICES, ओके। अब आते हैं जनाब यहाँ पे क्या करना है, ओके। तो करते करते बहुत सारी चीज़ें करनी हैं, हम लोग को अभी देना है विथ, विथ हम लोग दे देते हैं, विथ देने के बाद में हम लोग इसको देते हैं 100%, 100%, एंटर दबाया, और मार्जिन लेफ्ट कर देंगे, मार्जिन लेफ्ट में ऑटो, ओके, मार्जिन राइट में ऑटो, ऑटो, ठीक, मार्जिन लेफ्ट में ऑटो, मार्जिन राइट में ऑटो, और पैडिंग, पैडिंग किस तरीके दे रहा हूँ आप ध्यान दीजिए थोड़ा, 200 पिक्सल से, देखो पहले आप यहाँ पे देखते चलते हैं क्या हो रहा है, यहाँ पे नीचे आएंगे, इसको पूरा हम लोग बना रहे हैं, तो अभी इसको पहले हम लोग 200 पिक्सल्स दे देते हैं इधर से, और 200 लमसम 100, ठीक है 100 पिक्सल उधर से, ओके। अभी देखते चलो, आपको मज़ा बहुत आएगा कैसे ये चीज़ें रन हो रही हैं। डिस्प्ले कर देंगे फ्लेक्स, और फ्लेक्स डायरेक्शन कर देंगे कॉलम, फ्लेक्स डायरेक्शन कर देंगे कॉलम। सिर्फ आपको फ्लेक्स की प्रॉपर्टी पढ़ लेनी है, क्योंकि यही ज़्यादातर यूज़ हो रही है और इसी को एक्सप्लेन नहीं किया जा पा रहा है, क्योंकि ये बड़ी है, इसको ऐसे डायरेक्ट एक्सप्लेन करना इतना ही कह सकता हूँ कि इससे आप चीज़ों को कहाँ पे कैसे रख रहे हो ये होता है, ठीक है। फ्लेक्स से चीज़ों को आप आसानी से व्यवस्थित कर सकते हो, फ्लेक्स इसलिए यूज़ होता है, कैसे कर सकते हो इसलिए आप वीडियो देख लो, जाके आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो अलाइन आइटम्स तो आप जानते हो कि आइटम्स को कहाँ पे अलाइन करना है, तो हम लोग बताएंगे भैया सभी आइटम्स को आप सेंटर पे अलाइन कर दो, मतलब सेंटर पे रख दो, ठीक है। इतना हो गया अलाइन आइटम्स तक। टेक्स्ट अलाइन जो है उसको कहाँ कर देंगे, उसको भी भैया सेंटर ही करेंगे ना, कहीं तो उधर उधर करेंगे नहीं सेंटर। और बैकग्राउंड कलर दे देते हैं उसको, ये अभी देखो कुछ वाइट वाइट आ रहा है, अभी पूरा ये लाइन से तो आया है पर ये वाइट वाइट आ रहा है, ठीक है। तो उसको हम लोग बैकग्राउंड कलर दे देंगे। अभी तो हम लोग ने कार्ड्स को नहीं छुआ, अभी कार्ड्स को छुएंगे तो वहाँ पे काफ़ी सारी सेशन लगाएंगे। बैकग्राउंड कलर में हम लोग वही नहीं, बैकग्राउंड कलर में यहाँ कुछ नया देना था, एक सेकंड में देख लेता हूँ, यहाँ पे ये कलर जाएगा 30 और 25 और 7D, ठीक है। आई होप ये सही आया होगा, बिल्कुल सही आया है, ठीक है, मस्त लग रहा है अभी। पर ये चीज़ देख रहे हो ना, तो ये आपको बहुत अजीब सी लग रही होंगी, इनको भी कार्ड्स के अंदर हम लोग रखेंगे ना, काइटन से ले रहे हो इतना, तो हम लोग इनको कार्ड्स के अंदर रखेंगे। तो अब हम लोग पहले टाइटल को सिलेक्ट कर लेते हैं, जो हेडिंग्स हैं इनके टाइटल्स को, मतलब जो ये ऊपर हेडिंग्स दी गई हैं, ये सर्विस एंड स्किल्स, तो ये थोड़ा पहले इनको सुधारते हैं। तो हम लोग करेंगे टाइटल वाली क्लास को सिलेक्ट, टाइटल, वैसे मुझे एक बार चेक कर लेना चाहिए नहीं, क्योंकि क्लास का एक भी अक्षर गलत होता है तो सब TITLE, ठीक है TITLE सही है, ओके। कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट ओपन के बाद टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, अपर केस में मतलब सारे जितने टेक्स्ट हैं उनको अपर केस में रखो, जितनी भी हेडिंग्स हैं, ठीक है। कलर हम बता देंगे इसको, कलर कैसा रखना है, कलर हम लोग इसको बताएंगे कि भैया जो कलर है ये आपका वही पुराना वाला कलर चलेगा, ब्लू वाला, लाइट ब्लू वाला। और इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, लेटर स्पेसिंग कर सकते हैं, लेटर स्पेसिंग मतलब कितनी कितनी दूरी होगी, तो 1 पिक्सल की रखेंगे भैया, 1 पिक्सल। और फॉन्ट साइज 45 पिक्सल, फॉन्ट साइज 45 पिक्सल, 45 पिक्सल, ओके। इतना हो गया। अब हम लोग जनाब क्या करने वाले हैं, यहाँ पर इतना है तो इसको हम लोग चेक करके देखते हैं, हाँ ठीक है ये अच्छा लगने लगा, ठीक है ये अच्छा लगने लगा। तो अब हम लोग इसमें आते हैं डायरेक्ट कार्ड्स पे, कार्ड्स मतलब जो बड़ा वाला बक्सा था उसकी जो क्लास दी थी, बड़ा वाले बक्से की क्लास, अभी छोटे वालों को छुएंगे, छोटे वाले का नाम है कार्ड और बड़े वाले का नाम है कार्ड्स, तो पहले बड़े वाले पे आते हैं कार्ड्स, यहाँ पर मैं देख लेता हूँ इसी तरीके है, ओके नीचे आता हूँ CSS PNG, हाँ इसी तरीके है, ये देखो कार्ड्स CRDS,
ओके कार्ड्स में हम लोग कुछ कुछ चीज़ों को बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा, जैसे कि कर्ली ब्रैकेट हम लोग लिए, कर्ली ब्रैकेट लेने के बाद में सबसे पहले तो डिस्प्ले फ्लेक्स करना ही करना है, सब में आपको करना है लमसम डिस्प्ले फ्लेक्स। करने के बाद में हम लोग इसको अलाइन आइटम सेंटर कर देते हैं, ठीक है, सेंटर में सारी चीज़ें अलाइन हो जाएंगी, अलाइन आइटम्स सेंटर, ठीक है। और इतना होने के बाद में अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देते हैं कि जस्टिफाई कंटेंट इसको सेंटर कर देंगे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। सेंटर करने के बाद में हम लोग यहाँ पे पैडिंग दे देंगे इसको, पैडिंग कितनी कितनी देनी है, पैडिंग हम लोग दे देंगे 50 पिक्सल मतलब लेफ्ट राइट और 0 अप डाउन, ठीक है, 50 पिक्सल एंड 0 पिक्सल, ठीक है, ओके 50 एंड 0। और क्या देना था, इतना हो गया। गैप, गैप कितना होगा, तो गैप करके भी एक प्रॉपर्टी है, हाँ है, गैप हम लोग देंगे यहाँ पे 30 पिक्सल। और अभी इसको रिस्पॉन्सिव भी बनाना है इसलिए सीएसएस का कोड ज़्यादा ही लगेगा, ठीक है। तो अब देखो ये तीनों चीज़ें, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, ये किस वजह से हो पा रहा है कि हम लोग ने जो अभी पूरी बड़ा बक्सा था उसमें हम लोग ने उसको व्यवस्थित किया कि छोटे वाला पहला एक, फिर दूसरा छोटा, फिर तीसरा छोटा, तीन बक्से ये बन जाएंगे। अब इनको डिज़ाइन करेंगे, इनके अंदर जो मतलब अभी दिख नहीं रहा है ये तीन बक्सों के अंदर है, ठीक है, तो इनको भी डिज़ाइन करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्लास को सिलेक्ट करेंगे, उसकी क्लास का नाम है कार्ड, जो छोटे वाले हैं उनका नाम है कार्ड। देखो जनाब हम लोग करते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स, इसको करने के बाद फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करेंगे, क्योंकि यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। इसको करने के बाद में जनाब हम लोग इसको करेंगे अलाइन आइटम सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, आई होप ये आपको आता है, अभी बताया था मैंने। अलाइन आइटम सेंटर करने के बाद में हम लोग बैकग्राउंड कलर इसको वही दे देंगे, बैकग्राउंड कलर में हम लोग हैश C7DAB, ठीक है, ADAB ये वाला दे दिया। और इतना करने के बाद में जनाब हम लोग और इसमें क्या क्या दे सकते हैं, हम लोग बॉक्स की शेडो देंगे, मतलब बॉक्स जो बनेगा तो बॉक्स शेडो होती है एक प्रॉपर्टी, बॉक्स शेडो, बॉक्स शेडो, तो हम लोग थोड़ा लिख देते हैं बॉक्स शेडो। बॉक्स शेडो में हम लोग क्या करेंगे, बॉक्स शेडो को देखो हमने समझा रखा है, तो सबसे पहले हम लोग बताते हैं 5 पिक्सल किधर साइड से, मतलब ये साइड्स बतानी होती हैं, आप वो वीडियो प्लीज़ देख लेना जाके, क्योंकि उसमें हर चीज़ मैंने याद करके एक एक चीज़ें बताई हैं, ठीक है, आप उसको समझ लेना। 10 पिक्सल कितना मतलब हल्का या भारी रहेगा, फिर कलर दे देंगे कि किस कलर की शेडो रहेगी, तो मैंने कहा हैश लगाएंगे, हैश लग जाओ, और हैश लगाने के बाद कलर हम लोग देंगे 3D 4 7 और 4B, ये हम लोग ने कलर कोड लिख रखा है, ब्लैक का ही है मतलब ग्रे टाइप में। अब देखो तीन बक्से जैसा बन चुका है, हाँ या ना, मतलब एक बड़ा बक्सा था वो तो आपको नहीं दिखेगा क्योंकि उसको कलर नहीं दिया गया है, उसके अंदर तीन छोटे छोटे बक्से बन चुके हैं, ठीक है, तीन छोटे छोटे। पर जनाब अभी इनको हम लोग और हाईलाइट करेंगे, और हाईलाइट करेंगे, तो हम लोग कहा 5 पिक्सल 5 पिक्सल 10 पिक्सल और ये इसको कलर दे दिया शेडो का, ठीक है, इतना क्लियर हो चुका है हम लोगों को। अब बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, क्योंकि सबके कोने निकले हुए हैं तो बॉर्डर रेडियस से थोड़ा थोड़ा मुड़ जाएंगे, ब्लेंड हो जाएंगे, ठीक है, तो 10 पिक्सल देने के बाद में हम लोग इसको पैडिंग वगैरह दे देते हैं, पैडिंग में हम लोग क्या देंगे, पैडिंग में हम लोग देंगे 20 पिक्सल्स, तो 20 पिक्सल्स दे दिया, ओके, इतना क्लियर है। 20 पिक्सल्स और ट्रांजिशन इफेक्ट इसमें भी लगाऊंगा, क्योंकि ट्रांजिशन मेरा पर्सनल फेवरेट है और ये चीज़ों को मतलब थोड़ा प्रोफेशनल बनाता है यार, ठीक है, ट्रांजिशन में हम लोग 0.5 सेकेंड का देंगे, 0.5 सेकेंड का, ठीक है। और इसके बाद में हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम लोग पोजीशन रिलेटिव कर देते हैं इसकी, ओके, पोजीशन रिलेटिव कर दिया, तो उसमें कुछ तो मतलब पहले से, अब देखो पहले इसको ओवरफ्लो हिडन कर देते हैं, जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है हिडन करेंगे तो ये ओवरफ्लो नहीं होगा, क्योंकि हमको अभी आगे इसमें होवर इफेक्ट भी लगाना है, ओवरफ्लो हिडन, ओके। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, या फिर आप ओवरफ्लो हिडन ना भी लगाएं, कोई ऐसा ज़रूरी भी नहीं है यार, है क्या, नहीं ज़रूरी नहीं है, हाइट दे देते हैं, अगर मान लो कभी ज़रूरत पड़ी तब लगा लेंगे, क्योंकि ओवरफ्लो के लिए हम लोग फिर ऊपर से भी एक बैकग्राउंड चढ़ाना होता है, ठीक है, ओवरफ्लो नहीं देंगे, 170
पिक्सल, ठीक है। इतना जनाब कंफर्म हो गया है। अब हम लोग को इसमें होवर इफेक्ट लगाना है। होवर इफेक्ट लगाते ही हमारा काम बन जाएगा। डॉट कार्ड, डॉट कार्ड सिलेक्ट किया, होवर लगाएंगे तो कॉलन लगाना पड़ेगा, पहले कॉलन फिर होवर लिखेंगे। होवर, होवर में हम लोग क्या चीज़ देंगे जब वो उसमें होवर करेंगे, तो हम लोग देंगे जनाब सबसे पहले ट्रांसफॉर्म, मतलब ये थोड़ा खींचेगा, मतलब बड़ा सा बनेगा। तो ट्रांसफॉर्म में एक्स वाई दोनों रखेंगे, ट्रांसलेट एक्स वाई मतलब खींचेगा, चौड़ा होगा, ठीक है। स्केल, पहले स्केल प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, सॉरी फंक्शन, स्केल फंक्शन में हम लोग देंगे 1.08। आई होप मज़ा आ रहा होगा। चलते हैं फुल एनर्जी के साथ, हार नहीं मानना है। ज़िंदगी में कुछ फोड़ना है जनाब तो आपको हमेशा अपने अंदर आग जगा कर रखनी है। समय महत्वपूर्ण नहीं होता है वहाँ पर जहाँ हम लोग कुछ चीज़ों को सीख रहे होते हैं, बट समय महत्वपूर्ण वहाँ होता है जहाँ पर हम लोग कुछ चीज़ों को गंवा रहे होते हैं। जब आप किसी अनर्थक काम को कर रहे होते हैं तो वहाँ आपको समय की एक एक घड़ी को देखना चाहिए कि आप रील्स को स्क्रॉल करते जा रहे हो तो कितनी देर से कर रहे हो। पर जनाब जहाँ पे आप कुछ चीज़ सीख रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो, जहाँ पे आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन हो रही है, तो वहाँ पर जनाब आपको घड़ी की सुइयों को देखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ये मेरा पर्सनल मानना है, पर्सनल ओपिनियन है। आई होप आप भी इससे एग्री करेंगे। इसको हम लोग दे देंगे हाइट, हाइट देने के बाद जनाब दे देंगे 240 पिक्सल। और जनाब अगर मैं यहाँ पे बैठकर इतनी देर पढ़ा सकता हूँ तो आप तो पढ़ सकते हैं, आपको पढ़ने में कोई हर्जा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वीडियो बनाने से कम मेहनत लगती है देखने में मेरे हिसाब से, क्योंकि यार कोई बोल रहा है उसको कर भी रहा है उसमें ज़्यादा मेहनत लगती है। इतना हो गया इस पर, अभी देखो क्या हुआ, फ़र्क दिखाता हूँ। इस तरीके से दे रहा हूँ तो ये देखो बड़ा आ रहा है, ठीक है, पर अभी ये टेक्स्ट इस तरीके दिख रहा है नीचे। इस पर थोड़ा सा हम लोग को काम करना है। इस पर काम करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इस पर वीजी कार्ड करके तो हमारे पास कोई क्लास, रुको एक सेकंड, ठीक है समझते हैं क्या कर सकते हैं। कार्ड, कार्ड करने के बाद होवर इफेक्ट इसमें लगाते हैं, होवर इफेक्ट, या फिर नहीं रहने दो, मुझे ये नहीं करना है, मुझे करना ही नहीं है। ये ऐसे ही आते हैं, डॉट डॉट कार्ड पोजीशन स्टैटिक ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स वाई, ये करते हैं, इससे होगा सही। चीज़ें समझनी पड़ती हैं, देखो कोई कुछ भी कर रहा हो पर जब तक आपके दिमाग में कुछ आइडिया आएगा उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको कुछ तो टेक्निक लगानी पड़ेगी कि यार क्या चीज़ से क्या होगा, ठीक है। कॉलन 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 कॉलन, होवर, होवर लगाया, होवर लगाने के बाद में हम लोग यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाएं। कर्ली ब्रैकेट लगाने के बाद जनाब यहाँ पे हम लोग ने करा पोजीशन को स्टैटिक, पोजीशन को किया स्टैटिक, और ट्रांसफॉर्म में हम लोग ने लगाया, ट्रांसफॉर्म में लगाया ट्रांसलेट एक्स वाई, ट्रांसलेट 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 एक्स वाई दोनों करना था, तो यहाँ पे एक्स वाई जेड है तो मैं यहाँ पे एक्स के साथ वाई को भी इंक्लूड कर दूंगा यहाँ पे, तो एक्स के साथ वाई भी इंक्लूड हो गया, या फिर कैपिटल में ही करते हैं वाई, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या वैल्यू देंगे, क्या वैल्यू देंगे यहाँ पे हम लोग देंगे वैल्यू 0 सेकेंड। अब देखो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है जनाब, ठीक है सही है, ओके। तो जनाब अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इतना काम हो चुका है, इतना होने के बाद में एंटर दबाएंगे। एंटर दबाने के बाद में जनाब हम लोग यहाँ पे कार्ड के अंदर हम लोग ने हेडिंग 3 यूज़ करी थी, मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पे कोई भी कार्ड हो उसके अंदर हेडिंग 3, जैसे ये वेब डेवलपमेंट है इसके अंदर और भी कार्ड्स हैं तो उसके अंदर हम लोग ने हेडिंग यूज़ करी है, उनको थोड़ा सा करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे CSS पे आते हैं, तो हमने कहा डॉट कार्ड फिर हेडिंग 3 सिलेक्ट कर लो और कर्ली ब्रैकेट ओपन करो। इतना हो गया, डॉट कार्ड हेडिंग 3, कलर दे देते हैं हेडिंग को, हेडिंग को कलर दे देंगे 167 FDB ऐसे करके 11, ठीक है लाइट ब्लू। और फॉन्ट वेट थोड़ा गाढ़ा रखेंगे ना, इसलिए फॉन्ट वेट हम लोग इसमें रखते हैं 500। और हम लोग क्या करते हैं फॉन्ट साइज़ भी रख लेते हैं, थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं हम लोग फॉन्ट साइज़ हम लोग रख सकते हैं इसमें 20 पिक्सल। और 20 पिक्सल करने के बाद हम लोग फॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल, और क्या किया जा सकता है, लेटर स्पेसिंग दे सकते हैं, ठीक है, जिससे और सुंदर लगेगा। सोचो कि मतलब आप खुद सोचो कि क्या क्या कर सकते हैं इससे सुंदर लगेगा, ठीक है। 1 पिक्सल
तो अब देखते हैं कुछ दिखा अलग से। ठीक है, ये हेडिंग में थोड़ा सा बदलाव आया है, ये नीचे जो दी गई थी वेब एप्लीकेशन वेब डिज़ाइन, और ये थोड़ा सा मतलब देखो अच्छा लग रहा है देखने में, इफ़ेक्ट बढ़िया आया है ना। ऐसे ही और इफ़ेक्ट्स डालते ही चलेंगे हम लोग। इतना हो गया, इतना होने के बाद एंटर दबाया। एंटर दबाने के बाद में हम लोग पैराग्राफ को भी सिलेक्ट करेंगे, तो डॉट कार्ड पैराग्राफ और कर्ली ब्रैकेट ओपन। कर्ली ब्रैकेट ओपन होने के बाद फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट में हम लोग रखेंगे 400। फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज 15 पिक्सल, और एंटर दबाया। एंटर दबाने के बाद मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप से 5 पिक्सल, ये मैंने इतना कर दिया। अब देखते हैं कुछ सही हुआ यहाँ पे। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे 400 पिक्सल, ठीक है, फॉन्ट वेट रख दिया, फॉन्ट साइज 15 पिक्सल और मार्जिन टॉप से 5 पिक्सल, इतना हो गया जनाब। इतना होने के बाद में हम लोग नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है यहाँ पर सेक्शन, उसका नाम है, इतना देखो यहाँ पर हो गया वेबसाइट वाला सेक्शन, जिसके अंदर अभी हमने कुछ डाला नहीं है। तो कुछ डाला नहीं है तो कुछ ज़्यादा हम लोग करेंगे भी नहीं, थोड़ा सा बस कोड डाल देंगे पैराग्राफ को सही से करने के लिए, या फिर मेरे हिसाब से अभी ना भी डालें तो चलेगा यार। ठीक है, क्योंकि अभी हमने उसके अंदर कुछ डाला भी तो नहीं है, क्या डाल सकते हैं, नहीं डालेंगे। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसके अंदर हम लोग ने बाहर से कोड ला कर डालना है, तो हम लोग उसको नहीं डालेंगे। डायरेक्ट आते हैं इस वाले सेक्शन पे, इसको छोड़ो, क्योंकि ये सेक्शन जो है इस पे हम लोग बाहर से काम कर रहे होंगे, तो इसको हम लोग यहाँ से छेड़ेंगे नहीं। अभी इस पे आते हैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट वाले सेक्शन पे। तो हमने कहा यहाँ पे हैश लगाया, कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट, अब एस लगा है कि एस, ठीक है, सी ओ एन टी ए सी टी, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे। कर्ली ब्रैकेट ओपन करने के बाद जनाब, ओके, इतना यहाँ पे सब चीज़ें सही चल रही हैं, विथ हाइट वेबसाइट का फ्लेक्स डायरेक्शन सही हम लोग ने दे रखा है। और हम लोग क्या करते हैं, कॉन्टेक्ट में आते हैं, बैकग्राउंड कलर देते हैं आते ही, तो बैकग्राउंड कलर आते ही देंगे वही जो अभी तक चल रहा था, 30-25-57D। और डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे, सब में ही डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे, मैंने आपको बताया था, ओके। और फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, एंटर दबाया। अलाइन आइटम सेंटर कर देंगे, अलाइन आइटम सेंटर, ओके, एंटर दबाया। एंटर दबाने के बाद में हम लोग अलाइन आइटम सब सेंटर हो चुके हैं, तो पैडिंग भी हम लोग दे देंगे इसको। पैडिंग हम लोग ने दिया 200 पिक्सल्स एंड 100 पिक्सल्स, जो कि पहले भी हम लोग ने दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे इस वाले सेक्शन को देखो कि अभी देखो वेबसाइट वाला सेक्शन खाली काफ़ी लग रहा है, मतलब थोड़ा सा जगह इसको कम दिख रही है उस हिसाब से। तो अब सोच रहे इसको थोड़ा जगह देने के लिए इसको तो यहाँ पर सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। बाकी ये सेक्शन बन चुके हैं, देखो एक ये बन चुका है, एक ये बन चुका है कॉन्टेक्ट का। ठीक है, तो हम लोग इसको देने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर कर लेते हैं। चलो, तो यहाँ पर आते हैं हैश वेबसाइट, वेबसाइट नाम था ना आईडी का, हाँ वेबसाइट, एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं वेबसाइट है या वेबसाइट्स है, तो वेबसाइट्स है, ओके। तो हम लोग ऐसे लगाकर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, कर्ली ब्रैकेट दे देंगे हम लोग, दे देंगे विथ, विथ दे देंगे क्योंकि इसको भी अपनी एक विथ चाहिए 100%। और पैडिंग दे देंगे इसको, पैडिंग वाइज सेम देंगे जो नीचे दिए हम लोग ने, 200 पिक्सल एंड 100 पिक्सल। एंटर दबाया, ओके, इतना हो गया। डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे इसको भी, डिस्प्ले फ्लेक्स, जितने भी सेक्शन है सभी को डिस्प्ले फ्लेक्स किया है, ये आपको ध्यान रखना है। फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम किया है, ये आपको ध्यान रखना है। और हम लोग इसको, इतना हो चुका है फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, और अलाइन आइटम सेंटर कर देंगे। और सच बता रहे हैं अभी मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है खाना आना, क्योंकि मैं डायरेक्ट वीडियो बनाने बैठ गया था, क्योंकि मुझे यार पहले काम कंप्लीट हो जाए तभी मुझे भूख लगती भी है। और काम क्या है, कभी कभी देखो कोई वीडियो होती है 20-25 मिनट 30 मिनट की होती है, वीडियो करीबन घंटों में जा रही है, तो अब जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है, एनर्जी जब तक है हमारे पास मैं पूरी अपनी लगाऊंगा यहाँ पे, नहीं तो फिर देखते हैं रिलेटिव। तो अब क्या है कि ये रिफ्रेश हो जाऊँ, अच्छा अभी भी कुछ आया नहीं, कुछ कंटेंट नहीं होगा इसलिए। ठीक है, तो हम लोग ने इतना कर दिया,
और अगर हम लोग चाहें तो इसके अंदर कुछ चीज़ें अगर हम लोगों ने दी हैं, क्या पहले ये देखते हैं और क्या दिया है हम लोगों ने इसके अंदर। हम लोगों ने इसको अंदर एक हेडिंग दी है, ठीक है, और हम लोग ने इसके अंदर ज़्यादा कुछ दिया नहीं, तो हेडिंग को थोड़ा सा डिज़ाइन कर देते हैं। तो हम लोग डॉट पैरा जो क्लास थी, ठीक है, हैश थ्री, उसके अंदर हेडिंग थी, कर्ली ब्रैकेट ओपन किया। कर्ली ब्रैकेट ओपन करने के बाद हम लोग ने इसको दिया कलर। कलर हम लोग दे देंगे इसको हैश 167F7DB, ठीक है, और इसको हम लोग ने क्या किया, फॉन्ट वेट किया 500। और ये मतलब सोचने वाली बात है ना कि ये लोग बाकियों से पीछे क्यों रहे, तो इसको भी हम लोग डिज़ाइन कर दिए हैं। बाकी इसमें हम लोग जो चीज़ें डालेंगे वो बाहर से ला के डालेंगे, वो मैं भी आपको बताऊंगा कैसे आपको करना है। हम लोग डालेंगे 30 पिक्सल यहाँ पे देंगे फॉन्ट साइज, एंटर दबाया। एंटर दबाने के बाद में लेटर स्पेसिंग करेंगे, लेटर स्पेसिंग में हम लोग कर देते हैं 1 पिक्सल, ठीक है, 1 पिक्सल हो गया। अब देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ओके। डॉट पैरा H3 क्लास, कलर हम लोगों ने दे दिया, फॉन्ट वेट दे दिया, फॉन्ट साइज भी दे दिया, लेटर स्पेसिंग भी दे दिया 1 पिक्सल, और ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे हैशटैग वेबसाइट्स, ठीक है, वेबसाइट्स WEBSITS 100% विड दे दी, पैडिंग दे दी 200 एंड 100 की, डिस्प्ले कर दिया फ्लेक्स डायरेक्शन कर दिया, कॉलम अलाइन आइटम कर दिया, सेंटर पोजीशन कर दिया रिलेटिव, ठीक है, इतना हो गया। और बस एक चीज़ और कर देते हैं कि डॉट पैरा जो क्लास है इसको लेफ्ट साइड में कर देते हैं, डॉट पैरा को हम लोग कर देते हैं मार्जिन लेफ्ट, तो ये थोड़ा उधर हो जाए शायद, मार्जिन लेफ्ट से हम लोग दे देंगे इसको 50 पिक्सल, ओके। चलो अभी कुछ से कुछ होना नहीं है, तो हम लोग इसको भी ऐसे छोड़ते हैं, अभी जब कंटेंट इसके अंदर डालेंगे तब आगे का ये सिस्टम समझ में आएगा कि क्या इससे हो रहा है, ठीक है। बाकी हम लोग ने जो क्लास दी है बस उस पर हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं कि बिल्कुल सही दिया है या नहीं दिया है। इसको हम लोग इस तरीके कॉपी कर लेंगे Ctrl+C, और इसको इस तरीके से यहाँ पेस्ट कर देंगे Ctrl+V। देखा, क्लास ही गलत थी, यहाँ पे स्पेलिंग में ही मिस्टेक थी, क्योंकि यहाँ पे W कैपिटल था, ठीक है। बाक़ी यहाँ पे सब चीज़ें देखो आ चुकी, क्लास काम नहीं कर रही थी अपने। चलो इतना हो चुका है, अब हम लोग आते हैं यहाँ पे हमारा नीचे क्या बचा है। नीचे हमारा ये दोनों सही तो हो गए यार, इसमें तो कुछ होना नहीं है। और हम लोग यहाँ पे आते हैं CSS वाली लाइन में, CSS वाली में हम लोगों ने कर दिया है कॉन्टेक्ट तक, ठीक है। कुछ चीज़ें अभी बची हैं, थोड़ा थोड़ा हम लोग ने इसको कर डाला है, थोड़ा और करना है कॉन्टेक्ट तक। कॉन्टेक्ट में हम लोग ने जो कार्ड्स बनाए उनको भी थोड़ा सा सही से डिज़ाइन कर देते हैं। तो हम लोग ने कहा हैज पहले कॉन्टेक्ट ही सिलेक्ट करते हैं, तो कॉन्टेक्ट ID सिलेक्ट की, ये ID है, ठीक है, ओके। क्या हो रहा है यार, कॉन्टेक्ट, ठीक है, हैज कॉन्टेक्ट, और इसके अंदर ID जो थी कार्ड्स नाम की, जो कि बड़ा बक्सा था जिसको हम बोल रहे थे डॉट कार्ड्स, इसको सिलेक्ट किया। उसके अंदर उससे छोटा जो बक्सा था डॉट कार्ड, ठीक है, क्योंकि बड़ा बक्सा दिख नहीं रहा, छोटे वाले तो तीनों दिख रहे हैं डॉट कार्ड, ठीक है, इसमें दो ही हैं, पहले वाले में तीन थे, इसमें दो, एक फ़ोन के लिए एक ईमेल के लिए, ठीक है, डॉट कार्ड। अब हम लोग क्या करते हैं, पोजीशन को कर देते हैं सबसे पहले स्टैटिक, पोजीशन को कर देते हैं स्टैटिक, ठीक है। इतना करने के बाद में हम लोग करने क्या वाले हैं, इसको पोजीशन स्टैटिक करने से पहले हम लोग इसको हाइट विड्थ भी एक अच्छी सी दे दें तो चलेगा क्या। चलो इसको पहले हटाते हैं, हम लोग करते हैं हाइट एक 170 पिक्सल, एंड इंटर विड्थ, क्योंकि एक बड़ा एक छोटा मुझको अच्छा लग नहीं रहा, विड्थ और 200 पिक्सल, ठीक, 200 पिक्सल, अब सही है, दोनों बराबर हैं, ठीक है। एक बड़ा एक छोटा, एक पतला एक मोटा, ये क्या था, मतलब कुछ अच्छा लग ही नहीं रहा था, ठीक है। और अब हम लोग इसको पूरी को सिलेक्ट कर लेते हैं, ये सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा, ये हो गया Ctrl+C, और इसके नीचे आएंगे Ctrl+V, और इससे भी कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग पोजीशन को दे देंगे स्टैटिक, तो पोजीशन को दे दिया स्टैटिक, देने के बाद एंटर दबाया, ट्रांसलेट
ट्रांसलेट में हम लोग ने क्या दिया, 0.0, 0.0, 0.0, ठीक। और इसको एंटर दबाएंगे। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इतना हो चुका है, कलर दे देते हैं इसको, कलर वही देंगे जो अभी तक दे रहे थे, येलो, ठीक है, लाइट ब्लू। इतना होने के बाद जनाब हम लोग क्या करने वाले, इसमें होवर इफेक्ट फिर लगाएंगे। तो ये पहले से लगा हुआ है, इसमें हम लोग अपने हिसाब से लगाएंगे। तो इसको हम लोग कर लेते हैं सिलेक्ट, कंट्रोल सी, एंटर दबाया, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी के बाद हम लोग कर लेते हैं कॉलन का निशान, होवर 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 होवर, कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट के बाद हम लोग इसमें करने वाले हैं ट्रांसफॉर्म स्केल 0, ट्रांसफॉर्म स्केल प्रॉपर्टी, स्केल फंक्शन एक तरीके से बोल सकते हैं, स्केल। और स्केल के अंदर हम लोग बताएंगे 1.08, ठीक है, एंटर दबाया, 1.08 ये आपका हो गया। इतना हाइट इसको एक अपनी मिल जानी चाहिए, तो सही है, हाइट दे देंगे इसको 170 जो अभी दी थी हमने, 170 पिक्सल। ओके, इतना क्लियर हो चुका है। अभी हम लोग देखो यहाँ पे ये सब चीज़ें तो हो चुकी हैं, ये पैराग्राफ ये जो नीचे लिखा हुआ है, ये जो है ये पैराग्राफ में, इसको थोड़ा मेंटेन करते हैं। तो इसको मेंटेन करने के लिए क्या है कि इतना तो हमारा हो चुका है यहाँ तक 170 पिक्सल, तो हम लोग पैराग्राफ पे आते हैं, पैराग्राफ को कर्ली ब्रैकेट खोलेंगे और हम लोग कर देंगे कलर ब्लैक, ठीक। कलर हम लोग को ब्लैक चाहिए, तो मैंने कहा ब्लैक कर दो। तो देखो यहाँ पे क्या है कि कलर ब्लैक हो गया, पहले नहीं था, ठीक है, इसको इस तरीके करा, ब्लैक हो गया। पर मैं एक होवर इफेक्ट पैराग्राफ पे लगाऊंगा कि जितने पैराग्राफ्स हैं, जब इनको मतलब कभी भी होवर किया जाए, मतलब इन पर कर्सर रखा जाए, तो ये रेड कलर के हो जाए, ठीक है, ये ऐसा मैं बनाना चाहता हूँ। तो मैं लगाया होवर इफेक्ट, मतलब सूडो क्लास होवर वाली, ये सूडो क्लास होती है आपकी, कर्ली ब्रैकेट, एक सेकेंड भैया, एक सेकेंड, कंट्रोल जेड, ठीक, यहाँ पे लगाना है कर्ली ब्रैकेट, ओके। यहाँ पे हम लोग कलर को करेंगे रेड, रेड कर दिया भैया, ठीक, इतनी हमारी खुशी हो गई रेड। अब जनाब देखो यहाँ पे, ये जैसे मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, देखो रेड हो गया, और ये देखो होवर इफेक्ट भी आ रहा है, ठीक है। लमसम वेबसाइट बन चुकी है, पर यहाँ नीचे अभी किसी फुटर पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, ये फुटर बेचारा अकेला पड़ा है, क्या ये हमारा परिवार का सदस्य नहीं है? बिल्कुल है। तो इसको जनाब हम लोग करने क्या वाले हैं, इसको हम लोग क्लास जो दी थी उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉपीराइट, या फिर हम लोग डायरेक्ट यहाँ से कॉपी कर लेते हैं कॉपीराइट, ठीक, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, ठीक। अब हम लोग करने क्या वाले हैं, कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट, इसको हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं, हल्का हल्का दे देते हैं। सबसे पहले टेक्स्ट अलाइन, जैसे कि अभी क्या है, ये कहाँ आ रहा है, लेफ्ट साइड में आ रहा है, मैं इसको सेंटर में लाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा भैया टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दो, तो इसने कहा ठीक है भैया कर देंगे, उसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, इसको कहा सेंटर कर दो, ठीक है। थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर दे देते हैं मेरे हिसाब से, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर में मैंने कहा कोरल दे दो, कोरल एक कलर है, मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, इसलिए मेरा फेवरेट है, ठीक है। तो ये हो गया भैया, ये आपकी वेबसाइट तैयार हो चुकी है, पूरी वेबसाइट तैयार हो चुकी है, बस बीच में कंटेंट जहाँ वेबसाइट लिखा है यहाँ पे थोड़ा कंटेंट डालना, वो भी मैं लास्ट में बताऊँगा। वेबसाइट कैसी लग रही मुझे बताऊँ, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सही में सच्ची में। जैसे ये होम है, अभी जैसे ये कॉन्टैक्ट पर जाना है तो कॉन्टैक्ट पर क्लिक करूँगा, मैं कॉन्टैक्ट पर पहुँच जाऊँगा। मुझे सर्विस वाले सेक्शन पर जाना है, मैं सर्विस पर क्लिक करूँगा, सर्विस वाले सेक्शन पर पहुँच जाऊँगा। वेबसाइट्स पर क्लिक करूँगा, वेबसाइट पर पहुँच जाऊँगा, फिर होम पर क्लिक करूँगा, होम पर पहुँच जाऊँगा, ठीक है। तो ये जनाब आपका इस तरीके काम कर रहा है नेविगेशन बार। मैं इसके अभी देखो रिस्पॉन्सिवनेस की कुछ गारंटी खास ले नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि देख रहे हो ना सब चीज़ें बाहर आ भाग रही हैं इतनी ज़्यादा, तो वो चीज़ मुझे नहीं पसंद आ रही है। तो सबसे पहले अभी रिस्पॉन्सिव बनाना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिव गारंटी लेनी पड़ेगी कोई काम स्टार्ट किया तो। और यहाँ पे अभी एक चीज़ देखो जनाब, ये नीचे कंटेंट क्यों बाहर आ रहा है, ये कंटेंट नीचे क्यों निकला पड़ा है, इसको सही करते हैं। आते हैं यहाँ पे जनाब, और ऊपर और ऊपर, यहीं कहीं मैंने दिया था 170 पिक्सल, इसको उसको बढ़ा देना पड़ेगा, 170 पिक्सल ये दिया है, इसको मैं कर देता हूँ कम से कम 205, ठीक। अब देखते हैं, ओके, फिट है ना, ठीक है, कंटेंट बाहर तो नहीं आ रहा है, तो फिर इसको और बढ़ा दें, 207 कर दें, ठीक है,
ठीक, सही है, इतना सही है यार। ओके, अब इसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, सिस्टम को ये बताना होगा सीएसएस को कि जब ये वेबसाइट को हम लोग छोटी स्क्रीन में खोले, छोटी स्क्रीन मतलब कितनी छोटी स्क्रीन, मतलब 900 पिक्सल से जब ये नीचे जाए तब यही जो सीएसएस हमारी है ये चेंज हो जाए। मतलब जितनी ये सीएसएस प्रॉपर्टीज़ में हम लोग मान लो किसी में 200 दिया, किसी में 100 दिया, किसी में 170, किसी में कुछ, तो यही कम हो जाए तो उसको हमको फिर से एक बार सीएसएस पूरी लिखनी पड़ेगी। पर लिखने के लिए हम लोग को थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी जनाब, पर हम लोग उसको अच्छे से लिखेंगे और सीएसएस को पूरा लिखने के बाद हम लोग रिस्पॉन्सिव बना पाएंगे। तो पहले हम लोग को ये बताना पड़ेगा जनाब कि इसको करना क्या है कि एक मतलब पहले इसको ये तय कर देंगे कि इतने साइज से जब कम हो तब ये चीज़ हो। तो ये बताने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ऐट द रेट मीडिया का यूज़ करेंगे। ऐट द रेट मीडिया एक ऐसा फंक्शन होता है जनाब कि जो आपकी मतलब क्या कहते हैं कि साइज़ को मेंटेनेंस करता है। जैसे ही आपका साइज मान लो हम लोग ने ऐट द रेट मीडिया के अंदर 900 पिक्सल्स डाल दिया, तो जैसे ही 900 पिक्सल से वो कम साइज में जाएगी स्क्रीन, ठीक है, जैसे उसको कम साइज में किया जाएगा तो वो अपने मुताबिक उसको चेंज कर देगा। चलिए मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ, बोलने सच्चा करना होता है मेरे हिसाब से। तो मैंने कहा यहाँ पे ऐट द रेट मीडिया फंक्शन, ठीक है, मीडिया में मैंने कहा मैक्स विथ, पहले आपको एक पैरेंथेसिस ब्रैकेट बनाना है, ओके, इधर का बता रहा है सिंबल फेल्ड फलाना डिमकाना, एक सेकेंड, रिक्वेस्ट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट सिंबल फेल्ड सोर्स सी एस एस लैंग्वेज फीचर गो टू आउटपुट, ओके, इसे देख लेते हैं। देखो ये यार कुछ भी बताया करता है, कोई ज़रूरी नहीं कि क्या बता रहा है, सब सही आ रहा है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है, ठीक है, सब बढ़िया एक नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं मैक्स विथ ऐट द रेट मीडिया हाइफन मैक्स विथ, ओके, हम लोग चाहे इसको ऐसे करके देखें आप, ठीक है ना, इसको चिपका के रखना पड़ता है, चिपका के रखने से क्या होगा कि साइज तभी ये काम करेगा, ठीक है। पहले क्या था, स्पेस दे रहे थे तो काम नहीं कर रहा था। मैक्स विथ और यहाँ पे हम लोग कॉलन निशान लगाएंगे, कॉलन लगाने के बाद हम लोग बताएंगे 900 पिक्सल्स से जब नीचे जाए स्क्रीन तब क्या चीज़ें हों। तो 900 पिक्सल्स इतना लिख लिया। अब इसके बाद में हम लोग ओपन करेंगे कर्ली ब्रैकेट, ये मैंने कहा भैया कर्ली ब्रैकेट यहाँ से ओपन कर दो। अब इस कर्ली ब्रैकेट के बीच में सारी सीएसएस लिखेंगे जो हम लोग मोबाइल के लिए करना चाहते हैं। अभी तक जो सीएसएस ऊपर लिखी गई है यहाँ से लेकर ये आपके लैपटॉप वर्जन के लिए थी, मतलब बड़ी स्क्रीन के लिए, ठीक है। अब मैं जो इसके अंदर लिखूंगा 900 पिक्सल्स के अंदर ये जो कर्ली ब्रैकेट ओपन हुए ये वाला और ये वाला इसके बीच में जो लिखूंगा वो मोबाइल के लिए होगी। मेहनत तो यार करनी ही पड़ेगी जनाब, उसका कोई अल्टरनेटिव होता ही नहीं है। बाकी जब फल मिलता है तो उसका भी कोई अल्टरनेटिव नहीं होता, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, इसलिए मेहनत से कभी हार मत मानिए, समय को सही जगह यूज़ करें, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 60 पिक्सल देंगे, 60 पिक्सल, ठीक, एंटर दबाएंगे, एंटर दबाने के बाद में पैडिंग टॉप से दे देंगे, बाकी आपको कोड तो मिल ही जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको कोड मिल जाएगा, मिल चुका होगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। पर वीडियो आप पूरी तो देखो, समझ में तो आए कि मैंने किया क्या है, तभी तो आप उसको चेंज कर पाओगे। अगर मान लो आप कोड को चेंज कर रहे हो तो सबसे पहले कोड की नॉलेज तो होनी चाहिए, अगर मान लो आपके कोड की नॉलेज ही नहीं है तो आप चेंज कैसे करोगे। तो मैंने कहा फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, ठीक, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम अलाइन आइटम सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर। और भी एक बहुत बढ़िया टेक्निक आपको बताऊंगा कि मतलब आप खुश हो जाएंगे, ठीक है, जो कि बीच कंटेंट डालने के लिए मैंने जो बताया था कि कंटेंट कैसे डालेंगे बाहर से लाकर। जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट में हम लोग कर देंगे यहाँ पे स्पेस बिटवीन, स्पेस स्पेस बिटवीन, ठीक है, और एंटर दबाया। एंटर दबाने के बाद में हम लोग इतना कर चुके हैं, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, विथ में हम लोग कॉल फंक्शन लगाएंगे, विथ विथ में सी ए एल सी कैलकुलेशन फंक्शन बोलते हैं इसको, और यहाँ पे हम लोग दे देंगे 100% टू 50 पिक्सल, 100% परसेंट से 50 पिक्सल, ओके, 100% से 50 पिक्सल। मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन लेफ्ट में हम लोग ऑटो कर देंगे, ऑटो करने के बाद में हम लोग मार्जिन राइट पे भी ऑटो कर देंगे, अभी तक कर ही रहे थे, बाकी चीज़ें तो सेम वही है, ऑटो कर दिया। और हम लोग पोजीशन को कर देंगे रिलेटिव, पोजीशन को अब कर देंगे रिलेटिव, पहले स्टैटिक था अब रिलेटिव, ठीक, ये चेंजमेंट आया है रिलेटिव।
पैडिंग बॉटम से, पैडिंग जो देंगे बॉटम से देंगे वो देंगे हम लोग 150 पिक्सल्स। ठीक, इतना क्लियर हो चुका है ये जनाब आपका, इतना हो गया होम सेक्शन के लिए। ओके, अब इसके बाद आते हैं, अब हम लोग राइट क्लास जो दी है, राइट किसके लिए दी आपको फिर दिखा देता हूँ, आप भूल सकते हो, मैं नहीं भूलूँगा, मैंने दिया है। ओके, ऊपर है, ऊपर है, यहाँ पे दी है, ये लेफ्ट किसके लिए दी है, राइट किसके लिए दी है, ये इमेज के लिए, ठीक है, जो लगाई है हम लोग ने। इसको हम लोग बताएंगे कि जब इमेज मोबाइल स्क्रीन पर खुले तो कैसे खुले, मतलब कितने साइज में खुले। तो डॉट राइट कर्ली ब्रैकेट ओपन ट्रांसफॉर्म के बाद ट्रांसलेट वाई, इसके अंदर रख देंगे 0। इतना हो गया। अब हम लोग इसके अंदर जो इमेज पड़ी उसको सिलेक्ट करेंगे, तो उसको सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर आएंगे, फिर डॉट राइट लिखेंगे, डॉट राइट, फिर आई एम जी कर्ली ब्रैकेट ओपन, और IMG में हम लोग करेंगे विथ, बताएंगे कि इमेज की विथ कितनी रहे, तो विथ हम लोग बताएंगे 300 पिक्सल रहे। ठीक, 300 पिक्सल रहे, इंटर दबाया। और जनाब क्या करना है, मार्जिन टॉप कर देनी है, मार्जिन टॉप सिर्फ कितना, 40 पिक्सल्स। ठीक है, 40 पिक्सल्स हम लोग इसको थोड़ा थोड़ा सा इतना करेंगे। इतना करने के बाद मैं सोच रहा हूँ उसको चेक भी कर लूँ, या फिर थोड़ा लेफ़्ट क्लास जो है उसको और सेलेक्ट कर लेता हूँ। लेफ़्ट में क्या है, नेविगेशन बार है, लेफ़्ट में आपका नेविगेशन बार है, नहीं, लेफ़्ट के अंदर वो कंटेंट है जो कि हम लोग सामने शो कर रहे हैं, ये वाला मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो है ये, ठीक है, ये हम लोग लेफ़्ट क्लास में रखे हैं। तो ये मोबाइल स्क्रीन पर कैसे दिखे, मतलब किस हिसाब से कितने साइज में दिखे, ये बताना हो रहा है। ठीक है, तो स्टाइल डॉट CSS पे आते हैं। अब हम लोग करते हैं डॉट लेफ़्ट करने के बाद हम लोग करेंगे कर्ली ब्रैकेट ओपन करने के बाद जनाब इसमें कर देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक, इसके बाद हम लोग करेंगे इसमें फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करने के बाद एंटर दबाया, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, और अलाइन आइटम्स सेंटर, बाकी सब CSS सेम चल रही है। अलाइन आइटम्स सेंटर, ठीक, सेंटर के बाद, और अलाइन आइटम सेंटर टेक्स्ट अलाइन, जो कि टेक्स्ट इसके अंदर उन्होंने दिया है पैराग्राफ वगैरह में, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और टेक्स्ट अलाइन सेंटर के बाद ट्रांसफॉर्म फिर यूज़ करेंगे। ट्रांसफॉर्म में हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसलेट वाई यूज़ करेंगे, और 0। ठीक, इतना हो चुका है। इतना होने के बाद में हम लोग इसके अंदर जो स्पैन दिए थे, स्पैन में ही तो उन्होंने चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है, स्पैन में ही चीज़ें लिखी हैं, दिखा देता हूँ आपको, कोई वो नहीं है, देर नहीं हो रही मेरे को, ये देखो स्पैन में, सॉरी ये तो लोगो है, ऊपर आते हैं, ऊपर दिया है मैंने, ये देखो स्पैन में हेलो आई एम शुभम, ठीक है, तो इसी को हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, डॉट लेफ्ट फिर स्पैन और कर्ली ब्रैकेट ओपन किया। स्पैन में क्या चीज़ रखेंगे, स्पैन में रखेंगे फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, मतलब उसका जब वो मोबाइल स्क्रीन पे खुले तो कितने साइज में खुले। तो इतना हो चुका है। इतना होने के बाद में जनाब हम लोग आएंगे यहाँ पे, फिर डॉट लेफ्ट को सिलेक्ट करेंगे, और इसके अंदर जो H3 हेडिंग है, इसके अंदर H3 भी तो हम लोगों ने दी है, याद है आपको, चलिए दिखाता हूँ। इसके अंदर ये देखिए वेब डेवलपर नाम से H3 हेडिंग दी है, इसको सिलेक्ट कर रहे हैं, कर्ली ब्रैकेट ओपन करने के बाद ओके, ये वाला देखो ये मिसमैच है ना, मुझे लगा था कि ये इसके नीचे होना चाहिए, तो एक मिसमैच है, तो इसको यहाँ पे क्या करना चाहिए, इस तरीके से ओपन कर लेना चाहिए, अब ये सही है, ठीक है, गायब हो गया था इसीलिए ये ऐसा दिखा रहा था, क्योंकि इसके अंदर हम लोग लिख रहे हैं सब चीज़ें। H3 में हम लोग क्या करेंगे, फॉन्ट साइज हेडिंग का हम लोग साइज मेंटेन कर रहे हैं, तो 35 पिक्सल्स। ओके, एंटर दबाने के बाद जनाब इतना हो चुका है। कलर और दे देते हैं, कलर कैसा रखेंगे, कलर बाकी सब सेम रहेगा,
क्योंकि बताना तो फिर भी पड़ेगा ना, सेम रहेगा पर मोबाइल में कैसा होना चाहिए बताना तो पड़ेगा फिर से, ठीक है। लेटर स्पेसिंग वही आपकी 1 पिक्सल की जाएगी, लेटर स्पेसिंग 1 पिक्सल की, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो चुका है। अब हम लोग करेंगे क्या, बटन को सिलेक्ट करेंगे, जो बटन इसके अंदर उन्होंने बनाई थी, तो डॉट लेफ्ट एंड बटन, बटन 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 टैग को सिलेक्ट किया, ओके। इसको हम लोग ने बॉर्डर, बाकी सेम सीएसएस आप चाहे तो ऊपर कॉपी करके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हम लोग कॉपी कर सकते हैं, हाँ या ना, चलिए करते हैं। वापस से लिखने से कोई फ़ायदा उस चीज़ का होना नहीं है। तो हम लोग ऊपर से यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आने के बाद में यहाँ पे डॉट लेफ्ट और बटन वाली जो हम लोगों ने यूज़ करी थी, ऊपर ऊपर और ऊपर, डॉट लेफ्ट एंड बटन बटन बटन, ये इसको पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल सी। और यहाँ पे नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद में हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पूरा इसको कर देंगे कंट्रोल वी। कुछ चेंजमेंट करना है क्या, देखो बॉर्डर नन है, आउटलाइन नन है, बैकग्राउंड कलर हम लोगों ने दे ही रखा है, विथ हम लोग दे देंगे यहाँ पे थोड़ी सी चेंज करके 130 दे देंगे, ठीक है। बॉर्डर रेडियस हम लोग 15 पिक्सल, पैडिंग हम लोग ने दी है 15 पिक्सल, एंड पैडिंग कितनी दी 15 और 20, ठीक है। और मार्जिन हम लोग ने टॉप से दे दिए 20, कर्सल को हम लोग यहाँ पे पॉइंटर रख दिए हैं, और बाकी 0.5 सेकंड, कॉमा नहीं लगना है, 0.5 सेकंड है, ठीक है। और ऊपर भी इसका मतलब कॉमा लगा होगा, तो चलिए देख लेते हैं, ऊपर भी सही कर लेते हैं, ऊपर भी कॉमा लगा होगा इसका मतलब, यहाँ पे कॉमा नहीं लगना है, 0. ये मिस्टेक हुई है, 0.5 सेकंड, ठीक है, ओके। अब नीचे आते हैं, इतना क्लियर हो चुका, क्लियर होने के बाद एंटर दबाया, एंटर दबाने के बाद में बाकी चीज़ें भी हम लोग कॉपी कर कर ले आते हैं जल्दी जल्दी से। तो ऊपर जाएंगे लेफ्ट बटन ए, अब कॉपी करना है, उसके बाद में लिखना वही चीज़ें, थोड़ा थोड़ा चेंज करके लिखना है, तो कॉपी कर लेते हैं ज़्यादा सही रहेगा। लेफ्ट डॉट लेफ्ट बटन और एंकर टैग, इसके अंदर टेक्स्ट डेकोरेशन नन है, कर्सर वाइट है, सॉरी कलर वाइट है, और ट्रांजिशन 0.5 सेकंड, इसको पूरा कंट्रोल सी करके कॉपी किया, ठीक है। और यहाँ पे नीचे लेकर आए, नीचे लेकर आने के बाद में यहाँ पे जनाब हम लोग ने इसको कर दिया पेस्ट, कंट्रोल वी, ठीक है। ये सब चीज़ें यहाँ पे जनाब उसी तरीके से चलेंगी जिस तरीके से अभी तक चल रही थी, कुछ अलग नहीं हो रहा है, थोड़ा थोड़ा जहाँ पे चेंजमेंट कर रहे हैं वहाँ पर होगा। अब ज़्यादा सी एस एस का कोड भी नहीं लिखना है, इतना आपका हो चुका है, यहाँ पर कलर कर दिया वाइट, ट्रांजिशन वही रहेगा। अब हम लोग ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने के बाद में डॉट लेफ्ट वाली क्लास बटन और उसके साथ जो होवर इफेक्ट लगाया है वो सिलेक्ट करके लाना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर जाएंगे, डॉट लेफ्ट वाली क्लास बटन और होवर इफेक्ट, इसको सिलेक्ट किया, कॉपी किया कंट्रोल सी। और इसमें हम लोग को कोई चेंजमेंट करना है, 1.09, ठीक है, बैकग्राउंड कलर सब सही है, तो इसको यहाँ पे लेकर आएंगे। लेकर आने के बाद में हम लोग इसको सेम, देखो मोबाइल के लिए भी सी एस एस तो सेम ही रहेगी, बस साइज में हम लोग डिफरेंस कर लेते हैं कि साइज में ये रखना नहीं तो वो रखना, ठीक है। एट द रेट मीडिया ये करता है कि 900 पिक्सल तक सेम रहेगा, 900 पिक्सल के बाद आपको क्या रखना है ये बताता है, ठीक है। उसके बाद इतना हो चुका होवर, अब डॉट लेफ्ट बटन होवर ए ऊपर एक रखा हुआ है, डॉट लेफ्ट बटन होवर ए, बटन होवर ए, इसको भी कॉपी कर लेते हैं यहाँ से कंट्रोल सी, ठीक है। इसमें भी सब चीज़ें सेम ही हैं, कुछ कल चेंज नहीं करना है। और यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, और मीडिया सही में जो मीडिया हम लोग ने यूज़ करा फंक्शन वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, उससे हम लोग यहाँ तक बता सकते हैं कि प्रिंट जब निकाले किसी वेबसाइट पर तो कैसा निकले। ये मैंने आपको करके भी दिखाया अपने सी एस एस के कोर्स में कि किसी चीज़ का प्रिंटआउट जब निकालो तब कैसा प्रिंटआउट निकले, कलर चेंज होकर निकले, ब्लू वेबसाइट रेड में कन्वर्ट हो जाए, ये भी हम लोग कर सकते हैं। इतना हो गया जनाब, इतना होने के बाद में अब हम लोग को थोड़ा सा और करना है, थोड़ा सा मतलब कितना, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है। तो हम लोग को हैश सर्विस पे जाना है, सर्विस पे कार्ड सर्विस, ठीक है। सर्विस पे हम लोग को क्या सिलेक्ट करना है, सिर्फ इतना ध्यान रखो, हैश सर्विस या फिर ना सिलेक्ट करके इसको अब हम लोग लिख लेते हैं, थोड़ा छोटा छोटा कोड लिख लेते हैं, फिर उसको सिलेक्ट करने में कोई फ़ायदा नहीं, जब छोटा सा कोड लिखना है तो कर लेते हैं, हैश सर्विस
ठीक है, सर्विसेज, और थोड़ा यार साइड से ले लेते हैं तो सही लगेगा चीज़ों को, मतलब भले कोड लिखो पर अच्छे से लिखो, ये भी होता है ना। कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, यहाँ पे हम लोग कर देंगे पैडिंग, पैडिंग में हम लोग कर देंगे 50 पिक्सल एंड 100 पिक्सल, तो 50 पिक्सल्स एंड 100 पिक्सल्स, ठीक है, ओके, एंटर दबाया। एंटर दबाने के बाद जनाब हम लोग क्या करेंगे, टाइटल, टाइटल वाला जो दिया था क्लास उसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, एंटर दबाया, डॉट टाइटल, टाइटल को सिलेक्ट किया, कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, एंटर दबाया, फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज में हम लोग ने क्या किया 30 पिक्सल, ठीक, एंटर, एंटर दबाओ चाहे ना दबाओ कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे यहाँ से दबाएंगे, ठीक है, एंटर दबाया, ओके, डॉट कार्ड्स, कार्ड्स में क्या करना है देख लो क्योंकि ये ज़रूरी है, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम बस कर दो, इतना करना है, फ्लेक्स डायरेक्शन, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, और जिनको सीएसएस नहीं आती होगी उनके दिमाग से उड़ उड़ के जा रहा होगा मुझे मालूम है, क्योंकि ये सब चीज़ें तो सीएसएस जब वीडियो देखोगे तभी यार आपको आएगी, नहीं तो यार फिर क्या मतलब है, इतना कोर्स बना दिया, इतना पढ़ा दिया, सब कुछ कर दिया, उसके बाद भी नहीं समझ में आएगा, तो ये आप खुद सोचो कहाँ पे आपसे मिस्टेक हुई है, तो आपने फिर वो कहते नहीं है कि अपने आप से झूठ बोलने वाला काम, आपने पूरी वीडियोस देखी नहीं होंगी और देखी होंगी तो उसकी प्रैक्टिस नहीं की होगी जो बताया था, और प्रैक्टिस नहीं की होगी तो याद कहाँ से रहेगा, किसी को याद नहीं रहता है, तो जाओ फिर से, अगर अभी भी नहीं याद आ रहा, समय है आपके पास, आप जाकर पूरा कोर्स पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, उसकी प्रैक्टिस करो, नोट्स दिए नोट्स को पढ़ो, खुद के नोट्स बनाओ, ठीक है, तब आपको ही समझ में आएगा, और फिर प्रैक्टिस करो, फिर ये वीडियो देखो आके, अगर तब भी नहीं समझ में आ रहा तब आप मुझसे पूछो कि भैया मैंने दोनों चीज़ करी, मैंने फिर से कोर्स देखा, फिर से वीडियो देखी, अभी नहीं समझ में आ रहा आप मुझे बताइए, तब मैं आपके लिए हेल्प के लिए बैठा हूँ, ठीक है, तब आपको मैं पर्सनली गाइडेंस दूंगा, पर अगर आप उस चीज़ के लिए आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो कि मुझे आता है और समझ में कुछ नहीं आ रहा है, तो यार बहुत बड़ी गलती कर रहे हो जीवन में। डॉट विथ, कभी मैं ये गलती करता था, आप मत करो, क्योंकि अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, धोखा आप खाओगे कोई दूसरा नहीं खाएगा। 250 पिक्सल्स, बाकी इसको डिमोटिवेशन के तौर पे मत लेना, क्योंकि बहुत से लोग जरा सा डिमोटिवेट हो जाते हैं बोलते हुए, तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। अब ये क्लॉक वाइज चलेगा, 0, 0, 20 पिक्सल्स एंड 0, ठीक, इतना हो गया, और टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देते हैं, और बस हमारा एक लाइन ऑफ कोड लिखना है और मेरी कंप्लीट वेबसाइट तैयार हो जाएगी जनाब। टेक्स्ट लाइन सेंटर, सेंटर के बाद अब हम लोग बस एक लाइन और कोड लिखते हैं और ये हमारा काम ख़त्म। डॉट, एक सेकेंड, डॉट पैरा, जो क्लास थी पैराग्राफ के लिए, एंटर दबाया, एंटर दबाने के बाद में यहाँ पे कलर को हम लोग ने क्या किया, कलर, कलर में हम लोग वही देंगे 1671 F67 DB, ठीक है, और एंटर दबाया, एंटर दबाने के बाद फॉन्ट वेट रखेंगे इसका, फॉन्ट वेट 500, ठीक, एंटर दबाया, एंटर दबाने के बाद में फॉन्ट साइज में हम लोग रखेंगे 20 पिक्सल, लेटर स्पेसिंग रख देते हैं, लेटर स्पेसिंग 1 पिक्सल्स की, ठीक, इतना हो चुका। अब हमारा यहाँ से कोड कंप्लीट, वेबसाइट को रन करके देखते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत आ रही है, नहीं आ रही है, यहाँ पे भी कोई नहीं, होम पे जाते हैं, होम पे पहुँच, पहले कॉन्टैक्ट पे जाते हैं, कॉन्टैक्ट पे पहुँच गए, सर्विस पे जाएंगे, सर्विस पे पहुँच गए, वेबसाइट पे जाते हैं, वेबसाइट पे पहुँच गए, होम पे जाते हैं, होम पे पहुँच गए, ठीक है, तो सही है, रिस्पॉन्सिवनेस चेक कर लेते हैं इसकी, बिल्कुल सही है, होम पे, कॉन्टैक्ट पे, ये देखो, ये हमने जो आप, ये जो चीज़ें इन्हीं को कार्ड्स बोलते हैं, ये दो कार्ड हैं, मतलब दो छोटे छोटे बक्से हैं, एक बड़े बक्से के अंदर, वो बड़ा बक्सा आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है, ऊपर आते हैं, ये सेक्शन केवल खाली है, इसमें कंटेंट आपको डालना है, कैसे डालना है बता सकता हूँ मैं, ये ठीक है, ओके, अब देखो जहाँ जहाँ मैं टच कर रहा हूँ अगर वो पैराग्राफ है तो वो रेड हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है, मैंने यहाँ पे किया तो नहीं है, जैसे उसको टच करूँगा रेड हो जाएगा क्योंकि होवर इफेक्ट लगा है। इमेज बहुत बढ़िया से बनी हुई है, व्यू माई स्किल्स पे देखते हैं अभी क्लिक करके, बाकी सब चीज़ें सही है, व्यू माई स्किल्स पे क्लिक करके देख लेते हैं, ओके, चलिए यूट्यूब चैनल खुल गया, ठीक, ओके, अब आप इसमें एक ये चीज़ डालिएगा कि अगर हम लोग इसको क्लिक करें तो न्यू टैब पे मेरा यूट्यूब चैनल खुलना चाहिए, सेम टैब पे ना खुले, ये आप करना, ठीक है,
ये बहुत सरल है, आप करना एक लाइन का एट्रीब्यूट सिर्फ लगाना होता है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं इसको मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट पे भी चेक कर सकता हूँ कि ये रिस्पॉन्सिव है या फिर नहीं है, ठीक है। इंस्पेक्ट पे चेक किया मैंने, तो रिस्पॉन्सिवनेस के लिए हम लोग इसको इतना कम से कम करते हैं, एक सेकेंड, बहुत कम मैंने साइज दे रखा है इसको, इसलिए ये ऐसा है। ओके 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 ओके, मोबाइल के लिए खोलते हैं, किसी मोटो जी फोर के लिए, मोटो जी फोर में तो ये सही दिखेगी नहीं, पिक्सल फाइव में भी नहीं दिख रही, क्या ये रिस्पॉन्सिव है। चलो यहाँ से चेक करते हैं, इसको हटाओ यहाँ से चेक करते हैं, इसको बिल्कुल छोटा साइज में खोलते हैं, ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे। लाइव सर्वर करने के बाद जनाब इसको हम लोग बिल्कुल छोटे से साइज में खोल के देखते हैं, ये तो बिल्कुल सही दिख रही है। अब इसी कोड को देखते हैं, मोबाइल में डाल के देखेंगे, मैं पर्सनली डाल के देखूंगा, फिलहाल ये सही दिख रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ठीक है, बिल्कुल ये सही दिख रही है। ओके ठीक है, लगभग मतलब रिस्पॉन्सिव है, ऐसी बात नहीं है कि रिस्पॉन्सिव नहीं है, पर थोड़ा और इसमें किया जा सकता है, अगर आप इसमें अपना समय देते हैं तो थोड़ा इसको और रिस्पॉन्सिव किया जा सकता है जनाब। बाकी चीज़ें सही है, कॉन्टेक्ट, वेबसाइट्स, सर्विसेज, होम, और यहाँ पर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पर आते हैं, कुछ कोड वगैरह चेक कर लेते हैं, ठीक है, बाकी यहाँ सब चीज़ें सही हैं। ओके अब जनाब मेरी बात ये रही कि आप जैसे वेबसाइट वाला जो सेक्शन मैंने बनाया है उसके अंदर कोड कैसे डालोगे, मतलब मान लो यहाँ पर जैसे वेबसाइट वाला सेक्शन बना हुआ है ये, ठीक है, इसके अंदर अभी हम लोगों ने कुछ डाला नहीं है, अगर इसको रन कर रहे हैं तो ये बहुत खाली खाली आपको दिखेगा, ठीक है, यहाँ पर आते हैं तो इसके अंदर खाली खाली है, तो इसके अंदर आप अपने हिसाब से चीज़ों को डाल सकते हो, पर मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ। आप एक वेबसाइट है यहाँ पर टेलविन CSS नाम की, इस पर जाओ, टेलविन CSS इंटर दबाया, इस पर जाओ टेलविन CSS पे, और जाने के बाद जनाब यहाँ पे मैं आपको एक कोड बताता हूँ, उसको आप डालो अपने कोड के अंदर, ठीक है, इसको डालो अपने कोड के अंदर, पहले गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर दो, क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर आना है और आपको ये देखो प्ले CDN ये लिखा, इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करने के बाद में जनाब ये आपका जो स्क्रिप्ट वाला टैग है इसको पूरा कॉपी कर लेना है ये, ठीक है, इसको कॉपी कर लो कंट्रोल सी से, अपने कोड पे आओ, टॉप सेक्शन में जाओ, हेड टैग पे जाने के बाद में जनाब यहाँ पर एक सेकंड, मेरे को व्यू वर्ड रैप करता हूँ, वर्ड रैप, ठीक, यहाँ पे ओके वर्ड रैप क्या हो रहा है यार, वर्ड रैप ठीक है, यहाँ से एंटर दबाया और वो कोड जो लाए वो पेस्ट कर दो, कहाँ पे, हेड सेक्शन में। ये एक स्क्रिप्ट कोड है जो कि उनकी वेबसाइट का है, हमने अपनी वेबसाइट के अंदर डाल दिया। अब आपको CSS की भी ज़रूरत नहीं है, HTML की भी ज़रूरत नहीं है, आप बना बनाया चीज पा सकते हो। बना बनाया कैसे, आपको जाना है एक और वेबसाइट पे, ठीक है, एक और वेबसाइट पे जाओ, यहाँ पे लिखो टेल ब्लॉक्स, एंटर दबाया, ये वेबसाइट है टेल ब्लॉक्स, इस पे जाओ, इस पे जाने के बाद देखो जनाब अब आपको क्या चीज़ चाहिए अपनी वेबसाइट पे लगाने के लिए, जैसे कि कोई ब्लॉग बनाना हो, इस तरीके ब्लॉग आते हैं ना, इस तरीके देखो, या फिर आप इसको इस तरीके कैटेगराइज वाइज कर सकते हो, या इस तरीके अगर आपको चाहिए इस तरीके ले सकते हो, कॉन्टेक्ट फॉर्म बनाना हो तो इस तरीके ले सकते हो, कॉन्टेक्ट फॉर्म लगाना हो सिर्फ कोड को कॉपी एंड पेस्ट करना है अपने आप लग जाएगा, इसको इस तरीके लगाना हो इस तरीके लगा सकते हो, इस तरीके लगाना हो इस तरीके लगा सकते हो, कुछ भी अगर आपको अच्छा लग रहा हो, मान लो ये कॉन्टेक्ट फॉर्म लगाना है तो ये जो व्यू कोड है इस पर जाओ और इसको कॉपी टू क्लिपबोर्ड करो, क्लिकबोर्ड करने के बाद अपने यहाँ पे आपको लगाना हो, मान लो मुझे उस वेबसाइट वाले सेक्शन के अंदर लगाना था तो मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे इसके अंदर डाल दूँगा, इसके अंदर यहाँ पे पेस्ट करूँगा कंट्रोल वी करने के बाद मैं इसको अगर देखूँ यहाँ से अपनी वेबसाइट पे जाकर तो देखो वेबसाइट पूरा सेम है, मेरी वेबसाइट सेम है पर जहाँ वेबसाइट्स लिखा वहाँ पे कॉन्टेक्ट फॉर्म आ चुका है। अब इसको आप चेंज भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है, आप यहाँ पे आओ, आपको आती है HTML, आप यहाँ से चेंज कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पर ये इन्होंने किया क्या कि आपको बना बनाया टेम्पलेट दे दिया और आप उसका यूज़ कर पा रहे हो जनाब, आपको नेम डालने का ऑप्शन, आपको ईमेल डालने का ऑप्शन, ठीक है, सब चीज़ें आ चुकी हैं, इस तरीके से आप इसको कर सकते हो जनाब। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे कोई आपको डाउट नहीं होगा, ठीक है, इतना आपको यहाँ पे क्लियर है।
अब मैं यहाँ पे अगर मैं डालूंगा तो मैं क्या डालूंगा, तो मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल जेड करके हटाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या डालूंगा, मैं आऊँगा इस वेबसाइट पे टेल ब्लॉक्स पे और यहाँ पे मैं ब्लॉक्स डालूंगा। ब्लॉक्स में मैं ये बताऊंगा कि मैंने किस किस तरीके की वेबसाइट बनाई है, ठीक है, क्या चार्जेस लेता हूँ इस तरीके से। तो मैं इसके कोड पे जाऊंगा, कॉपी टू क्लिपबोर्ड करूंगा, यहाँ पर जाऊंगा, यहाँ पेस्ट करूंगा। पेस्ट करने के बाद जनाब अब देखो इमेज मुझे चेंज करनी होगी। जैसे मैं यहाँ पर रन करूँ अपनी वेबसाइट को तो देखो यहाँ पर आ तो गया है, पर ये वेबसाइट की जो इमेज बता रहा है कि इस साइज़ की इमेज आपको लगानी होगी, तो वो इमेज मैं लगाऊंगा। तो इमेज मेरे पास कहाँ से आई, वो मैंने बना रखी है आप किसी भी फोटो एडिटर ऐप से, लाइक फोटोशॉप या मोबाइल में कोई भी ऐप, पिक्सल वगैरह कोई से भी यूज़ कर सकते हो। मैंने तीन फ़ोटो बना रखी हैं, ये जैसे कि ये देखो, एक ये बनाई है, एक ये बनाई है और एक और ये बनाई है, ठीक है। तो इनको मैं लगाऊंगा वहाँ पे, तो लगाने के बाद अच्छी लगने लगेगी देखने में, ठीक है। तो लगाने के लिए सबसे पहले मुझको इमेज टैग ढूंढना होगा, तो इमेज टैग मैं सबसे पहले ऊपर चला जाऊंगा, ऊपर से ढूंढना स्टार्ट करूंगा। थोड़ा टाइम लगेगा मालूम है, पर ढूंढूंगा, ठीक है, मिल जाएगा। डिव 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 अल्टरनेटिव एच टू, सबसे पहले ये जो फर्स्ट हेडिंग मिली है इसको मैं चेंज करना चाहूँगा, एच वन क्लास की, इसको मैं करूँगा सबसे पहले ई कॉमर्स साइट, ये मैंने कर दिया। इससे क्या होगा कि जो मैं फोटो लगा रहा हूँ उसका नाम भी यही है, और नीचे आऊँगा ए टैग एंकर स्पैन एसवीजी पाथ एसवीजी, ओके इमेज तो यहीं कहीं होनी चाहिए। चलो फिर से ढूंढते हैं, देखो इतने बड़े कोड में आपको बस ये ढूंढना है। ये देखो इमेज मिल गई। अब ये जो SRC है इसको चेंज कर देंगे। SRC को चेंज करने पे हम लोग करेंगे क्या, इसको यहाँ से हटाएंगे, हम लोग अपने फोल्डर को यहाँ पे लगाएंगे। तो इमेजेस नाम का फोल्डर है हमारे पास, फॉरवर्ड स्लैश देंगे और हमारे पास first.jpg जो इमेज पड़ी है वो लगा दी, ठीक। अब हम लोग नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद सेम यही काम करेंगे, नीचे आते जाएंगे, ठीक है, धीमे धीमे आपको आना है। ये दूसरी इमेज मिल गई, दूसरी इमेज पे क्या है, हम लोग इस कोड को हटाएंगे, हम लोग इमेजेस फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे और हमारे पास दूसरी एक फ़ोटो पड़ी second.jpg, इसको लगा देंगे जो हमने बनाई है, और यहाँ पे इसके नाम को चेंज कर देंगे। सेकंड मेरी थी सोशल मीडिया साइट, ठीक, सोशल मीडिया साइट, इतना लगा दिया। और आप इसके बारे में लिख भी सकते हो, उसमें ऑप्शन दिया हुआ है। अब नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद एक तीसरी इमेज और होगी इसमें, उसको देख लेते हैं, ये मिल गई। इसको हम लोग पूरा कोड हटाएंगे, कोड हटाने के बाद यहाँ पे अपने एक कोड को लिखेंगे इमेजेस फॉरवर्ड स्लैश और third.jpg, ठीक है, और इनके ये नाम को चेंज कर देंगे। इसमें हमारा था म्यूज़िकल, ठीक है, म्यूज़िकल, और ये क्या भर रहा हूँ ये आपको अभी समझ में आ जाएगा, म्यूज़िकल साइट, ठीक। अब मैं रन करके दिखाता हूँ, देखो सबसे पहले ये वेबसाइट है, इसको नीचे लाएंगे तो ये देखो जनाब, ये ई कॉमर्स सोशल मीडिया म्यूज़िकल, ये मैंने यहाँ पे ये नाम भरे थे, ठीक है। ये देखो हेडिंग जो मैं चेंज कर रहा था, मैं आपको दिखाता हूँ, ये था ई कॉमर्स साइट सोशल मीडिया साइट म्यूज़िकल साइट। अब आप इनके कोड में और चेंज कर सकते हो, आपके हिसाब से है, ठीक है, पर आप अभी देखो काफ़ी अच्छा लग रहा है। वेबसाइट के बीच में कंटेंट आप डाल सकते हो, बस आपको टेल ब्लॉक्स पे जाना है, कोड को कॉपी करना है एंड पेस्ट कर देना है। उससे पहले टेलविन CSS पे जाकर ये जो एक स्क्रिप्ट वाला कोड है ये आपको अपने हेड सेक्शन के अंदर डाल देना है HTML के अंदर। अगर आप हेड सेक्शन के अंदर ये स्क्रिप्ट नहीं डालते हो तो वो सही से वर्क नहीं होगा। तो ये जो ये एक लाइन की स्क्रिप्ट डाली है ये आपको डालनी होगी, ठीक है। आई होप आपको ये मज़ा आ रहा होगा। यहाँ पे बस हमारे यहीं पे ये वीडियो समाप्त होने वाला है, एक बार इसको और चेंज करके देख लेते हैं। बाकी ये कोड आपको मैं दे रहा हूँ, आप इसको मोबाइल में लैपटॉप में हर जगह रन करके देखें और उसमें आप भी सुधार करें। इसमें अभी बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं जिनको सुधारा जा सकता है, ठीक है, पर आप इसको देखें कि कैसा है ये, ठीक है, जो गड़बड़ी हो उसको आप सुधारें। एंड अगर आप हमको दिखाना चाहते हैं तो आप उसको स्क्रीनशॉट लेकर मुझे भी आप भेज सकते हैं, जो चीज़ें आप इसमें ऐड करें, कलर अलग चेंज कर सकते हैं। तो ये आपकी एक कंप्लीट वेबसाइट थी जनाब, जिसको हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं, क्योंकि अपनी द्वारा बनाई हुई चीज़ को जितनी बार देखो उतना ही अच्छा होता है, मतलब मन को संतुष्टि मिलती है। और देखो यहाँ पे हेडिंग भी काफ़ी अच्छी लग रही है। हम लोग इसको कॉन्टैक्ट पे जाएंगे तो कॉन्टैक्ट पे डायरेक्ट पहुँच जाएंगे, हम लोग सर्विस वाले सेक्शन पे जाएंगे तो सर्विस पे पहुँच जाएंगे, वेबसाइट वाले सेक्शन पे जाएंगे तो वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे, होम वाले सेक्शन पे जाएंगे तो होम पे पहुँच जाएंगे। और ये काफ़ी अच्छी व्यू माई स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो हम अपने उस जगह पहुँच जाएंगे जहाँ मेरे काम का एक चीज़ें पड़ी हुई हैं, मान लो जैसे मेरी वीडियोज़ मेरे चैनल पर पड़ी हैं, आपने गिटहब पे अपने प्रोजेक्ट्स डाल रखे हैं या फिर ड्राइव पे अपनी
कोई फोटोज डाल रखी हैं, तो वहाँ पे आप जाना चाहते हो तो जा सकते हैं व्यू माई स्किल्स पे क्लिक करके। और यहाँ पे ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कंटेंट डाल सकते हैं, कंटेंट को चेंज कर सकते हैं। पूरी वेबसाइट का कोड आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ पर सारी इमेजेस भी होंगी, आपको कुछ भी डाउनलोड करना नहीं है, सारा कोड लिखा होगा और बस, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरी मेहनत को सफल करना चाहते हैं जनाब, अब आपके हाथ में है, तो आप बस कुछ ना करें, एक वीडियो को बस लाइक कर दें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। कमेंट में एक अच्छा सा फीडबैक दे दें कि ये वीडियो एक कंप्लीट थी, आपको पसंद आई, जिससे मतलब आप फीडबैक ये दें कि ये वीडियो आपको काम की है कि नहीं है, इससे आपको क्या सीखने को मिला, ठीक है। और मेरी मेहनत को आप कुछ बताना चाहें तो आप बता सकते हैं, कुछ अगर आप सुधार कराना चाहते हैं तो आप करा सकते हैं। उसके बाद जनाब, अगर आप नए आए हो चैनल पे, तो चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, जिससे आने वाली इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोस एंड कोर्सेज की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगी। और जनाब, अगर आपने मान लीजिए HTML का कोर्स नहीं देखा है, वो भी पढ़ा हुआ है, CSS का कोर्स नहीं देखा वो भी पढ़ा है, C लैंग्वेज का कोर्स चल रहा है, इसके बाद JavaScript का कोर्स आएगा, कुछ भी देखना हो, कुछ भी वॉच करना हो, चैनल को सब्सक्राइब करके आप वॉच कर सकते हो। आप ही का चैनल है, आपके भाई का है, और बाकी आप उस पर इंजॉय कर सकते हो। आज के जनाब इस वीडियो में इतना ही था, ये कंप्लीट आपका एक पूरा वीडियो था, जिसके अंदर मैंने एक पूरी कंप्लीट फ्रंट एंड वेबसाइट बनाई। अब अगर आप इस वीडियो को सपोर्ट करते हैं, तो मैं एक और वीडियो लेकर आऊँगा, जहाँ पर अभी देखो ये एक स्टैटिक वेबसाइट है, स्टैटिक वेबसाइट मतलब जिसमें फ्रंट एंड का सिर्फ यूज़ किया गया HTML CSS का। मैं जहाँ पर आपको बैकएंड की वेबसाइट भी बनाना सिखाऊंगा। बैकएंड में मतलब क्या है कि यही वेबसाइट में अगर मैं एक फॉर्म लगा दूँ, तो उसका डाटा बेस बनाना पड़ेगा, उसके अंदर सारे यूजर्स का डाटा रहेगा, बैकएंड लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ेगी, तो काफ़ी सारा सेटअप करना पड़ेगा, सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है, XAMPP नाम का। तो वो सब चीज़ें मैं आपको उस वीडियो में करके दिखाऊंगा। अगर आप इस वीडियो को सपोर्ट करते हैं, तो मैं एक कंप्लीट डायनेमिक वेबसाइट बनाकर भी आपको दिखा सकता हूं और आपको सिखा भी सकता हूं। तो जनाब, इसी की वीडियो के साथ यहीं पर विराम देता हूं। आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।